ये चैप्टर नंबर 3 का पार्ट बी, एक इंपॉर्टेंट पार्ट, थियोरी ऑफ कॉस्ट एंड थियोरी ऑफ रेवेन्यू। ये चैप्टर में मोस्टली जो मैंने क्वेश्चंस देखे हैं अब तक वो ग्राफ पर बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं, फिर भी हम इसका बिल्कुल डिटेल लेवल पे एनालिसिस करेंगे, उतना एनालिसिस करेंगे जितना एक मैराथन में होना चाहिए या मैराथन से थोड़ा ज़्यादा ही करेंगे। तो आइए बेटा शुरू करते हैं। बेटा हम लोगों ने प्रीवियस यूनिट जो देखा इट वॉज थियोरी ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का संदर्भ अगर मैं लूँ तो बेटा प्रोडक्शन का काम क्या है, प्रोडक्शन थियरी क्या बताते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन क्या बताता है, बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी ऑफ इनपुट एंड फिजिकल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। वहाँ पे इनपुट की क्वांटिटी और आउटपुट की क्वांटिटी की चर्चा होती है। यहाँ पर बेटा थियरी ऑफ कॉस्ट और रेवेन्यू में इनपुट की कॉस्ट और आउटपुट का रेवेन्यू, इसकी चर्चा होने वाली है। आई रिपीट, प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर हमने रिलेशन देखा फिजिकल क्वांटिटी ऑफ इनपुट एंड फिजिकल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। आवाज आ रही है? तो फिजिकल क्वांटिटी ऑफ इनपुट एंड फिजिकल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट देखते हैं बेटा। और थियोरी ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू में क्या देखेंगे, इनपुट की कॉस्ट और आउटपुट का रेवेन्यू देखेंगे। तो बेसिकली थियोरी ऑफ कॉस्ट और रेवेन्यू फाइनेंशियल एस्पेक्ट है प्रोडक्शन का। बिजनेस डिसीजन आर जनरली बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इन अनदर वर्ड, कॉस्ट एनालिसिस इज कंसर्न विद फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का फाइनेंशियल एस्पेक्ट हम यहां पर देखेंगे। अब बेटा टाइप्स ऑफ कॉस्ट देखते हैं। बेसिकली यहां पर बहुत सारी टाइप्स ऑफ कॉस्ट है। पहली कॉस्ट देखते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट, या फिर इसको बेटा बोलते हैं आउटले कॉस्ट। इन चारों का मतलब एक ही है, एक्सप्लिसिट बोलो, आउट ऑफ पॉकेट बोलो, आउटले बोलो, अकाउंटिंग बोलो। ये वो कॉस्ट है बेटा जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होती है। ठीक है बेटा, यहां पर एक्चुअल पेमेंट इन्वॉल्व रहता है। ओके, एग्जाम्पल देखिए बेटा, रेंट, वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट, लोन, बोरोड फॉर बिजनेस एक्सेट्रा। पर बेटा इससे विपरीत एक कॉस्ट होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट, जिसे नोशनल कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। ये एक ऐसी कॉस्ट है बेटा जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होती, ये मात्र डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं खुद अपने बिजनेस के लिए काम कर रहा हूँ और सैलरी खुद को नहीं दे रहा हूँ बेटा, तो यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इम्प्यूटेड कॉस्ट है। मैंने अगर मेरा रेंटेड प्रीमाइस जो हो सकती थी वो मेरा बेटा फैसिलिटी जो जो प्रीमाइस है मैंने मेरे बिजनेस में लगा दी, तो जो मैं रेंट फोरगो कर रहा हूँ, रेंट गवा रहा हूँ, वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, साथ ही साथ बेटा मैंने मेरे घर वालों को अगर बिजनेस में एम्प्लॉयड रखा है, मतलब उनको इस बिजनेस में मैं लेकर आया हूँ, तो बेटा मैं उनको अगर कुछ पे नहीं कर रहा हूँ तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो बाहर अर्न कर सकते थे। याद रखना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट क्या एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, इम्प्लिसिट कॉस्ट है? याद रखना, नॉर्मल प्रॉफिट इज ऑलवेज इम्प्लिसिट कॉस्ट। नॉर्मल प्रॉफिट ऑलवेज इम्प्लिसिट। समझ गए? ओके बेटा, अब अगर मैं इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे मिल जाती है इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जिसके अंदर पेमेंट इन्वॉल्व है और वो कॉस्ट जो डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा बेटा, इम्प्लिसिट, नोशनल, इम्प्यूटेड, अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे एक्चुअल पेमेंट नहीं इन्वॉल्व होता है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होते हैं, ये मात्र केवल डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज सिखाने जा रहा हूँ बेटा, रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट और अकाउंटिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू अकाउंटिंग प्रॉफिट। ये आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, रेवेन्यू है आपका 10,000, एक्सप्लिसिट कॉस्ट है बेटा आपकी 6,000, तो आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट 4,000 दिखेगा। माइनस करेंगे बेटा इम्प्लिसिट, अपॉर्चुनिटी या फिर नोशनल कॉस्ट या फिर इम्प्यूटेड कॉस्ट, समझो 3,000 है, तो बेटा आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट हो गया 1,000। इसको निकालने का एक और तरीका क्या सर, रेवेन्यू आपका 10,000 है, इसमें से इकोनॉमिक कॉस्ट लेस कर दो। इकोनॉमिक कॉस्ट कैसे निकलेगी, एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट, तो आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट आ जाएगा। जो मैंने इक्वेशन लिखी वो ज़्यादा अच्छे से डिटेल में समझाती है चीज़ों को, ये याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं।
बताइए, कोई तकलीफ? आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेटा, वैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो अभी हमने देख ली, इम्प्लिसिट कॉस्ट जिसे बोलते हैं, नोशनल कॉस्ट बोलते हैं, इम्प्यूटेड कॉस्ट बोलते हैं। बेसिकली ये कॉस्ट में कैश पेमेंट इन्वॉल्व नहीं रहता, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से रिकॉर्ड नहीं करते, डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट। अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को और डिटेल में समझना है तो आप समझ सकते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। तो अगर आपके पास ऑल्टरनेटिव है तो ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अगर ऑल्टरनेटिव नहीं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव या फिर कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर गॉन, ठीक है, जो हमने गवा दिया। कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और जो खोते हैं उसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इट रेफर टू द वैल्यू ऑफ सेक्रीफाइस मेड, ठीक है, और अपॉर्चुनिटी फॉर गॉन और नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तभी आएगा जब आपके पास नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव रहेगा, यानी कि ऑल्टरनेटिव है तो ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अराइजेज ओनली व्हेन ऑल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल, अगर रिसोर्सेज का एकमात्र इस्तेमाल है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अराइज नहीं होती। यहां पर कैश पेमेंट इन्वॉल्व नहीं है, मात्र डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, आगे चर्चा करते बेटा ट्रेसेबल कॉस्ट की। ट्रेसेबल कॉस्ट को डायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं। ये कॉस्ट बेटा फाइनल प्रोडक्ट के साथ ट्रेस करी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे डायरी बनानी है तो मुझे पता है कि इसके अंदर पन्ने, पेजेस लगते हैं, कवर लगता है, बाइंडिंग का खर्चा आता है, तो ये खर्चा मुझे पता है इसके ऊपर कितना लगता है। 4 रुपये का कवर आता होगा, 20 रुपये के पन्ने आते होंगे, बाइंडिंग ग्लू का 3-4 रुपये का खर्चा आता होगा। तो बेटा ये सारी जो चीज़ें हैं ये ट्रेसेबल कॉस्ट है, इसको बोला जाता है डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, मेरे को पता है इसकी लगी, पर इसको बनाने के लिए बेटा बिजली भी लगी है, लेकिन कितने रुपए की पता नहीं। इंटरनेट लगा है, वाईफाई लगा है, कंप्यूटर का डेप्रिसिएशन लगा है, ठीक है, फिर बेटा गंगू भाई की साफ सफाई की सैलरी लगी है इसके अंदर, वो सारा खर्चा भी लगा है, लेकिन वो डायरेक्टली इसके अंदर दिख कर नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा कितना लगा है। तो उन खर्चों को बोला जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस या फिर नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट। फिर सर क्या करते हैं उन खर्चे का, उन खर्चों का टोटल करते हैं, फिर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डायरीज करते हैं, हर डायरी पर खर्चा डाल देते हैं। ठीक है, तो भैया ट्रेसेबल कॉस्ट मतलब डायरेक्ट कॉस्ट, इनका प्रोडक्ट के साथ रिलेशनशिप निकालना पॉसिबल है। समझो एक पन्ना 1 रुपए का आता है, इसमें 100 पन्ने तो 100 रुपए प्लस कवर 4 रुपए का 104, बाइंडिंग के 6 रुपए 110 रुपए, मेरे को पता है। पर इसको बनाने के इनडायरेक्ट खर्चे भी बहुत सारे लगे हैं बेटा, आपके डायरेक्टर की सैलरी लगी है, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट की फीस लगी है, वो सब भी तो है, लेकिन वो पता नहीं इसमें कितनी लगी, उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा जी, सो डायरेक्ट कॉस्ट या ट्रेसेबल कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट दैट हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द कंपोनेंट ऑफ ऑपरेशन लाइक मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट एक्सेट्रा। दे आर चार्ज डायरेक्टली, दे कैन जनरली बी क्वांटिफाइड एंड एक्सप्रेस पर यूनिट। ठीक है, ये बोल रहे हैं आप इसे पर यूनिट बता सकते हो, यानी कि एक डायरी में कितने पन्ने लग रहे हैं आप बता सकते हो, आप बता सकते हो पर यूनिट खर्चा कितना आ रहा है, 110 रुपये, आप बता सकते हो पर यूनिट खर्चा कितना आ रहा है। बट बेटा इनडायरेक्ट या नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट क्या रहती है, ये आइडेंटिफाई नहीं करी जा सकती एक प्रोडक्ट के ऊपर कितना लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, इसमें इंटरनेट का भी खर्चा आ रहा है, अभी इंटरनेट का खर्चा कितना आ रहा है ये बताना पॉसिबल है क्या, नहीं। पर मैं आपको जब लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, मैं आपको एक एक बुक्स दे रहा हूँ बेटा, तो मुझे पता है उसमें कितना खर्चा आ रहा है। सो इनडायरेक्ट कॉस्ट आर दोज विच आर नॉट इजिली डेफिनेटली आइडेंटिफाइबल, दे आर नॉट विजिबली ट्रेसेबल, पता नहीं चलता कि कितनी लगी है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसको इकट्ठा करते हैं कुछ स्टैंडर्ड्स की मदद से और फिर बेटा इसको सूटेबल बेसिस पे बांट देते हैं। थैंक यू। ठीक है, ओके बेटा, आइए बेटा अब कमिटेड फिक्स्ड कॉस्ट। कमिटेड फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि ये कॉस्ट फिक्स्ड है और अब ये अनअवॉइडेबल है। सर फॉर एग्जांपल समझो बेटा मैंने एक फैक्ट्री ले ली, फैक्ट्री बेटा मैंने रेंट पर ली है, वो भी 10 साल का एग्रीमेंट है, लॉक इन पीरियड है, तो हर साल मुझे रेंट देना है फिक्स्ड, तो ये तो फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। और अब मैं इसको अवॉइड नहीं कर सकता है, अनअवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट है, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है, एट एनी कॉस्ट ये लगना ही लगना है। ठीक है, इसको बोलते हैं अनअवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट या फिर कमिटेड फिक्स्ड कॉस्ट। आपने एक बार कमिटमेंट कर दिया, अब आपको देना ही पड़ेगा।
नहीं बेटा, भव्य गर्ग नहीं। ठीक है बेटा, फिर डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशन मतलब इच्छा अनुसार, इच्छा अनुसार। सर इच्छा अनुसार का मतलब बेटा ये तो है तो फिक्स कॉस्ट, पर आप इसे जब चाहे रोक सकते हैं, जब चाहे कंटिन्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल का रिचार्ज, आपके मोबाइल का रिचार्ज फिक्स्ड कॉस्ट है। अब आप एक कॉल करो, 100 कॉल करो, 1000 कॉल करो, कॉल मत ही करो, आपको फिक्स्ड रेंटल आएगा ही 300 रुपये, 200 रुपये, जो भी महीने का है। पर बेटा आप चाहें तो इसको अगले महीने अवॉइड भी कर सकते हैं, कैसे, रिचार्ज ना करवा के। तो ये कॉस्ट कौन सी है, अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, डिस्क्रिशनरी बोलते हैं, डिस्क्रिशनरी मतलब इच्छा अनुसार। तो देखिए है तो फिक्स कॉस्ट ही दोनों, लेकिन कमिटेड फिक्स कॉस्ट को आप अवॉइड नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल है। लेकिन डिस्क्रिशनरी इच्छा अनुसार अवॉइड करी जा सकती है। भव्य मैं आपको बता देता हूँ, मेरी कॉस्टिंग की एक फुल बैच आ रही है, ठीक है, फुल बैच यूट्यूब पर आ रही है, स्पेशल अनाउंसमेंट है ये, यूट्यूब पर फुल बैच लेकर आ रहा हूँ मैं इस बार, तो बच्चों के हित में होने वाली है वो चीज़ काफ़ी, तो उनको वहीं से मिल जाएगा बहुत कुछ। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट या फिर संक कॉस्ट। सर हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या है, हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब कॉस्ट जो आपने पास्ट में इनकर करी है, वो डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, मैंने एक मशीन परचेज करी थी 10 साल पहले, आज उसकी WDV है 3 लाख रुपए, तो वो 3 लाख रुपए की WDV मेरे डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो WDV मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मान लो बेटा वो मशीन खजेली हो गई है, चली नहीं रही है, तो मैं ये नहीं बोल सकता अरे वो मशीन अब तक डेप्रिशिएट नहीं हुई है फुल्ली, आप नई मशीनरी नहीं ला सकती, वो किसी काम की चीज़ नहीं है। मान लो आपके घर पे एक वॉशिंग मशीन है और वॉशिंग मशीन ख़राब हो जाती है, आपके पापा बोलते हैं अरे पिछले साल ही तो खरीदी थी, अभी 3 साल चलाना पड़ेगा, मम्मी बोल रही है चल ही नहीं रही है बिल्कुल, तो पापा बोलेंगे अरे इस पर इतना खर्चा हुआ, अब वो इंपॉर्टेंट मैटर है क्या, मुझे बताओ, वो खराब हो चुकी है चीज़, उसकी वैल्यू पूरी यूज़ नहीं, वो अलग बात है, नुकसान हुआ वो अलग बात है, पर वो डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपको भैया आगे जाके कुछ नया करना पड़ेगा। द कॉस्ट विच इज इनकर्ड इन द पास्ट एंड इररेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेस, रिप्लेसमेंट। मान लो बच्चा मेरे पास iPhone 13 है, राइट, मेरे पास iPhone 13 है और मैं iPhone 14 परचेज करने जा रहा हूँ। अब iPhone 14 बोलते हैं 1 लाख रुपए दे दो या तो एक किडनी दे दो, मैंने बोला 1 लाख दे देंगे, तो 1 लाख रुपए उसकी कॉस्ट है iPhone 14 की। लेकिन मैंने बोला देख मेरे पास iPhone 13 भी है, साल भर ही यूज़ किया है, ले ले इसको, तो बोलता है ठीक है साहब ये फ़ोन मैं 40,000 में लेने के लिए रेडी हूँ, तो बताओ बेटा मेरे को पुराना एसेट iPhone 13 और अब इसे रिप्लेस करके नया एसेट लेना iPhone 14, तो रिप्लेस करने में कितना पैसा गया, 60,000। दिस इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब बेटा अगर आपको एसेट, एक एसेट को दूसरे एसेट से रिप्लेस करना है, तो जो एडिशनल पैसा देना पड़ता है बेटा इंक्रीमेंटल, दैट इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल मतलब एडिशनल, इसके आगे की कॉस्ट। तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट का मतलब समझिए बच्चा पार्टी, अगर मैं 1,000 यूनिट बनाता हूँ, लेट्स से डायरीज, ठीक है, मुझे खर्चा आता है बेटा 50,000 रुपये, और मैं बना रहा हूँ 2,000 डायरीज, तो मुझे खर्चा आ रहा है 70,000 रुपये। तो इंक्रीमेंटल खर्चा कितना है, एडिशनल खर्चा कितना है, एडिशनल खर्चा इज 20,000। ठीक है जी, सो इंक्रीमेंटल कॉस्ट रेफर टू एडिशनल कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब होता है पुराने एसेट को नए एसेट से रिप्लेस करने में जो आपको पैसा देना पड़ रहा है। ठीक है जी, अब बात करते हैं प्राइवेट कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट और सोशल कॉस्ट, ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं, अब जरा ध्यान से सुनना, या बच्चों के लिए, कुछ बच्चों के लिए नया भी हो सकता है, कुछ बच्चे जानते भी हैं बेटा। प्राइवेट कॉस्ट, प्राइवेट कॉस्ट और एक होता है सोशल कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, प्राइवेट कॉस्ट यानी कि एक इंडिविजुअल को लगने वाली कॉस्ट। अब ये चाहे तो उसको लगने वाली एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी हो सकती है या तो इम्प्लिसिट कॉस्ट भी हो सकती है, पर जो भी है ये एक इंडिविजुअल को लग रही है। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं, लेट्स से एक फैक्ट्री में मैंने खुद की एक फैक्ट्री डाल दी,
ठीक है, फैक्ट्री में रन कर रहा हूँ, ओन करता हूँ, तो बेटा वो फैक्ट्री रन करने के लिए, ओन करने के लिए मैं 50,000 रुपये का खर्चा करता हूँ, तो ये मेरा एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। पर बेटा साथ ही साथ मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 20,000 रुपये है, तो मेरा टोटल प्राइवेट कॉस्ट कितना हो गया? 70,000। सर ये तो बिल्कुल इकोनॉमिक कॉस्ट जैसा हो गया, हाँ, पर ये किसी एक प्राइवेट पर्सन को लग रहा है, किसी इंडिविजुअल को लग रहा है, इसलिए इसे प्राइवेट कॉस्ट बोलते हैं। अब बात करते हैं सोशल कॉस्ट की। सोशल कॉस्ट में क्या आता है बेटा? प्राइवेट कॉस्ट तो आता ही आता है, साथ ही साथ एक्सटर्नल कॉस्ट भी आता है। अब आप पूछेंगे सर ये एक्सटर्नल कॉस्ट क्या होता है? एक्सटर्नल कॉस्ट का मतलब होता है जब सामने वाला आपका कोई फायदा या नुकसान करता है और उसके बदले आपको पैसे नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल बेटा, आप घर पे पढ़ाई कर रहे हो और बाहर कोई बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा है, तो एक तरह से बेटा ये कॉस्ट है, सोशल कॉस्ट है, इसके लिए आपको पैसा दे रहा है क्या? नहीं, दिस इज़ कॉल्ड अ सोशल कॉस्ट। तो प्राइवेट कॉस्ट के अंदर आपको एक्सटर्नल कॉस्ट भी जोड़नी पड़ती, तो सोशल कॉस्ट बन जाती है। अब मान लीजिए बेटा आप लोगों का बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं लग रहा और किसी ने बहुत मधुर संगीत चला दिया, जिसके पढ़ के आप, जिसको सुन के आपका मूड एकदम खुश हो गया, तो बेटा ये भी क्या है? ये भी एक तरह से कॉस्ट है, एक्सटर्नल कॉस्ट, क्योंकि इसके अंदर मनी इन्वॉल्व ही नहीं है। मान लो आप रोड पे चलते हुए जा रहे हो और आप बस स्टॉप पे रुके, वहाँ पे एक बंदा धूम्रपान कर रहा है। अब बेटा क्योंकि वो सिगरेट पी रहा है तो आप लोग डिस्टर्ब हो रहे हो, पर इसके लिए वो आपको पैसे दे रहा है क्या? नहीं। आपको तकलीफ हो रही है पर पैसे दे रहा है क्या? नहीं। तो ऐसी कुछ कॉस्ट है बेटा जहाँ पर पेमेंट इन्वॉल्व नहीं रहता, इसे बोला जाता है एक्सटर्नल कॉस्ट। तो प्राइवेट कॉस्ट मतलब एक प्राइवेट इंडिविजुअल आदित्य शर्मा को लगने वाली एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट, इसे बोलते हैं प्राइवेट। अब भैया प्राइवेट कॉस्ट के अंदर एक्सटर्नल कॉस्ट ऐड करो तो मिल जाती है सोशल कॉस्ट। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? जी तो सोशल कॉस्ट या प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। अब भैया इसमें से सही और गलत मुझे बताएंगे। ओके बेटा, रेंट जो आपने पे किया है थर्ड पार्टी को, वेजेस जो आपने पे किए हैं वर्कर्स को, इंटरेस्ट पे किया है कैपिटल पे जो पे किया है, ये क्या है? ये एक्सप्लिसिट खर्चा है जहाँ पे कैश पेमेंट इन्वॉल्व है, या इम्प्लिसिट खर्चा है, कैश पेमेंट इन्वॉल्व नहीं है? सर ये तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, यहाँ पे कैश पेमेंट इन्वॉल्व है। अच्छा, लैंड इज ओन्ड बाय योरसेल्फ, तो खुद को तो रेंट दोगे नहीं, खुद के ही लोग बिजनेस में लगा रखे हैं तो बेटा खुद के लोगों को तो पैसा दोगे नहीं। ऑन्ट्रप्रनोर खुद ही धंधे में काम कर रहा है, बेटा खुद को तो पैसा दोगे नहीं। तो ये सारी चीज़ें क्या है बेटा? ये सारी चीज़ें हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब याद रखना, जो नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट ऑलवेज इम्प्लिसिट, याद रखिए, नॉर्मल प्रॉफिट ऑलवेज इम्प्लिसिट, ऑलवेज मतलब ऑलवेज इम्प्लिसिट। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स की कॉस्ट देखेंगे बेटा। सबसे पहली कॉस्ट, ये तो टेबल किसी काम का नहीं, मैं आपको अलग से बताऊंगा। सबसे पहली कॉस्ट देखेंगे बेटा हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट रहती है, सभी बच्चों ध्यान से सुनना, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट रहती है जो वेरी करती है, नहीं सॉरी, जो वेरी नहीं करती है प्रोडक्शन के अनुसार, यानी कि वो फिक्स्ड रहती है इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ प्रोडक्शन। तो फिक्स्ड कॉस्ट इज अ कॉस्ट विच रिमेन्स कॉन्स्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ प्रोडक्शन। आप कम प्रोड्यूस करो, ज्यादा प्रोड्यूस करो, जितना प्रोड्यूस करना है करो, मत प्रोड्यूस करो, ये कॉस्ट उतनी ही लगेगी। ये कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि महीना हो गया आपको पे करना है, साल हो गया आपको पे करना है बेटा, इसका प्रोडक्शन के साथ कोई लेन देन नहीं है, इसका रिलेशन है बेटा पीरियड के साथ, इसलिए इसे बोला जाता है इट इज द फंक्शन ऑफ आउटपुट एंड नॉट द टाइम, सॉरी इट इज द फंक्शन ऑफ टाइम एंड नॉट द आउटपुट। मतलब कि समय हो गया आपको फिक्स कॉस्ट इमीडिएटली पे करना है। सो फिक्स कॉस्ट इज द कॉस्ट विच रिमेन्स कॉन्स्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ प्रोडक्शन। हाइयर प्रोड्यूस करो, लोअर प्रोड्यूस करो, जीरो प्रोड्यूस करो, कॉस्ट उतनी ही लगेगी। दिस इज कॉल्ड पीरियड रिलेटेड कॉस्ट।
इट इज नॉट द फंक्शन ऑफ आउटपुट बट फंक्शन ऑफ टाइम, समय हो गया पेमेंट करना है, कितना प्रोड्यूस किया उसको मैटर नहीं करता, ठीक है। अच्छा जी सर, ये कॉस्ट के ना डायग्राम बता दो जी, बहुत चीजें पहले ही क्लियर हो जाएगी डायग्राम से। हेलो बच्चों, आवाज क्लियर आ रही है ना? चलिए क्लियर क्लियर। बेटा ये रहा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ, ये है टोटल वेरिएबल कॉस्ट और ये है टोटल कॉस्ट। बेटा देखिए, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट है इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ प्रोडक्शन। आप जीरो यूनिट प्रोड्यूस करो तो भी ये कॉस्ट लगेगी, समझो 10,000 है। आप बेटा एक यूनिट प्रोड्यूस करो तो भी 10 लगेगी, 1,000 यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो भी 10 लगेगी, और 50,000 यूनिट प्रोड्यूस करो तो भी 10,000 ही लगेगी। तो ये है फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिमेंस कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन अब जरा ध्यान देना, अगर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट है सर, मैं एक यूनिट बनाता हूँ तो 10,000 आएगा, मैं दो यूनिट बनाता हूँ तो 5,000 आएगा, मैं चार यूनिट बना रहा हूँ तो 2,500 आएगा, मैं 10 यूनिट बना रहा हूँ तो 1,000 आएगा, मैं अगर 20 यूनिट बना रहा हूँ तो सर 500 आएगा, अगर मैं 1,000 यूनिट बना रहा हूँ तो 10 रुपये आएगा। इसका मतलब जैसे जैसे मैं आउटपुट बढ़ाता जाऊँगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट गिरता जाएगा, पर ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जीरो कभी नहीं होगा, ठीक है, जीरो के बहुत नजदीक जाएगा। जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट गिरता जाएगा विद इंक्रीज इन आउटपुट, क्योंकि देखिए न्यूमरेटर कांस्टेंट है, आप डिनोमिनेटर बढ़ाते जाओगे तो फ्रैक्शन की वैल्यू छोटी होती जाएगी, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कंटिन्यूअसली गिरता है पर वो कभी जीरो नहीं होगा। जीरो क्यों नहीं होगा बेटा मुझे बताइए, जीरो कैसे हो सकता है? 10,000 को किस चीज से डिवाइड करूं कि जीरो हो जाए? अगर मैं इन्फिनिटी से भी डिवाइड कर दूं तो बेटा वो 0000000.000000 होगा, लेकिन जीरो एग्जैक्ट नहीं होगा। देखिए कहते हैं कि ये जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व है, ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है बेटा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब बेटा ये एक्सिस के नजदीक जरूर जाएगा पर उसको कभी टच नहीं करेगा, एकदम एक्सिस के नजदीक से जाएगा पर उसको कभी टच नहीं करेगा। और एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व कंटिन्यूअसली डिमिनिशिंग कर्व है, कंटिन्यूअसली फॉल होता है आउटपुट के बढ़ने से, कंटिन्यूअसली गिरते जाता है। हाँ, जीरो कभी नहीं होगा, समझ गए? तो फिक्स कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट समझ गए। पढ़िए, फिक्स्ड कॉस्ट इज द कॉस्ट दैट डू नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट, इट इज कॉल्ड एज पीरियड रिलेटेड कॉस्ट, इट इज द फंक्शन ऑफ टाइम एंड नॉट आउटपुट, इसको समय हो गया तो पेमेंट करना पड़ता है, कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया उस पर डिपेंडेंसी नहीं है। बेटा इसको हमें इनकर करना पड़ता है अगर आउटपुट जीरो है तो भी, जरा ध्यान से देखिएगा बच्चा पार्टी, यहां पर आपका आउटपुट जीरो है फिर भी आपको फिक्स्ड कॉस्ट 10,000 लग ही रही है। बेटा आपका जीरो प्रोडक्शन रहेगा तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो जाएगी पर फिक्स्ड कॉस्ट तो आपको लगेगी ही लगेगी, तो फिक्स्ड कॉस्ट इज अनअवॉइडेबल, ये आपको लगनी ही लगनी है, बात समझ में आए? इट इज इनकर्ड इवन एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट।
फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट का मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, मतलब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन आउटपुट, ये तो सत्य है। एवरेज फिक्स कॉस्ट कंटिन्यूअसली गिरता है आउटपुट के बढ़ने से, आप आउटपुट बढ़ाते जाओ, क्वांटिटी बढ़ाते जाओ, डिनोमिनेटर बढ़ाते जाओ, एवरेज फिक्स कॉस्ट गिरता जाता है। एग्जाम्पल रेंट, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा आर फिक्स्ड कॉस्ट। क्या आपको मेरी बात समझ में? नेक्स्ट है बेटा वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या बोलता है? वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट विच चेंजेस, विच वेरीज विथ लेवल ऑफ आउटपुट। अगर आप ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे ज्यादा लगेगा, कम प्रोड्यूस करोगे कम लगेगा, नहीं प्रोड्यूस करोगे नहीं लगेगा। इट इज द फंक्शन ऑफ आउटपुट, कितना प्रोड्यूस करो उस पर डिपेंडेंट है, इट इज नॉट फंक्शन ऑफ टाइम। जनरली एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कॉन्स्टेंट रहता है, जनरली एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, पर जरूरी नहीं कि हमेशा रहे। और एक चीज याद रखना, प्रोडक्शन बढ़ाओगे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, प्रोडक्शन कम करोगे वेरिएबल कॉस्ट कम होगा। तो भैया वेरिएबल कॉस्ट आर द कॉस्ट दैट वेरी एज द लेवल ऑफ आउटपुट, दे आर कॉल्ड एज प्रोडक्ट रिलेटेड कॉस्ट, दे आर डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस दैट इज आउटपुट एंड नॉट टाइम, दे आर इनकर्ड ओनली वेन प्रोडक्शन इज कमेंस, धंधा चालू करोगे तो ही लगेगा, धंधा बंद कच्चे माल का खर्चा लगेगा ही नहीं। दीज कॉस्ट आर अवॉइडेबल, कैसे, हाउ? आंसर है स्टॉप प्रोडक्शन एंड वेरिएबल कॉस्ट वोंट बी इनकर्ड। बेटा क्या बोल रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट को अवॉइड किया जा सकता है, कैसे, धंधा बंद करो नहीं लगेगा, पर फिक्स कॉस्ट धंधा बंद करो तो भी लगेगा, मतलब टेम्परेली बंद करो तो भी। देखिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जनरली रिमेन्स कॉन्स्टेंट, जनरली वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कॉन्स्टेंट रहता है, पर हमारे केस में नहीं होता है। एग्जाम्पल रॉ मटेरियल का खर्चा, वेजेस का खर्चा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये देखिए बेटा, ये देखिए वेरिएबल कॉस्ट, जैसे जैसे आपका आउटपुट आगे बढ़ता जा रहा है आपका वेरिएबल कॉस्ट टोटल में बढ़ता ही जा रहा है, तो योर वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन आउटपुट एंड डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन आउटपुट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जरूरी नहीं कि ऐसा स्ट्रेट लाइन हो, कभी कभी वो ऐसा कर भी रहता है। सर ऐसा कर क्यों है? इनिशियली बेटा ये फ्लैटर चले, फ्लैटर क्यों है? क्योंकि आपको बल्क बाइंग पे डिस्काउंट मिलता है, इसलिए धीरे धीरे बढ़ता है। बाद में जोर से बढ़ता है क्योंकि भैया बाद में डिसइकोनॉमीज होना चालू हो जाते हैं। तो आई रिपीट इट वंस अगेन, या तो ऐसा स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, कोई हार्म नहीं है, या तो एक ऐसा कर्व भी हो सकता है इनवर्ट, इनवर्टेड, इनवर्टेड एस, उल्टा एस शेप है ये। सर इसके दो टाइप के स्लोप आ रहे हैं, यहाँ पर फ्लैटर क्यों है? क्योंकि आप लोगों को बल्क बाइंग पे डिस्काउंट मिल रहा है। यहाँ पर सर स्टीपर क्यों है? क्योंकि बेटा यहाँ पर आप लोगों को डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, डिसइकोनॉमीज हो रही है। ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता है। बोलिए याद रहेगा। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व की बात करते हैं, आप सभी बच्चों को पता है ये रहा आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व कंटिन्यूअसली डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है इनिशियली, फिर बेटा मिनिमम पे पहुंचता है और फिर बाद में राइज होना चालू कर देता है। तो बेसिकली इट इज अ यू शेप्ड कर्व। ये एक यू शेप कर्व क्या बताता है कि भैया इनिशियली आपको पर यूनिट कॉस्ट कम लगती है, गिरती जाती है, मिनिमम पे पहुंचने के बाद अब उसने भी बढ़ना चालू कर देना है। तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यू शेप का मतलब क्या है? इनिशियली वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिरता है, मिनिमम पे पहुंचता है, बढ़ना चालू हो जाता है। ये ग्राफ के शेप को देखकर ही आप बता सकते हो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज अ यू शेप कर्व। अब बेटा हम क्या करेंगे, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों को ऐड करके एवरेज टोटल कॉस्ट निकालेंगे, या फिर टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट निकालेंगे। तो हम ये टोटल फिक्स कॉस्ट के ग्राफ को और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के ग्राफ को दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा टोटल कॉस्ट का ग्राफ। या तो ये ऐसा स्ट्रेट लाइन हो सकता है या तो ये भी ऐसा हो सकता है। एक चीज याद रखना, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सर क्यों कांस्टेंट रहेगा?
सर टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट क्यों रहेगा? बहुत सिंपल रीजन है बेटा, अगर मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट को इधर भेज दूँ तो क्या मिलेगा? टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहता है। तो बच्चों टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस क्या है? फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट है तो इनका डिस्टेंस भी कांस्टेंट है। ठीक है जी, क्या ये चीज़ क्लियर हुई? अब मैं आपको एक बहुत बेहतरीन चीज़ बताने जा रहा हूँ जो एमसीक्यू के लिए आपको बहुत सहायता प्रदान करेगी। बताइए सर, बताइए कौन सी चीज़? जो मैंने पॉइंट बोला वो क्लियर हुआ ना? अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना बेटा। एट 0 यूनिट्स टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट। हाउ? बहुत सिंपल है। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर आप 0 यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो आपको वेरिएबल कॉस्ट लगेगी क्या? नहीं, सिर्फ फिक्स कॉस्ट लगेगी। तो बच्चों कभी कभी क्वेश्चन के अंदर ना आपको फिक्स कॉस्ट नहीं दिया जाता है, पर ये दिखाया जाता है 0 यूनिट पे टोटल कॉस्ट 100 रुपये लग रही है। अरे भैया 0 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, टोटल कॉस्ट 100 लग रही है, वेरिएबल तो लग नहीं रही होगी, तो सारी की सारी फिक्स्ड है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये रहा बेटा आपका टोटल कॉस्ट का ग्राफ। बेटा टोटल कॉस्ट का ग्राफ अगर आप देखेंगे, ये बेटा ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, ये एट सम पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस पे कहीं ना कहीं से शुरू हो रहा है। समझ रहे हैं? टोटल कॉस्ट बेटा कभी भी जीरो नहीं रहेगी। क्यों? अगर आप प्रोडक्शन नहीं भी करोगे तो फिक्स कॉस्ट तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, अब बेटा इसका जो शेप है वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, डिपेंड करता है वेरिएबल कॉस्ट का शेप कैसा है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मोर ओवर बच्चा पार्टी, अगर हम देखें एवरेज कॉस्ट का शेप कैसा रहता है, तो उसका शेप ऐसा यू शेप रहता है। अब वो कैसे आया शेड्यूल की मदद से, मैं वो नहीं सिखाऊंगा आपको, ये ग्राफ याद रखना है बस। तो देखिए बेटा जो आपका एवरेज कॉस्ट ग्राफ रहता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ, वो कंटिन्यूसली डाउनवर्ड स्लोपिंग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। फिर बेटा जो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो भी फॉल होता है, मिनिमम पे पहुंचता है और फिर बाद में बढ़ना चालू करता है। फिर बेटा जो आपका एवरेज कॉस्ट का ग्राफ है वो बढ़ता है, सॉरी गिरता है, मिनिमम पे पहुंचता है, फिर बाद में वो भी बढ़ना चालू हो जाता है। और एक लास्ट है मार्जिनल कॉस्ट कर्व। मार्जिनल कॉस्ट कर्व नाइकी के शेप जैसा है बेटा, यू शेप कर्व है ये भी। अब सवाल कई बार पूछते हैं कि इनमें से कौन सा कर्व यू शेप कर्व है, तो मार्जिनल कॉस्ट भी यू शेप है, एवरेज कॉस्ट भी यू शेप है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी यू शेप है, एवरेज फिक्स कॉस्ट नहीं है बेटा। ठीक है सर, ये एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एक क्यों नहीं हो जाते? एक कैसे होंगे बेटा? एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी तो है। तो अगर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है तो एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट सेम होंगे, पर क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट है ये दोनों एक नहीं हो सकते। लॉन्ग रन में एक क्यों हो जाते हैं? क्योंकि लॉन्ग रन में सर फिक्स्ड कॉस्ट ही नहीं होता। अगर फिक्स्ड कॉस्ट नहीं तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट एक ही हो जाता है। ये समझ में आया क्या? उसकी प्रॉपर्टीज देख लेंगे अपन। फिर बात करते हैं बेटा मार्जिनल कॉस्ट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा करने वाला हूं मैं। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट मतलब एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी, एडिशनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? टोटल कॉस्ट ऑफ एंथ यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ एन माइनस वन यूनिट। या फिर बेटा कभी कभी हम फॉर्मूला यूज करते हैं चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। बच्चा पार्टी एक और फॉर्मूला होता है मार्जिनल कॉस्ट का, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ एंथ यूनिट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ एन माइनस वन यूनिट। सर आपने वेरिएबल कॉस्ट के डिफरेंस को मार्जिनल कॉस्ट क्यों बोला? मुझे बताइए, अगर आप 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो टोटल कॉस्ट ऑफ 10 यूनिट कितना आ जाएगा? सर ये आ जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 10 यूनिट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ 10 यूनिट। और अगर आप टोटल कॉस्ट 9 यूनिट की निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 9 यूनिट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ 9 यूनिट। बेटा इन दोनों का डिफरेंस टोटल कॉस्ट ऑफ 10 यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ 9 यूनिट से मुझे मार्जिनल कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस ये कट गया, ये कट गया, क्योंकि फिक्स कॉस्ट 10 यूनिट की बोलो 9 यूनिट की बोलो एक ही है। तो बचा क्या? टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 10 यूनिट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 9 यूनिट। तो कहने का मतलब है कि अगर आप एडिशनल प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपको एडिशनल कॉस्ट लगती है मार्जिनल कॉस्ट, पर एडिशनल कॉस्ट है कौन सी? वेरिएबल कॉस्ट। जी, बस। तो देखिए चार फॉर्मूले निकल के आए। पहला
टोटल कॉस्ट ऑफ एंथ यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ एन माइनस वन यूनिट, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी. दूसरा, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ एंथ यूनिट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ एन माइनस वन यूनिट. एक और फॉर्मूला है, चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी. बिल्कुल ओके. तो मार्जिनल कॉस्ट के मैंने फॉर्मूले बता दिए. मार्जिनल कॉस्ट का शेप कैसा है बेटा? मार्जिनल कॉस्ट का सर हम शेप देखें तो सर ये इनिशियली गिरता है, मिनिमम पे पहुंचता है और राइज करना चालू कर देता है. तो इससे क्लियरली दिख रहा है कि एक यू शेप कर्व है, नाइकी का शेप है इसका. मार्जिनल कॉस्ट कर्व डिक्लाइंस फर्स्ट, रीचेस मिनिमम एंड देन राइजेस, इट इज अ यू शेप कर्व. फिर बेटा बात करते हैं कॉस्ट फंक्शन का मतलब क्या होता है. बेटा कॉस्ट फंक्शन का मतलब होता है, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड डिटर्मिनेंट ऑफ कॉस्ट. फॉर एग्जाम्पल बेटा, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये आप जानते हैं. तो ये कुछ नहीं है, कॉस्ट फंक्शन है. ये बेसिकली बताता है रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट एंड डिटर्मिनेंट ऑफ कॉस्ट. ये बताता है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है और उससे सॉरी उसके एलिमेंट्स कौन से हैं. तो कॉस्ट फंक्शन बेसिकली रिलेशन बताता है किसमें, टोटल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट का टोटल में. मतलब क्या, इट इज अ फंक्शन, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट एंड इट्स एलिमेंट एंड इट्स डिटरमिनेंट. तो कॉस्ट फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट. बोलो जयेश. समझे? सो बेटा कॉस्ट फंक्शन का मतलब क्या, प्रोडक्शन फंक्शन मतलब क्या है? सर प्रोडक्शन फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन अ टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी ऑफ इनपुट एंड फिजिकल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट. तो प्रोडक्शन फंक्शन वॉज रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट आउटपुट क्वांटिटी. ये किस चीज का बेटा रिलेशन है? तो कॉस्ट फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट. मतलब टोटल कॉस्ट और वो कैसे कैसे डिराइव हुआ ये. फिर चलिए बेटा चर्चा करते हैं शॉर्ट टर्म की. क्या होता है शॉर्ट टर्म? सर शॉर्ट टर्म एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम रहता है जहां पर सर वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी होते हैं और फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी होते हैं. वेरिएबल फैक्टर पे लगता है वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड फैक्टर पे लगता है फिक्स्ड कॉस्ट. यानी शॉर्ट टर्म में आपको फिक्स्ड कॉस्ट भी देखने को मिलेगा, वेरिएबल कॉस्ट भी देखने को मिलेगा. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट देखने को भी मिलेगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट देखने को भी मिलेगा. ठीक है, शॉर्ट टर्म का डिटर्मिनेशन करा जाता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन से. मैंने आपको अभी थोड़े टाइम पहले पढ़ाया था, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन एक शॉर्ट रन का लॉ है और भैया उसके बेसिस पर ही हमारे कॉस्ट फंक्शन बनता है. तो शॉर्ट रन द पीरियड इन विच सम फैक्टर आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल. फिक्स्ड फैक्टर के साथ होती है फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल फैक्टर के साथ होती है वेरिएबल कॉस्ट. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन अप्लाइज. देख लिया बेटा? देखिए मैंने आपको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ भी बता दिया. बेटा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अगर प्रोडक्शन जीरो भी रहा ना तो भी फिक्स्ड कॉस्ट तो लगता ही लगता है. ये स्टार्ट होता है बेटा वाई एक्सिस से और पैरेलल है एक्स एक्सिस से. ठीक है, सो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. अगर आपका आउटपुट जीरो है तो भी ये कॉस्ट लगेगी. अब बात करते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट की. टोटल वेरिएबल कॉस्ट बेटा प्रोडक्ट रिलेटेड कॉस्ट है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप प्रोडक्शन करोगे तो ये कॉस्ट लगेगी और अगर आप प्रोडक्शन नहीं करोगे तो कॉस्ट नहीं लगेगी. जीरो यूनिट प्रोड्यूस करोगे कॉस्ट जीरो लगेगी, प्रोडक्शन बढ़ाओगे कॉस्ट बढ़ती जाएगी. यानी इट इज अ फंक्शन ऑफ आउटपुट एंड नॉट टाइम. देखिए बेटा जीरो यूनिट प्रोड्यूस करने पर जीरो लग रही है, प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो कॉस्ट बढ़ 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 रही है. सो बेटा ये देखिए ये अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ है. ये जरूरी नहीं कि इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ही हमेशा, कभी कभी इनवर्ट ऐसा भी हो सकता है. सर ये ऐसा क्यों होगा, इसके पीछे कोई रीजन है? यस, इनिशियली बेटा जब आप लार्ज बाइंग करते हो तो आपको डिस्काउंट मिलता है, इसलिए आपकी कॉस्ट बहुत स्लोली बढ़ती है. लेकिन बाद में डिस्काउंट नहीं मिलता है और दूसरे भी खर्चे बढ़ जाते हैं तो ये कॉस्ट स्टीपली बढ़ती है. पहले हल्लू हल्लू बढ़ती है फ्लैटर और बाद में स्टीपर रेट से, इसलिए ड्यूअल कर्व भी होते हैं. सो वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट दैट varies, that changes with level of output. Output बदला ये भी बढ़ता है.
इट हैज द इनवर्स एस शेप, उल्टा एस का शेप है बेटा इसका, ओरिजिन से स्टार्ट होता है बेटा। ये देखिए क्या लिखा है, अगर आउटपुट जीरो है तो आपको कॉस्ट भी नहीं लगेगी, आपकी कॉस्ट भी जीरो है। बोलो बच्चों सब समझ में आ रहा है? अब इन दोनों को ऐड करके मुझे मिल जाएगा टोटल कॉस्ट, वो बता दूंगा मैं आपको। सेमी वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट रहती है जो ना ही पूरी तरीके से फिक्स्ड है ना ही पूरी तरीके से वेरिएबल है। फॉर एग्जाम्पल बेटा आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल, आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है उसके अंदर फिक्स्ड मीटर के चार्जेस रहते हैं और आपने कितना चलाई है, आपने बिजली कितनी जलाई है उसके बेसिस पर भी बिल आता है। कभी आपने जूम कार यूज करी है? कभी आपने कार रेंटल पे ली है? अगर आप कार रेंटल पे लोगे ना तो आपको एक फिक्स्ड किराया लगता है दिन का, अब आप चलाओ नहीं चलाओ ये तो लगना ही लगना है, और उसके बाद रनिंग कितनी कर रहे हो उस पर भी डिपेंडेंट है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आपने कभी बेटा पोस्ट पेड मोबाइल का बिल देखा, उसका एक फिक्स्ड रेंटल रहता है 400-500 रुपए महीना, और उसके अलावा जितने कॉल करते हो उसके हिसाब से और लगता है। तो बेटा पोस्ट पेड भी एग्जाम्पल है सेमी वेरिएबल कॉस्ट का। बेटा सेमी वेरिएबल कॉस्ट जैसा एक और कॉस्ट है सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। ये कॉस्ट कैसी रहती है बेटा, समझो पहले 10 यूनिट के लिए कांस्टेंट रहेगी 10,000, फिर बेटा आपको 11वां यूनिट चाहिए ना तो आपको सडनली एक और भैया यूनिट बाय करना पड़ेगा, फिर ये कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी अगले 10 यूनिट तक। फॉर एग्जांपल मेरी क्लासरूम की कैपेसिटी है 40 बच्चों को बिठाने की, तो पहले 40 बच्चों के लिए एक क्लासरूम लगेगी 10,000 लेना पड़ेगा, पर जैसे 41 स्टूडेंट आ जाएगा अब ये कॉस्ट बढ़ जाएगी और ये हो जाएगी 20,000। सर लेकिन ये कांस्टेंट रहेगी 41 से लेकर 80 स्टूडेंट यानी अगले 40 स्टूडेंट के लिए, फिर मेरे पास अगर कोई एक और स्टूडेंट आया तो कॉस्ट सडनली बढ़ जाएगी लेकिन ये अगले 40 तक और कांस्टेंट रहेगी, फिर मेरे पास कोई और स्टूडेंट आया सडनली कॉस्ट बढ़ जाएगी और बेटा कांस्टेंट रहेगी अप टू अ लेवल। जी बस एंड पिकनिक कोचिंग वाला एग्जांपल। तो भैया देखिए सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट विच इज नाइदर परफेक्टली वेरिएबल नॉर फुल्ली फिक्स्ड, इसमें दोनों के एलिमेंट छुपे हुए हैं। अब भैया शॉर्ट रन कर्व देखिए, ये कर्व मैंने आपको बता दिया है, ये है आपका टोटल कॉस्ट, ये रहा आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट और ये रहा आपका टोटल कॉस्ट। बेटा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, जरा हम कुछ चीजें देख लेते हैं। टोटल कॉस्ट बेटा जो है वो कहीं तो भी स्टार्ट हो रहा है y एक्सिस पे। अगर हम बात करें टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की, अगर आपका प्रोडक्शन जीरो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100, 200, 500, ये कॉस्ट तो फिक्स्ड रहने वाली इन रिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ प्रोडक्शन। पर बेटा जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है। प्रोडक्शन बढ़ रहा है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ रही है। इनिशियली ये स्लोअर रेट से बढ़ता है, क्यों? क्योंकि इकोनॉमीज मिल रही है, बाद में डिस इकोनॉमीज के चलते हुए रेट देखो जपाक से बढ़ रहा है। बेटा इन दोनों के एडिशन से मुझे मिल जाएगा टोटल कॉस्ट, ठीक है। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बेटा ये टोटल कॉस्ट है ना, ये स्टार्ट हो रहा है एक सर्टन पॉइंट ऑन वाई एक्सिस से, ठीक है जी। पढ़ते हैं, इट कैन बी नोटिस दैट टोटल फिक्स कॉस्ट इज कॉन्स्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग इन आउटपुट बट उसका रेट अलग है। इनिशियली बेटा हल्लू हल्लू बढ़ता है, क्यों? इकोनॉमीज के कारण, और बाद में बेटा जुपुक से बढ़ना चालू हो जाता है। इसलिए तो शेप देखिए पहले स्लोली बढ़ता है फिर बाद में जम के बढ़ना चालू हो जाता है। द बिहेवियर ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज डिटरमाइंड बाय लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, शॉर्ट रन का लॉ पढ़ रहे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। टोटल कॉस्ट इंक्रीज विद इंक्रीज इन आउटपुट, बेटा टोटल कॉस्ट बढ़ रहा है आउटपुट के बढ़ने से। अच्छा ये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है। क्या बोला सर आपने? बेटा टोटल कॉस्ट इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है। टोटल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट के कारण नहीं बढ़ता है, टोटल कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के कारण बढ़ रहा है, क्योंकि आप ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट लगेगी और टोटल कॉस्ट बढ़ेगा, पर फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट है। सो टोटल कॉस्ट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन आउटपुट, चेंज इन टोटल कॉस्ट इज बिकॉज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज अपवर्ड स्लोपिंग, इनिशियली फ्लैटर बाद में स्टीपर, टोटल कॉस्ट इज अपवर्ड स्लोपिंग स्टार्टिंग फ्रॉम वाई एक्सिस। इसमें कोई भी पॉइंट में तकलीफ है तो बता दीजिएगा। यस, टोटल कॉस्ट क्यों बढ़ता है? इसे वेरिएबल कॉस्ट के कारण। ये आपका शॉर्ट रन का डिटर्मिनेशन हुआ, ऑप्टिमाइजेशन तो करके बताऊंगा। Have
हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी पेंटा, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। सर ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट और हाईली सब्स्टिट्यूटिबिलिटी में फर्क क्या होता है? किस रेलेवेंस में बोल रहे हो, किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हो? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है बिल्कुल इसकी जगह ये यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे को अगर आप बिस्लरी की 1 लीटर की बॉटल दे दो वर्सेस एक्वाफिना की 1 लीटर की बॉटल दे दो, दोनों बेटा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। और हाई सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, मुझे आप हमाम दे दो वर्सेस मेडिमिक्स दे दो, हाई लेवल ऑफ सब्स्टिट्यूटेबिलिटी है। पहले वाले केस में दोनों एग्जैक्ट डिट्टो सेम है, दूसरे वाले केस में बहुत हाई लेवल ऑफ सब्स्टिट्यूटेबिलिटी मतलब बहुत हद तक सेम है पर एग्जैक्ट सेम नहीं है। पॉइंट समझ गया क्या बेटा? ठीक है आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। एवरेज फिक्स कॉस्ट, ए मेरे को एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व बनाना आता है। एवरेज फिक्स कॉस्ट का कर्व कैसा रहता है? सर एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो कर्व है ना वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है और सर वो जीरो के नजदीक जाएगा पर कभी एक्सिस को टच नहीं करेगा। एक्सिस को टच करना मैथमेटिकली पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी होता है। एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगा? टोटल फिक्स कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करो। भैया आपका टोटल फिक्स कॉस्ट है समझो 10,000, आप कुछ भी कर लो ये जीरो नहीं होगा, ये जीरो के नजदीक जाएगा। आप इसे जीरो से डिवाइड करो तो इनफाइनाइट हो जाएगा और इन्फिनिटी से डिवाइड करो तो बहुत सूक्ष्म हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, पर बेटा कभी जीरो नहीं होगा। ये एक्सिस को कभी टच नहीं होगा, यू शेप कर्व भी नहीं है। सो भैया देखिए एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगा? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। बेटा ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है पर जीरो नहीं होता, यू शेप कर्व भी नहीं है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। वही बात करते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बेसिकली एक यू शेप कर्व है, इनिशियली फॉल होता है, मिनिमम पहुंचता है, राइज होना चालू हो जाता है। एक चीज याद रखना बेटा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकलता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी से। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। बेटा इनिशियली गिरता है, मिनिमम पहुंचता है, राइज होता है, यू शेप कर्व है। आपको सिर्फ ग्राफ पता होने चाहिए, सारे पॉइंट फालतू है हमारे लिए, दीज आर यूजलेस पॉइंट फॉर अस, व्हाट टू से नाउ? नेक्स्ट एवरेज टोटल कॉस्ट। बेटा इन दोनों कर्व को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट भी बेटा इनिशियली गिरता है, मिनिमम पे पहुंचता है, बढ़ना चालू करता है, यू शेप कर्व है। कैसे बनता है सर एवरेज टोटल कॉस्ट? दो फॉर्मूले, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट से बनता है। सो एवरेज कॉस्ट कैसे बनता है बेटा? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। एक और फॉर्मूला, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। बेटा ये कर्व इनिशियली गिरता है, रीचेस मिनिमम एंड देन राइज, देयरफॉर इट इज अ यू शेप कर्व। ठीक है जी, अब मार्जिनल कॉस्ट कर्व। मार्जिनल कॉस्ट कर्व कैसा है? ऐसा कर्व है बेटा, इट इज अ यू शेप कर्व। वो भी इनिशियली गिरता है, मिनिमम पे आता है, राइज होना चालू करता है। लेकिन इसकी एक खास प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी? सर ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों को उनके मिनिमम पॉइंट पे टच करता है, दोनों को उनके मिनिमम पॉइंट। व्हेन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन टू गुड्स इज वेरी हाई, वेरी हाई आया ना, वेरी हाई तो हाई सब्स्टिट्यूट और इनफाइनाइट आया तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। वेरी हाई तो वेरी हाई मतलब बेटा इलास्टिसिटी बहुत हाई तो वेरी क्लोज सब्स्टिट्यूट, और अगर इनफाइनाइट आंसर आ जाता तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। तो तेरे केस में आंसर है हाईली सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। नहीं वो तो कब, अब अकाउंट्स की तरफ रुझान है आपका, मेरे को मालूम है। इसमें देखना जंप के आप लोग देखेंगे इसको एग्जाम टाइम पे।
ओके बेटा, तो लो मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट को उनके मिनिमम पॉइंट पे कट करता है। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट कर्व का मतलब क्या होता है बेटा? मार्जिनल कॉस्ट मतलब चेंज इन कॉस्ट, चेंज इन कॉस्ट बिकॉज ऑफ एडिशनल यूनिट। फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ एंथ यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ एन माइनस वन यूनिट, या फिर चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, या फिर चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, या फिर वेरिएबल कॉस्ट ऑफ एंथ यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ एन माइनस वन यूनिट। ये भी एक यू शेप कर्व होता है। ये देखिए ग्राफ, ये रहा आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट कंटिन्यूअसली गिरता आउटपुट के बढ़ने से। दूसरा है बेटा आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिरता है और फिर बाद में बढ़ना चालू हो जाता है। ये रहा आपका एवरेज कॉस्ट बेटा, इनिशियली गिरता है फिर बढ़ना चालू हो जाता है। मार्जिनल कॉस्ट का भी सेम किस्सा है। एक चीज याद रखना, ये जो मार्जिनल कॉस्ट है ये एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, दोनों को उनके मिनिमम पॉइंट पे कट करता है, दोनों को, वेरिएबल को भी और टोटल को भी। चलिए देखते हैं। एवरेज फिक्स कॉस्ट डिमिनिशेस विथ इंक्रीज इन आउटपुट बट नेवर जीरो। जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ते जा रहा है एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होते जा रहा है बट जीरो नहीं होगा। एवीसी इनिशियली डिक्लाइंस बट लेटर इंक्रीजेस। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इनिशियली गिरता है पर बाद में बढ़ना चालू। एटीसी इनिशियली डिक्लाइंस कॉन्स्टेंट फॉर अ वाइल एंड देन इंक्रीजेस। डिक्लाइंस मिनिमम इंक्रीजेस। मार्जिनल कॉस्ट इनिशियली डिक्लाइंस एंड देन स्टार्ट राइजिंग। तभी तो इन सभी शेप को यू शेप कर्व बोला जाता है बेटा, एसी को, एवीसी को, एमसी को, एएफसी को नहीं। एट अ पॉइंट, द पॉइंट एट विच एटीसी इज मिनिमम इट इज इक्वल्स टू एमसी। देखो क्या बोल रहा है, एमसी कर्व एटीसी को उसके मिनिमम पॉइंट पे कट करता है। द पॉइंट एट विच एटीसी इज मिनिमम, इस पॉइंट पे एटीसी मिनिमम रहता है। एएफसी इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, नियर टू जीरो होगा बट जीरो कभी नहीं होगा। बोलिए, यो आते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। चलिए अब रिलेशंस की बात कर रहे हैं बेटा। ये आइए रिलेशन निकालना कौन सा डाउट की तकलीफ की बात है हमारे लिए, वो तो बड़ा आसानी से निकाल लेंगे। बोलो जी, किस किस के बीच में रिलेशन निकालने को बोल रहे हो? आप लोग बोल रहे हो एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच का निकाल के बताओ। लो भैया, आप बोल रहे हैं एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच का रिश्ता बताओ। बहुत सिंपल है, सुनना बेटा, मैं सारे रिश्ते बता दूंगा फिर बोलेंगे पिक एनी। ध्यान से देख रहा, जब एसी गिरता है, गिर रहा है बेटा, एमसी गिर भी सकता है, बढ़ भी सकता है बट उसके नीचे है। आई रिपीट बेटा, जब आपका एसी गिर रहा है तब एमसी गिर भी सकता है, बढ़ भी सकता है बट वो उसके नीचू है। जब एसी बढ़ता है उस दौरान एमसी भी बढ़ रहा है और एमसी उसके ऊपर है। जब एसी मिनिमम है एमपी उसके बराबर है। थैंक यू भव्या। अब अगला सुनना बेटा, जब एमसी गिरता है तब एसी कंपलसरी गिरता है, बट जब एमसी बढ़ता है एसी गिर भी सकता है बढ़ भी सकता है। मैं जो जो बोल रहा हूं देखो सब सही है क्या? वॉट एवर आई एम सेइंग, मुझे बताना क्या मैं सही बोल रहा हूं। फिर से, जब बेटा एसी गिर रहा है यहां से यहां तक, उस दौरान एमसी गिर भी सकता है और बढ़ भी सकता है।
दोनों पॉसिबल है। जब एसी मिनिमम है एमसी उसे नीचू से इंटरसेक्ट करता है, जब एसी बढ़ता है उस दौरान एमसी बढ़ रहा है लेकिन वो उससे भी जोर से बढ़ रहा है, वो उससे भी ज्यादा है। अगला, जब एमसी गिर रहा है उस दौरान एसी भी गिर रहा है, पर जब एमसी बढ़ रहा है तो उस दौरान एमसी के बढ़ने के दौरान एसी गिर भी सकता है, बढ़ भी सकता है। बोलिए अब देख लेते हैं क्या रिलेशन पूछा है। व्हेन एसी फॉल्स, जब एसी गिरता है, देखिए एसी गिर रहा है तब बेटा एमसी गिर भी सकता है बढ़ भी सकता है, पर वो उसके नीचू है। एमसी इज लेस। When AC is minimum, जब AC minimum रहता है वो MC के बराबर रहता है, equals to AC। पर जब AC बढ़ता है MC उससे ज्यादा हो जाता है। When AC rises, MC is greater। नेक्स्ट, एटीसी और एमसी के बीच में और रिलेशन। इनिशियली एटीसी एंड एमसी बोथ डिक्लाइन, ये तो सही है। इनिशियली एटीसी भी गिरता है, इनिशियली एमसी भी गिरता है, दोनों इनिशियली गिरते हैं। और बेटा जब एटीसी गिरता है उस दौरान एमसी उसके नीचे है, इन दिस सिचुएशन एमसी इज लेस। फिर जब एटीसी मिनिमम पे होता है एमसी के बराबर होता है, फिर जब एटीसी बढ़ता है एमसी उसके ज्यादा हो जाता है, ये तो हमने देख लिया। व्हेन एसी इज डिक्रीजिंग, बेटा जब एसी डिक्रीज होता है एमसी डिक्रीज भी हो सकता है बढ़ भी सकता है, एमसी में भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। व्हेन एसी इज इंक्रीजिंग, जब एसी बढ़ता है उस दौरान एमसी बढ़ता है और उससे ज्यादा रहता है। आपको कोई भी रिलेशन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझसे पूछो। ऑल क्लियर। लो भैया शॉर्ट टर्म का ग्राफ कंप्लीट हुआ। अब आप कुछ बच्चे ने मुझे बोला होगा, किसी ने तो भी, कि ब्रेक चाहिए 2 मिनट का, ले लो 2-3 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर हम लॉन्ग रन का स्टार्ट करेंगे। लॉन्ग रन का 15-20 मिनट में हो जाएगा, और मार्जिनल रेवेन्यू वाला जो पार्ट है, अगर मैं उसके अंदर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल्स वगैरह सब करवा दूँ तो 1 घंटे में बेटा हमारा पूरा बेस तैयार हो जाएगा, और इसके बाद 2 घंटे के अंदर हमारा मार्केट का चैप्टर और 1 घंटे में बिजनेस साइकिल भी हो जाएगा। ठीक है, तो यू मे टेक ब्रेक। ऐसे भी आज का ये जो सेशन होने वाला है थोड़ा लंबा ही होगा कंपैरेटिवली, बोल के ही रखा था मैंने। नहीं, मैं खाऊंगा सीधा 1 बजे सर। पहले मिनिमम पॉइंट एमसी का आएगा, फिर हाँ बराबर, देखो सीक्वेंस में, ये बहुत सही एनालिसिस किया तुमने। तो जो नीचे है उसका पहले आ रहा है, जो ऊपर है उसका बाद में आ रहा है। तो देखना, सबसे नीचे वाले का पहले आ गया, फिर एवीसी का आ गया, फिर एसी का आ गया। मिल लो बना नहीं था खाना। खाना ही नहीं बना था। तो बड़ा आसान सा टॉपिक है। ना, आई एम गुड। आज मैं बाहर से खाऊंगा, बाहर से लाऊंगा, मंगवाऊंगा।
अगर 1 बजे तक ख़त्म हो गया तो डोमिनोज मंगवा लूँगा, और अगर 1 बजे के बियॉन्ड जाता है तो फिर फासोज के रोल्स बहुत पसंद है मुझे। उसके अंदर मैं 3 रोल ही खाता हूँ, एक तो बेक्ड पिज़्ज़ा रोल, दूसरा छोले उसके अंदर चीज़ वाला, और तीसरा वाला खाता हूँ पनीर वाला, चीज़ी मेल्ट्स पनीर रैप। कर लो ना भाई तुम लोग, 200-300 रुपये तो लगते, कर लो कभी कभी मन। तुम तो खाओ मत, ऑनेस्टली मैं बोलूँ गला वाला ख़राब हो सकता है तुम्हारा, मेरे तो गले ख़राब होने के हाई चांसेस है, पर मैं अब टेंशन ही नहीं लेता। तुम्हारे गांव में मिलता क्या क्यों अनुष्का, तेरे गांव में मिलता क्या पिज़्ज़ा? क्या सर कैसी बात कर रहे, मुजफ्फरनगर की हूँ मैं। मैं गांव में नहीं रहती। अच्छा तू तो कबीले में रहती है, तेरे कबीले में मिलता है क्या? अंडमान के जंगलों में रहती है, झाड़ पे बैठी हुई रहती है, झाड़ पे बैठ के देख रही हो लेक्चर। आज तो बैग पैक कर लिया, कल जाने के लिए सेंटर पे जाना है तुझे। रूरल एरिया भी नहीं बे, कबीले में रहती है ये, रूरल से भी छोटा है, कबीले वाली है। चलिए लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व स्टार्ट करते हैं। बच्चा पार्टी आप लोगों को ये कर्व पता है, इसमें हमारा भयंकर वाला एक्सपर्टीज है बेटा। ये जो कर्व बना रहे हैं LAC कर्व, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, इसको हमने एक नाम दिया है पंडित जी कर्व, पर एग्जाम में पंडित जी मत लिखते ना। तो बेटा हम लोग बनाने जा रहे हैं LAC कर्व। LAC कर्व को प्लानिंग कर्व भी बोला जाता है, LAC कर्व को प्लानिंग कर्व भी बोला जाता है। अब क्यों बोलते हैं ये बताऊंगा। इसको एनवेलप कर्व भी बोला जाता है। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा बेटा। बेटा आप सभी बच्चे जानते हैं कि लॉन्ग रन के अंदर, बच्चा लोग लॉन्ग रन के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट होती नहीं है। सर क्यों नहीं होती है? क्योंकि लॉन्ग रन में फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ही नहीं होते। लॉन्ग रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम इन विच ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। अगर सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल है तो कोई फिक्स्ड नहीं है, फिक्स्ड नहीं है तो फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। इसका मतलब ये है टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये वाली एक्सप्रेशन के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट ही नहीं है सर। इसका मतलब ये है टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसका मतलब ये है एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अभी हमने जो ग्राफ्स बनाए थे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, इसमें एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अलग अलग थे। क्यों? रीजन था एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, पर अब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ही हट गया तो बेटा ये दोनों एक ही हो जाएंगे। इसका मतलब बेटा ये वाला कर्व और ये वाला कर्व एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। बोलिए मेरी बात समझ में आई? तो भैया देखिए ये रहा आपका एवरेज कॉस्ट कर्व, दिस इज योर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व कॉल एज LAC कर्व। बेटा ये जो LAC कर्व है इसको बोलते हैं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, एनवेलप कर्व, प्लानिंग कर्व। बेटा मैं बता रहा हूँ लॉन्ग रन के अंदर एवरेज फिक्स कॉस्ट ही नहीं होती, तो जो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वही आपका एवरेज टोटल कॉस्ट है। अब सर सवाल ये आता है कि ये एवरेज LAC कर्व, लॉन्ग रन एवरेज कर्व बनता कैसे? बेटा ये LAC कर्व बनता है इनफाइनाइट अनगिनत SAC कर्व की मदद से। तो ये LAC कर्व जो है, LAC इज डिराइव्ड फ्रॉम मेनी SAC कर्व। तो बच्चों ये SAC कर्व को क्या बोला जाता है? SAC कर्व को बोला जाता है प्लांट कर्व। तो आई विल रिपीट बेटा, ये जो LAC कर्व है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, ये बेसिकली एक इमेजिनरी कर्व है। ये बनता कैसे है?
जब एक इमेजिनरी कर इनफाइनाइट शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर को एसएसी कर को टेंजेंशियली कट करके जाता है, टेंजेंशियल कट मतलब एक सिंगल कट, जब टेंजेंशियली कट करके जाता है तो जो रिजल्टेंट कर बनता है उसे बोलते हैं एलएसी कर। तो भैया एलएसी कर को बोलते हैं प्लानिंग कर और एसएसी कर को बोलते हैं प्लांट कर। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? एलएसी इज कॉल्ड एज प्लानिंग और एसएसी इज कॉल्ड एज प्लांट। ये क्या हो गया? बेटा कैसे हैं अभी, तबीयत कैसी है? आप मुझे इस पे मैसेज करो, मैं हूँ कंटिन्यूसली, मैंने आपको किया है मैसेज। मेरे को जानना है, तू लगे तो मुझसे लेक्चर के बाद बात भी कर सकती है, मैं हूँ, है ना? तू ख्याल रख, मैं हूँ, ठीक है? हूँ मैं, कुछ नहीं होगा बेटा, हम सब हैं, तेरे साथ ही हैं, फिक्र मत कर। लेट्स प्रे फॉर स्पीडी रिकवरी ऑफ हिज फादर, जल्द से जल्द पापा ठीक हो जाएं, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। हो ही जाएंगे बेटा, प्रेयर्स की जो ताकत है ना रिसेंटली मैंने देखी है, हो ही जाएंगे। ठीक है बेटा जी, बेटा जी एल ए सी कर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर प्लानिंग कर बोलते हैं। बनता कैसे? इनफाइनाइट एस ए सी कर को जब एक एनवेलप कर टेंजेंशियली स्मूथली कट करके जाता है तब बेटा बनता है एक एल ए सी कर। तो एल ए सी कर बेसिकली एक इमेजिनरी कर्व है, ये कोई एक्चुअल कर्व नहीं है, ये इमेजिनरी कर्व है। फिर सर एल ए सी कर्व का काम क्या है? एल ए सी कर्व का काम है आप लोगों को एस ए सी कर्व चूज करके देने में मदद करना। क्या मतलब है सर? मतलब ये है कि लेट से आप लोगों ने डिसाइड किया है कि सेठ हमको करना है इतना प्रोडक्शन, हमको करना है इतना प्रोडक्शन। अब इतना प्रोडक्शन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। कौन कौन से दो ऑप्शन आते हैं? सर ये दो ऑप्शन आते हैं, या तो मैं इस कर्व पे ऑपरेट कर लूँ या तो मैं इस कर्व पे ऑपरेट कर लूँ। ये वाले कर्व पे ऑपरेट करूँगा तो कॉस्ट इतनी है और इस कर्व पे ऑपरेट करूँगा तो कॉस्ट इतनी है, तो मैं कौन से कर्व पे ऑपरेट करूँगा? ये वाले कर्व पे। मान लो कल करके मुझे प्रोडक्शन और बढ़ाना है, ठीक है, तो भैया ये छोटा प्लांट तो मेरे किसी काम का नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? बड़े साइज का प्लांट लूँगा। अब ये बड़े साइज का प्लांट दो प्लांट पे पॉसिबल है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो यहाँ पर कॉस्ट मिनिमम आ रही है, मैं ये वाला कर लूँगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बेटा तो एल ए सी कर ने क्या किया? एल ए सी कर ने आपको बताया कौन सा कर पे आप, कौन से एस एस सी पे, कौन से प्लांट पे आप काम कर सकते हो। कम प्रोडक्शन करना तो दो छोटे प्लांट दिखाए, ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो दो बड़े प्लांट दिखाए, उनमें से भी बेस्ट कौन सा है ये भी बताया। तो एल ए सी कर्व क्या करता है बेटा? एल ए सी कर्व आपको एस ए सी कर्व चूज करने में मदद करता है। ठीक है, चलिए बेटा लेट से मुझको प्रोडक्शन करना है इतना। अब मेरे पास ऑप्शन है कर्व वन, कर्व टू, कर्व थ्री, कर्व फोर, कर्व फाइव, कर्व सिक्स। अब किस पे ऑपरेट करूँगा, चलिए देखते हैं पॉसिबिलिटी कहाँ पर आ रही है। समझिए इतना प्रोडक्शन करना है, थोड़ा कम इतना। सर दो जगह पॉसिबिलिटी आ रही है, एक
तो ये वाले कर्व पे, कर्व नंबर थ्री पे, और एक पॉसिबिलिटी आ रही है कर्व नंबर फोर पे, फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक है। तो भैया मैं किस कर्व पे ऑपरेट करूंगा देखिए जरा, एक तो पॉसिबिलिटी आ रही है कि मैं इस कर्व पे कर सकता हूँ, एक पॉसिबिलिटी आ रही है मैं इस कर्व पे कर सकता हूँ, तो मैं कौन से पे करूंगा, मैं कर्व नंबर फोर पे करूंगा। क्यों? क्योंकि कर्व नंबर थ्री पर अगर मैं करने जाऊं तो ये रही कॉस्ट, और कर्व नंबर फोर पे करने जाऊं तो ये रही कॉस्ट। तो एलएसी क्या करता है बेटा, एलएसी मुझे एसएससी चूज करने में मदद करता है, तो इसने मेरे को मदद करी कि आप एसएससी फोर पे काम करो, पर क्या मैं एसएससी फोर के मिनिमम पॉइंट पर पहुंच पाया, नॉट नेसेसरी। तो ये पॉइंट आता है एग्जाम में, एलएसी कर्व आपको एसएससी कर्व चूज करने में मदद करता है, लेकिन उसका मिनिमम पॉइंट अचीव हो उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो एलएसी विल हेल्प यू टू चूज एसएससी बट नॉट द मिनिमम पॉइंट, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट बेटा, जब एलएसी कर्व गिरता है, देखिए गिर रहा है सर, ये गिरता क्यों है, एलएसी फॉल हो रहा है बेटा, कॉस्ट कर्व फॉल हो रहा है बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और जब ये बढ़ता है, क्यों बढ़ता है साहब, कॉस्ट बढ़ना, एलएसी राइज हो रहा है, ये डिस इकोनॉमीज है। ठीक है, तो बेटा जब एलएसी गिरता है, वो एसएसी को उसके गिरते हुए पोर्शन, फॉलिंग पोर्शन पे टेंजेंशियली कट करता है, पर जब एलएसी बढ़ता है वो एसएसी को उनके राइजिंग पोर्शन पे टेंजेंशियली कट करता है। आई रिपीट, एलएसी गिरता है, क्यों गिरता है सर, बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो वो एसएसी के फॉलिंग पोर्शन को कट करता है, पर बेटा जब एलएसी बढ़ता है डिसइकोनॉमीज के कारण, वो एसएसी को राइजिंग पोर्शन पे कट करता है। खत्म, कॉस्ट खत्म। आपको कोई भी पॉइंट में डाउट है, खुद आपके सामने बुक है, मैं ओपन कर देता हूँ एक बार, कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो, पढ़िए सारे पॉइंट देख लीजिए। मैं कुछ पॉइंट फटाफट क्विकली रिपीट करता हूँ, एलएसी कर को एनवेलप कर, प्लानिंग कर, एलएसी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर बोलते हैं, बेसिकली एक स्मूथ कर्व है जो कैसे बनता है, इनफाइनाइट एसएसी को जब एक इमेजिनरी कर्व टेंजेंशियली कट करके जाता है, तो जो इमेजिनरी कर्व है एलएसी, वो क्या है बेटा, दैट इज योर प्लानिंग कर्व। प्लानिंग कर्व का काम क्या है, आपको प्लांट कर्व चूज करके देना, मतलब एलएसी का काम है कि उसके अंदर जो इनफाइनाइट शॉर्टर एवरेज कॉस्ट कर्व है उसमें से कोई एक चूज करके देना आपके लेवल ऑफ प्रोडक्शन के अनुसार। तो हमें प्लानिंग कर्व यानी एलएसी मदद करता है एसएससी चूज करने में, और हम ऑपरेट करते हैं एसएससी के ऊपर। बेटा हमको बताता है लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन कहाँ पे रहेगा, आपको जितना लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करना है उसके लिए क्या पॉसिबिलिटी, वो बताएगा। जब एलएसी गिरता है बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, वो एसएससी को फॉलिंग पोर्शन पे कट करता है टेंजेंशियली, पर बेटा जब एलएसी बढ़ता है तब वो कट करता है एसएससी को राइजिंग पोर्शन पे टेंजेंशियली। एलएसी आपको लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन बताने की कोशिश करता है। Thank you.
ये कंसीडर किया जाता है सबसे टफ डायग्राम समझाने के लिए, पर आपको सबसे आसान जाता है। रोशनी मैंने पढ़ा मैसेज, तू मेरे को टाइप करके बता रीजन क्या है। हाँ, एक क्वेश्चन और आता है, एलएसी का शेप कैसा है? सर एलएसी यू शेप कर्व है, बट मॉडर्न टाइम्स में वो एल शेप कर्व होता है। ठीक है बेटा, एलएसी आपके सामने है, यू शेप कर्व है, पर मॉडर्न टाइम में वो एल शेप रहता है। मॉडर्न टाइम में एल शेप। चलिए बच्चा बड़ी, देखिए जब 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 रेवेन्यू कॉन्सेप्ट निपटाएंगे, लेकिन रेवेन्यू कॉन्सेप्ट ही नहीं बेटा, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू कॉन्सेप्ट नहीं बट निपटाएंगे, फिर क्या निपटाओगे सर? प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल भी निपटा देंगे। ओरे मोरी मैया, सच्ची सच्ची सर। हाँ बेटा, बेटा जो अभी हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं रेवेन्यू समझाने के लिए, ये परफेक्ट कंपटीशन का नहीं ले रहे हैं, हम नॉर्मल निम परफेक्ट कंपटीशन का ले रहे हैं, यानी मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का ले रहे हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा, मैं आपको फटाफट डायग्राम के थ्रू ही सब समझाऊंगा। ये रहा बेटा आपका एवरेज रेवेन्यू कर्व, ये जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है इसको डिमांड कर्व भी बोला जाता है, इसी को प्राइस कर्व भी बोला जाता है। बच्चा पार्टी, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि टोटल रेवेन्यू क्या होता है। टोटल रेवेन्यू का मतलब होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू मतलब आपने जितनी क्वांटिटी बेची एट सर्टन प्राइस, उससे मिलने वाला रेवेन्यू, उससे मिलने वाली रिसीट, इट इज कॉल्ड एज टोटल रेवेन्यू। अब बेटा एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलता है? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। बेटा टोटल रेवेन्यू को मैं प्राइस इनटू क्वांटिटी लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो क्या एवरेज रेवेन्यू इज नथिंग बट द प्राइस? यस, एवरेज रेवेन्यू इज नथिंग बट द प्राइस। ठीक है, सो टोटल रेवेन्यू का मतलब होता है ग्रॉस रिसीट्स, एवरेज रेवेन्यू का मतलब होता है बेटा टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड क्वांटिटी, विच इज नथिंग बट इक्वल टू प्राइस। बेटा अब पढ़ेंगे मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकलेगा? सर टोटल रेवेन्यू ऑफ एंथ यूनिट माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ एन माइनस वन यूनिट। सर 10 यूनिट बेच के 100 रुपये कमा रहा हूँ और 11 यूनिट बेच के 120 कमा रहा हूँ, तो मार्जिनल रेवेन्यू कितना? 20। एक और फॉर्मूला है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। बताओ जी बच्चों, ठीक है, तो भैया ग्राफ बनाएंगे तो प्राइस इज इक्वल्स टू ए आर इज इक्वल्स टू डिमांड का कर्व ऐसा रहेगा, और बेटा मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व कुछ ऐसा रहेगा। दिस इज योर मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, और बेटा ये जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है ना, ये वाई एक्सिस और ए आर को दो इक्वल हिस्सों में बांटता है। अभी इक्वल नहीं दिख रहे होंगे आपको, पर इक्वल होता है, समझ गए? तो बेटा ये क्या करता है, मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो वाई एक्सिस और एवरेज रेवेन्यू को दो हिस्सों में, इक्वल हिस्सों में बांटता है। इसका मतलब ये है कि जो हो, इसका मतलब ये है कि जो मार्जिनल रेवेन्यू का स्लोप है ना, वो टू टाइम्स एवरेज रेवेन्यू का स्लोप के बराबर है। वो डबल गति से गिर रहा है, तभी तो दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। So, ये रहा आपका प्राइस इज इक्वल्स टू ए आर, मैंने प्रूव किया बेटा प्राइस इज इक्वल्स टू ए आर, और ए आर को डिमांड कर बोलते मैंने आपको पढ़ाया था। और ये रहा आपका मार्जिनल रेवेन्यू, अभी कैसे आया न्यूमेरिकल्स की मदद से ये नहीं सिखाएंगे हम, सीधा ग्राफ की मदद से आगे बढ़ेंगे। तो ये लीजिए बेटा, ये रहा आपका एवरेज रेवेन्यू, और ये रहा आपका मार्जिनल रेवेन्यू।
ये शेड्यूल की मदद से हम वो ग्राफ बनाते हैं, पर मैं सीधा ग्राफ पे जा रहा हूँ। मीनिंग रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू का मतलब होता है मनी रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग गुड्स। टोटल रेवेन्यू कैसे निकलता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी से। एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलता है? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, ठीक है। और बेटा एवरेज रेवेन्यू इज नथिंग बट दी प्राइस इज इक्वल टू डिमांड। और मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकलता है? चेंज इन टोटल रेवेन्यू, या फिर चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। फटाफट से आपको एक फॉर्मूला और एक रिलेशन बताता हूं बेटा। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू ई माइनस वन अपॉन ई। ये एक फॉर्मूला आपको इमीडिएटली याद करना है। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू ई माइनस वन अपॉन ई। अगर बेटा इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन है तो मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव आएगा, इलास्टिसिटी लेस देन वन है तो नेगेटिव आएगा, इलास्टिसिटी इक्वल टू वन है तो जीरो आएगा। पुट करके देख लीजिए बेटा वैल्यू। अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद हो गया, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू ई माइनस वन अपॉन ई। बच्चों जब तक याद नहीं होता तब तक इसे पढ़ो। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू ई माइनस वन अपॉन ई, वेयर ई इज इलास्टिसिटी। अब जरा ध्यान देना, अगर मैं ई ग्रेटर देन वन पुट करता हूँ तो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू टू पुट कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल टू माइनस वन अपॉन टू इज इक्वल टू पॉइंट फाइव ए आर। देखिए पॉजिटिव आया आंसर। अब मैं लेस देन वन पुट करता हूँ, एक काम करता हूँ, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू पॉइंट फाइव माइनस वन डिवाइडेड बाय पॉइंट फाइव। 0.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.5 कितना हो जाएगा? माइनस 0.5। माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 कितना हो जाएगा? माइनस 1। तो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू माइनस ए आर, नेगेटिव हुआ। और अगर मैं इलास्टिसिटी की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, एवरेज रेवेन्यू 1 माइनस 1 अपॉन 1, तो बेटा मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा जीरो। सब याद करने की मुझको ज़रूरत नहीं है, मुझे बस इतना ही याद रखना है। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू ई माइनस वन अपॉन ई। अगर मान लो ई ग्रेटर देन वन है तो एम आर पॉजिटिव आएगा, ई लेस देन वन है एम आर नेगेटिव आएगा, ई इक्वल टू वन है एम आर जीरो आएगा। अब इसके पीछे लॉजिक है, डेरिवेशन है, जिसके अंदर मैंने आपको पॉइंट इलास्टिसिटी के अंदर ग्राफिकल मेथड के साथ लिंक करके बताया था, पर अभी उसका समय थोड़ी है। अभी तो आपको बस इतना याद करना है, रिलेशन इंटरप्रिटेशन वो सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। याद हो गया? सो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू ई माइनस वन अपॉन ई। ई ग्रेटर देन वन आंसर पॉजिटिव, ई लेस देन वन आंसर नेगेटिव, ई इक्वल टू वन आंसर जीरो। सर अगर हमको ये याद नहीं आ रहा तो एटलीस्ट फॉर्मूला याद आना चाहिए। अगर मान लो आपको याद नहीं आ रहा है सर ग्रेटर देन वन पे क्या, इक्वल टू वन पे क्या, तो फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। एवरेज रेवेन्यू, सॉरी मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू ई माइनस वन अपॉन ई। क्वेश्चन बोल रहा है इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन है, आपको याद नहीं आ रहा तो फॉर्मूले में ग्रेटर देन वन कोई भी वैल्यू पुट कर दो तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। लेस देन वन बोल रहे हैं तो लेस देन वन पुट करके देखो, आपका आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। अभी ए आर एम आर और टी आर का बिहेवियर देखना है, ठीक है। मैं ए आर एम आर और टी आर का बिहेवियर बताता हूँ। रोशनी ठीक हो जाएंगे पापा, अब रीजन जो भी हो, मतलब टेंशन लिया, प्रेशर लिया, अवर प्रेयर्स आर विथ यू एंड हिम, ही विल बी ऑल राइट। समय भारी होता है, ये समय सच में भारी होता है बहुत। आप अपने परिवार के साथ रहो, अभी पापा ठीक हो जाएंगे, हो जाएंगे, हमें भरोसा है इस चीज़ का, ठीक है। चलो बच्चों,
टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं बेटा, टोटल रेवेन्यू का ग्राफ कुछ ऐसा रहता है, टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस रीचेस मैक्सिमम एंड देन स्टार्ट्स फॉलिंग, ये टोटल रेवेन्यू। सर ये तो टोटल यूटिलिटी जैसा ग्राफ है। हाँ जी ये रहा बेटा आपका AR, और ये रहा आपका MR। हम अक्सर TR का ध्यान नहीं रखते। उत्कर्ष नॉट राइट टाइम, बेटा परिवार के साथ आप बैठो, सब ठीक हो जाएगा। अभी उसको बोलेंगे भी तो उसका दिमाग नहीं चलेगा। ठीक है जी, देखिए बेटा आप रिलेशन डिराइव करते हैं। टोटल रेवेन्यू इनिशियली इंक्रीजेस रीचेस मैक्सिमम देन स्टार्ट्स फॉलिंग। एवरेज रेवेन्यू कंटिन्यूअसली फॉल होता है, बट एवरेज रेवेन्यू जीरो नहीं हो सकता। क्यों सर, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एवरेज रेवेन्यू निकलता कैसे है? टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम है, मार्जिनल रेवेन्यू जीरो है। जब टोटल रेवेन्यू फॉल होता है, मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव होता है। फिर बेटा AR और MR दोनों कंटिन्यूअसली गिरते हैं, बट MR जीरो और नेगेटिव भी हो सकता है, AR कभी जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है जी, पढ़िए रिलेशन, पढ़िए बेटा। स्ट्रीमिंग स्टॉप हो गई थी, वो थोड़ा सा इंटरनेट इशू हो सकता है। ठीक है, अब पढ़िए पहला वाला पॉइंट, आप सभी जानते हैं ये बिहेवियरल प्रिंसिपल है। बिहेवियरल प्रिंसिपल, चलिए बीच में आ गए तो मैं आपको पहले बिहेवियरल प्रिंसिपल बता देता हूं। बेटा बिहेवियरल प्रिंसिपल नाम की एक चीज होती है जो दो प्रिंसिपल देती है। पहला प्रिंसिपल यह है कि अ फर्म शुड नॉट प्रोड्यूस एट ऑल अगर उसका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मीट नहीं हो रहा है। मतलब बेटा, मतलब उसका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज मोर एंड एवरेज रेवेन्यू इज लेस। अ फर्म शुड नॉट प्रोड्यूस एट ऑल इफ इट्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज नॉट मेट। और दूसरा, अ फर्म शुड प्रोड्यूस टिल अ लेवल वेयर MC इज इक्वल्स टू MR। तो ये है बिहेवियरल प्रिंसिपल वन। वन बोला तो पहले यही बताना, टू बोला तो ये बताना, और बस बोला बिहेवियरल प्रिंसिपल तो बोथ। अगर क्वेश्चन पूछता है टेल अस अबाउट बिहेवियरल प्रिंसिपल नंबर वन, तो भैया ऑप्शन नंबर ए ये है, बी ये है, सी में बोथ दे रखा है, तो भैया बोथ मत करना। वन पूछा है तो वन ही बताना, टू पूछा है तो टू ही बताना, और कुछ नहीं बोला है या फिर बोथ पूछा है तो बोथ बताना। तो बिहेवियरल प्रिंसिपल नंबर वन क्या है? अ फर्म शुड नॉट प्रोड्यूस एट ऑल अगर उसका कच्चे माल का भी खर्चा नहीं निकल रहा है, यानी एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, नहीं प्रोड्यूस करना। और दूसरा, अ फर्म शुड प्रोड्यूस टिल अ लेवल वेयर MC इज इक्वल्स टू MR। पढ़िए ये दो बिहेवियरल प्रिंसिपल है, लिख लीजिए इन्हें कहीं कच्चे में, या आ सकते हैं एग्जाम में। अ फर्म शुड प्रोड्यूस एट ऑल, अब ये अलग तरीके से बोल रहे हैं, हम नॉट एट ऑल बोल रहे हैं, एट ऑल बोल रहे हैं। A firm should produce at all if its total revenue is equal to or greater than variable cost. हमने उल्टा बोला, ये बोल रहे हैं अगर revenue is equal to or greater है variable cost से तो produce करो। हम उल्टा बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं firm should not produce at all, produce नीचे करना अगर उसका variable cost meet नहीं हो रहा। इसका मतलब variable cost meet हो रहा तो produce करने का, समझा बेटा? Yes. ओके, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये पॉइंट छोड़ दीजिए। ठीक है, अच्छा चलो देख लो ये क्या बोल रहा है। अगर आप टोटल रेवेन्यू, आपकी कमाई से सिर्फ आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट वसूल कर पा रहे हो तो आपको लॉस कितना हो रहा है? आप टोटल फिक्स कॉस्ट वसूल नहीं कर पा रहे हो, ये आपका लॉस। क्या बोला है पॉइंट? ये बोल रहा है कि आपकी कमाई हुई 100 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट है 90 रुपये। ठीक है, सॉरी
वेरिएबल कॉस्ट भी 100 रुपये ही है और फिक्स कॉस्ट है 30 रुपये, तो ऐसे समय आपका नुकसान कितना हो रहा है 30 रुपये का। इन्होंने इसको अलग तरीके से लिखा, इन्होंने बोला अगर आपका रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट ही वसूल कर पा रहा है, मतलब फिक्स कॉस्ट वसूल नहीं कर पा रहा है, तो ये फिक्स कॉस्ट लॉस है आपका। आई विल रिपीट इट अगेन, ये पॉइंट बोल रहा है कि अगर रेवेन्यू से सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट वसूल हो रही है, मतलब फिक्स कॉस्ट वसूल नहीं हो रही है, फिक्स कॉस्ट जितना लॉस हो रहा है, इट विल बी प्रॉफिटेबल फॉर द फर्म टू प्रोड्यूस आउटपुट वेयर एमसी इज इक्वल्स टू एमआर। इट इज प्रॉफिटेबल फॉर द फर्म टू इंक्रीज द आउटपुट वेयर एमआर इज ग्रेटर देन एमसी। ये पॉइंट छोड़ दो, आप ये पॉइंट पढ़ो, फर्म को कब तक प्रोड्यूस करना चाहिए एमसी इज इक्वल्स टू एमआर। ये बोल रहे अगर एमआर ज्यादा है ना तो रुको मत, आगे बढ़ो। ये पॉइंट क्या बोल रहा है, ये पॉइंट बोल रहा है कि मान लो आपका एमआर ज्यादा है एमसी कम है, रुकना नहीं, आगे बढ़ो। कब तक? जब तक एमसी इज इक्वल्स टू एमआर ना हो जाए। चलिए ये सारे पॉइंट अलग तरीके से लिखे हुए, इसलिए मैं एक बार आपको वापस से सब बता देता हूँ। बिहेवियरल प्रिंसिपल नंबर 1 बोलता है कि फर्म शुड नॉट प्रोड्यूस एट ऑल अगर उसका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो रहा है। उल्टे सेंस में बोल सकते हैं, अ फर्म शुड प्रोड्यूस एट ऑल अगर उसका एवरेज रेवेन्यू सॉरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मीट हो रहा है। फर्म शुड नॉट प्रोड्यूस इफ वेरिएबल कॉस्ट इज नॉट मेट, अ फर्म शुड प्रोड्यूस इफ इट्स वेरिएबल कॉस्ट इज मेट। वेरिएबल कॉस्ट वसूल, प्रोडक्शन करो, वसूल नहीं बंद करो। दूसरा पॉइंट बोलता है अगर आपके रेवेन्यू से सिर्फ आप कच्चे माल का खर्चा वेरिएबल कॉस्ट निकाल पा रहे हो, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट नहीं निकाल रहे हो, आपका लॉस हो रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं निकाल पा रहे, आपके फिक्स्ड कॉस्ट जितना लॉस हो रहा है। अगर आपका वेरिएबल कॉस्ट है 100 रुपये और रेवेन्यू भी है 100 रुपये और भैया फिक्स्ड कॉस्ट है 30 रुपये, तो आपके रेवेन्यू से आपने सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट रिकवर किया, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं किया, 30 रुपये का लॉस हो रहा है। अगर मान लो एक ऐसी सिचुएशन आती है, ये आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल तो पता है, एमसी इज इक्वल्स टू एमआर एंड एमसी कर कट एमआर फ्रॉम बिलो। अगर ऐसी सिचुएशन है कि एमआर ज्यादा है एमसी कम है, रुकना नहीं, आउटपुट बढ़ाओ, कहां तक? जहां तक एमसी इज इक्वल्स टू एमआर ना हो जाए। इट विल बी प्रॉफिटेबल फॉर द फर्म टू इंक्रीज द आउटपुट वेयर एमआर इज ग्रेटर देन एमसी। यहां पर देखिए एमआर ज्यादा है एमसी से, क्या करना चाहिए? आउटपुट बढ़ाइए। कब तक? जब तक एमसी इज इक्वल्स टू एमआर ना हो जाए। और यहां पर एमआर कम है एमसी ज्यादा है, आउटपुट कम करो। अगर MR ज़्यादा है MC कम है, आउटपुट बढ़ाओ यहाँ तक पहुँचो। और अगर MR कम है MC ज़्यादा, आउटपुट पीछे लेकर आओ। तो कब तक जाने का? MC इज इक्वल्स टू MR तक। अब ये पेज पे आपको कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए। ये बिहेवियरल प्रिंसिपल लिख लेना, बिहेवियरल प्रिंसिपल नंबर 1, अ फर्म शुड नॉट प्रोड्यूस एट ऑल इफ इट्स वेरिएबल कॉस्ट इज नॉट रिकवर्ड। उल्टे सेंस में बोलो, अ फर्म शुड प्रोड्यूस एट ऑल इफ इट्स रेवेन्यू इज मीटिंग एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो करने का। दूसरा, अगर एमआर ज्यादा है तो आउटपुट बढ़ाओ, एमआर कम है आउटपुट कम करो। कब तक पहुंचने का? एमसी इज इक्वल्स टू एमआर तक। अब बेटा रिलेशन निकालते हैं टीआर और एमआर के बीच में। बेटा टीआर ऐसा है, एमआर ऐसा है, तो देखना जब टी आर इंक्रीज होता है एम आर डिक्रीज होता है बट पॉजिटिव है, जब टी आर मैक्सिमम एम आर जीरो, जब टी आर फॉल एम आर नेगेटिव। टी आर इंक्रीज होता है एम आर पॉजिटिव, टी आर मैक्स एम आर जीरो, टी आर डिक्रीज एम आर नेगेटिव। अब एम आर और ए आर का निकालते हैं। भैया देखिए ए आर और एम आर दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लेकिन ए आर नेगेटिव नहीं होता, ए आर जीरो नहीं होता। ए आर का स्लोप के कंपेरिजन में एम आर का स्लोप डबल है, इसलिए वो क्या करता है, वाई एक्सिस और ए आर के बीच के डिस्टेंस को दो पार्ट में भाग कर देता है। ठीक है, ए आर एंड एम आर बोथ डिक्लाइन, एम आर जोर से गिरता है, उतावला है, ए आर फ्लैटर है और एम आर स्टीपर है। एम आर कैन बी जीरो नेगेटिव, ए आर तो भैया टच ही नहीं कर सकता एक्सिस को, क्रॉस करने की बात छोड़ो। एट अ पॉइंट वेयर एम आर इज इक्वल टू जीरो, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। चल हमको सिखा मत, हमको पता है मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू ई माइनस 1 अपॉन ई। अगर इलास्टिसिटी 1 है तो एम आर 0 हो जाता है, इलास्टिसिटी 1 एम आर 0। चलो हो गया ये चैप्टर।
अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सीखेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल, प्रॉफिट डिटर्मिनेशन, लॉस, सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट सब सीख लेंगे, शट डाउन पॉइंट। अब अगले 20 मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए बेटा, मैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब आपको फिर से सिखाऊंगा। अब हम सीखने वाले हैं बेटा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल। हाँ बेटा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल, सभी बच्चों ध्यान से सुनना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल प्रॉफिट डिटरमाइन नहीं करके देता, प्रॉफिट डिटरमाइन करके नहीं देता, ये आउटपुट डिटरमिनेशन की कंडीशन है, ये आउटपुट डिटरमिनेशन की कंडीशन है। सो भैया प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन प्रॉफिट डिटरमाइन करने के लिए सिचुएशन नहीं क्रिएट करती, यह आउटपुट डिटरमिनेशन की कंडीशन है। अच्छा जी ठीक है जी बेटा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन नंबर वन, वन पूछा तो वन ही बताना, एमसी इज इक्वल टू एमआर, और सेकेंड कंडीशन एमसी कर्व कट्स एमआर फ्रॉम बिलो, नीचू से कट करता है, दैट इज इट हैज पॉजिटिव स्लोप। ठीक है जी, तो लीजिए बेटा मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर बना रहा हूं एआर कर्व, और यहां पर आप लोगों के लिए बना रहा हूं एमआर कर्व। ये रहा आपका एमआर कर्व। अच्छा तो बेटा देखिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल क्या है, बेटा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल बेसिकली प्रॉफिट डिटरमिनेशन की कंडीशन नहीं है, आउटपुट डिटरमिनेशन की कंडीशन है। ये बताता है कि आपको कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहिए, कंडीशन है एमसी इज इक्वल टू एमआर फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, और सेकंड ऑर्डर कंडीशन क्या है, एमसी कर्व कट एमआर फ्रॉम बिलो। अगर फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन पूछेगा तो फर्स्ट बताना, सेकंड पूछेगा तो सेकंड, कुछ नहीं बोला तो बोथ। क्वेश्चन कई बार खेलता है तुम्हारे साथ, बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन बताओ, ऑप्शन नंबर वन MC is equal to MR, ऑप्शन नंबर टू MC कर कट MR from below, ऑप्शन नंबर थ्री बोथ, ऑप्शन डी नन, बच्चा बोथ सिलेक्ट करके आ जाता है। क्वेश्चन में बोल रहा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन नंबर वन बताओ तो वन बताना, टू बता रहा है तो टू बताना, और कुछ नहीं बोला तो बोथ बताना। अच्छा क्या कंडीशन है MC कर, अभी हमने देखा बेटा मार्जिनल कॉस्ट कर वैसा कर रहे थे। सो भैया देखिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल पे MC is equal to MR यहां पर हो रहा है, तो आप इतना आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, ना ही इससे कम ना ही इससे ज्यादा, इससे पहले रुक जाना नहीं, इसके आगे जाना नहीं, याद रखेंगे इसके आगे जाना नहीं, इससे पहले रुक जाना नहीं, ये है आपकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन। आप अब इतना आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है जी आप इतना आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा जी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन से प्रॉफिट निकल जाता है, अरे नहीं नहीं सर, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन से तो कितना आउटपुट निकालना है ये पता चलता है। अच्छा सर फिर प्रॉफिट डिटरमिनेशन के लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट डिटरमाइन करने के लिए, प्रॉफिट डिटरमाइन करने के लिए ए आर एंड ए सी को कंपेयर करते हैं। सर अगर ए आर इज ग्रेटर देन ए सी सुपर प्रॉफिट, ए आर लेस देन ए सी लॉस,
और ए आर इज इक्वल टू ए सी नॉर्मल प्रॉफिट। अब लॉस में धंधा बंद कर देना क्या? नहीं सर, इट डिपेंड्स। लॉस तो हो रहा है, अगर आपका एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कंटिन्यू, एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट शट, और एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट शट डाउन पॉइंट। याद है क्या ये? याद है आपको? सर 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 इनके ग्राफ तो नहीं करवाओगे? करवाऊंगा भाई, अभी करवाऊंगा। अरे बाप रे सर, इतना सर पता ही नहीं चलता यार, दो दो घंटे चले जाते हैं। याद है मुझको तूने कहा था, क्या कहा था? कि डायग्राम को भूलेंगे न कभी। कॉम्पी कॉम्पी कर लिया। नहीं, एक से पहले हो जाएगा। ये थोड़े से ना इसके ओएस के फीचर्स खराब है, ऑपरेटिंग सिस्टम के इसके। जितनी बार पेस्ट करना रहता, नहीं तो इतना टाइम कहाँ लगे। अरे इसका एक शॉर्टकट भी तो है क्या सर? क्या क्या इसका शॉर्टकट? ये रहा, कॉपी पेस्ट। अरे ये तो कुछ भी आ गया। ओके आइए बेटा, अब हम धीरे धीरे करके एक एक करके सारी सिचुएशन देखते हैं। अच्छा बच्चों चलो ध्यान देना यहाँ पर सभी बच्चे। सर पहला वाला सीन देखते हैं बेटा, क्या प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन बन गई? ये देखिए, ये रहा आपका एआर, ये रहा आपका एमआर, और ये रहा आपका एमसी कर। एमसी कर कट एमआर फ्रॉम बिलो, एमसी इज इक्वल्स टू एमआर यहाँ पर हो रहा है। ये हो रहा है आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल। अब मैं क्या करूँगा बेटा, यहाँ पर आप लोगों के लिए बनाऊंगा एसी कर। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट डिटर्मिनेशन के लिए एआर और एसी को कंपेयर करते हैं। लो बच्चों, मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे लिए बनाने जा रहा हूँ एसी कर। एसी कर, और मेरा एसी कर एक यू शेप कर रहता है। याद है कि एसी कर कैसे रहता है? AFC कर ये रहा, ABC कर ये रहा, AC कर ये रहा, MC कर ये रहा, तो AC कर उठाया। अब बताइए बेटा मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल पे क्या जलवा हो रहा है? सर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल पे आपका AR इतना है और AC इतना है। बताइए क्या सीन है? सर AR इतना है, AC कम है। AR इज ग्रेटर देन AC, सुपर प्रॉफिट कमा रहे हो सर बैठे बैठे। एबनॉर्मल प्रॉफिट, इसको कई बार एबनॉर्मल प्रॉफिट भी बोला जाता है। नॉर्मल नहीं है ये, एबनॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी बोला जाता है या फिर सुपर प्रॉफिट भी बोला जाता है। अगला वाला केस देखिए, इस केस में किसी को कोई डाउट है क्या?
भैया देखिए मैंने क्या किया, ए आर एम आर बना दिया, ठीक है, ये सारे कर्व मैं सीख चुका हूँ, ए आर और एम आर अभी सीखा भैया, एम सी कर्व मैंने सीख लिया था कॉस्ट में, एम सी इज इक्वल्स टू एम आर एंड एम सी कर्व कट एम आर फ्रॉम बिलो, जहाँ पर हो रहा है वहाँ पे इंटरसेक्शन करके एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग की रेखा बना दी मैंने, अब एवरेज कॉस्ट कर्व यहाँ पर लेकर आ गया, सिंस ए आर इज ग्रेटर देन ए सी सुपर प्रॉफिट हो रहा है, आगे बढ़ना है। चलिए अगली बार अगला केस लेकर आता हूँ बेटा मैं, यहां पर बताओ बच्चों क्या हो रहा है। सर देखिए ये रहा आपका एम आर सॉरी ए आर कर्व, ये रहा आपका एम आर कर्व, ये रहा आपका ए सी कर्व, एम सी इज इक्वल टू एम आर, एम सी कर्व कट एम आर फ्रॉम बिलो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल आया। अब इस प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल पे सर पहले ए आर, ए आर कर्व को लाइन कहाँ इंटरसेक्ट करिए ले लिया, और ए सी कर्व को कहाँ कर दिए, यहीं पर। सर देखिए यहाँ पर ए आर इज इक्वल टू ए सी हो गया, सुपर प्रॉफिट है सर, सुपर प्रॉफिट। अगला केस आप समझ ही गए, अब लॉसेस का केस उठाएंगे। ये रहा बेटा आपका एसी कर्व, ये देखिए मैंने बनाया बेटा एआर कर्व, मैंने बनाया एमआर कर्व, मैंने बनाया एमसी कर्व, एमसी कर्व कट एमआर फ्रॉम बिलो, एमसी इज इक्वल्स टू एमआर यहां पर हो रहा है, फिर एक लाइन ड्रॉ कर ली, इतना आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। अब इस प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल पे अगर आप देखेंगे एवरेज रेवेन्यू कितना है, इतना, और एवरेज कॉस्ट कितना है, इतना, तो बेटा आपको क्या हो रहा है, लपक के लॉस हो रहा है सर। यहां पर हमको हो रहा है सर, नॉर्मल था ऊपर वाला तो मैंने क्या लिख दिया, नॉर्मल ही लिखा ना मैंने, अच्छा ओके सॉरी लिखने में गलती हुई, दिस इज नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल है ना, ठीक है वेरी गुड। चलिए जिन जिन बच्चों का ध्यान था बढ़िया, सर एआर अगर ज्यादा है तो सुपर, एआर इक्वल है तो नॉर्मल, ठीक है। तीसरे वाले केस में देखिए बेटा, तीसरे वाले केस में ये रहा आपका एआर, ये रहा आपका एसी, एआर इज लेस देन एसी, बेटा आप इनकर कर रहे हैं लॉसेस, आप इनकर कर रहे हैं लॉसेस, वो भी लपक के, वो भी भयंकर, ठीक है। अब लॉस में कंटिन्यू करना, शट करना, उसके केसेस देखते हैं। चलिए अब केसेस देखते हैं बेटा, ये वाला केस देखिए क्या हो रहा है बेटा, ये रहा आपका एसी, ये रहा आपका एआर, ये रहा आपका एमआर, सर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल पे देखिए, ये रहा हमारा एआर और ये रहा हमारा एसी, सर ये रहा एआर, ये रहा एसी, सर लॉसेस तो हो रहे हैं, काहे सिंस ए सी इज ग्रेटर देन ए आर, पर कंटिन्यू करना या शट करना उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी डालता हूँ। सर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ कैसा है, एवरेज फिक्स कॉस्ट ऐसा दिखता है, एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ अब मैं इसमें इनकॉर्पोरेट करूंगा। तो लीजिए मैंने बना दिया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, अब जरा चेक करते हैं बेटा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना है, इतना आ रहा है सर, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इतना है। अब यहां से मुझे क्लियर कट एक चीज देखकर नजर आ रही है, क्या योर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज मोर देन एवरेज रेवेन्यू, बेटा आपका लॉसेस तो हो रहा था, एवरेज कॉस्ट वाज मोर देन एवरेज रेवेन्यू, लॉस तो हो रहा था पर आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी ज्यादा है, आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कच्चे माल का तक खर्चा नहीं कवर कर पा रहे, शट कर दो बेटा बिजनेस, शट कर दीजिए बिजनेस, ठीक है। अगले केस में देखिए बेटा, ये रहा आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल, जहां पर ये रहा आपका ए आर एम आर और एम सी कर, देखिए एम सी इज इक्वल्स टू एम आर एंड एम सी कर कट एम आर फ्रॉम बिलो, यहाँ आ गया प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल बना दिया। देखिए इस प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल पे बच्चा लोग, ये रहा आपका एवरेज रेवेन्यू और ये रही आपकी एवरेज कॉस्ट, क्या हो रहा है सर, सिंस एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, सर लॉसेस तो हो रहे हैं,
अब शट करना है या कंटिन्यू करना है इसके लिए हमको क्या चाहिए बेटा, वेरिएबल कॉस्ट देखना पड़ेगा। ये लो मैंने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ बना दिया। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना है बेटा? अभी मुझे क्या करना चाहिए, लॉस है बट कंटिन्यू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एवरेज रेवेन्यू इज मोर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। बिहेवियरल प्रिंसिपल यही तो बोलता था, अ फर्म शुड नॉट, देखिए अ फर्म शुड नॉट प्रोड्यूस इफ इट्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज नॉट मेट, यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा मत करो। और उल्टा भी बोला था, अ फर्म शुड प्रोड्यूस एट ऑल इफ इट्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज मेट, उसका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर लिया। लास्ट वाला पॉइंट देखते हैं बेटा, ये देखिए वापस से बोल रहा हूँ, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल, ये रहा एसी, ये रहा एआर, ये रहा एमआर। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल पे बेटा मेरे को क्लियर कट लॉसेस नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर ड्रॉ करूंगा बेटा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जरा देखना प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल पे बेटा आपका एआर भी इतना ही है, एवीसी भी इतना ही है। सिंस AC is greater than AR, loss तो हो रहा है पर क्योंकि AR is equals to AVC, यह है शट डाउन पॉइंट। देखिए हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट यूनिट आने वाला है ना मार्केट, वो तो इतना सरल जाएगा हमारा, ठीक है। ओके, सो ये यूनिट लिए आ रही है। आइए बेटा माय डियर स्टूडेंट, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं बेटा चैप्टर नंबर 4, मार्केट एंड इट्स टाइप। तो व्हाट इज मार्केट? मार्केट बेटा बेसिकली 5 इसेंशियल एलिमेंट से बनता है। ये 5 एलिमेंट इसेंशियली होने ही चाहिए इसके अंदर। सबसे पहला है बायर एंड सेलर, इन दोनों का होना जरूरी है। दूसरा है गुड्स और सर्विस, और बोथ गुड्स चाहिए या तो सर्विस या तो दोनों चाहिए। फिर चाहिए बेटा बार्गेनिंग, देयर शुड बी बार्गेन ओवर प्राइस। फिर एक प्राइस पे कमोडिटी का ट्रांजैक्शन फ्रीज होना चाहिए और नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन है। 5 एलिमेंट इसेंशियली होने चाहिए, बायर एंड सेलर, प्रोडक्ट और सर्विस और बोथ, बार्गेन फॉर प्राइस, नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन एंड 1 प्राइस। समझ में आया बेटा? 2 टाइप के क्लासिफिकेशन हो सकते हैं मार्केट के। एक हो सकता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन और बचे हुए सारे इम्परफेक्ट होते हैं। परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है? परफेक्ट कॉम्पिटिशन बेसिकली एक ऐसा फॉर्म ऑफ मार्केट है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन एक ऐसा फॉर्म ऑफ मार्केट है जहाँ पे मैनी बायर प्लस मैनी सेलर है प्लस होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहे हैं। इसके अलावा सारे मार्केट फॉर्म इम्परफेक्ट कहलाए जाते हैं। चलिए टाइप्स ऑफ मार्केट देखते हैं। सबसे पहला है परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या रहता है? मैनी बायर रहते हैं, मैनी सेलर पर होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहे हैं। मैनी बायर मैनी सेलर सेलिंग आइडेंटिकल होमोजीनियस प्रोडक्ट। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन भी ऐसा ही है। अगर आप मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देखेंगे, मैनी सेलर है मैनी बायर है पर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बेचते हैं। ओके, मोनोपोली में क्या होता है बेटा? मोनोपोली के अंदर एक ही सेलर रहता है और क्योंकि एक ही सेलर है इसके प्रोडक्ट जैसा प्रोडक्ट और कोई बेचता ही नहीं होगा, तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कहाँ देखने को मिलता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं बेटा। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मैक्सिमम किधर रहेगा? मोनोपोली में। पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन फीचर किसका है? मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन का। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये लाइन ध्यान से सुनना बेटा। मोनोपोली के केस में एक सिंगल सेलर है, उसके जैसा और कोई सेलर है ही नहीं, उसके जैसी कोई कमोडिटी बेचता ही नहीं। अगर उसके जैसी कोई कमोडिटी बच्चा बेचता ही नहीं है तो उसका प्रोडक्ट तो सबसे अलग हो गया। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट किसका है मार्केट से? मोनोपोलिस्ट का। पर बेटा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ये फीचर किसका है? ये फीचर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन का है, समझे? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हाईएस्ट कहाँ पर रहेगा? मोनोपोली। पर ये फीचर है किसका? ये फीचर है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन का। तो मोनोपोली में सिंगल सेलर रहता है। ऑलिगोपोली में क्या होता है? फ्यू सेलर्स रहते हैं। अब वो सेम होमोजीनस आइडेंटिकल प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं, भिन्न भिन्न अलग प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं। प्योर ऑलिगोपोली भी हो सकता है, डिफरेंशिएटेड ऑलिगोपोली भी हो सकता है, बट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फ्यू सेलर। दोनों सही है। क्वेश्चन पूछेगा हाईएस्ट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कहां पर है? मोनोपोली। और पूछा जाए प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज द फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो ये फीचर अगर पूछा कि भाई एक फीचर किसका है, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का फीचर है। मैनी बायर मैनी सेलर सेलिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। पर अगर पूछा जाए हाइएस्ट डिफरेंशिएशन कौन से मार्केट में, हाइएस्ट मोनोपोली में। यस, लिख लो कहिए, प्लीज राइट इट डाउन समवेयर। अच्छा,
डियोपोली में क्या होता है बेटा, डियोपोली में मार्केट के अंदर दो बड़े सेलर होते हैं, जैसे ओला उबर, जोमैटो स्विगी, ठीक है। डियोपोली इज अ मार्केट सिचुएशन इन विच देर आर ओनली टू फर्म्स, वैसे ओनली टू नहीं, टू मेजर फर्म्स बोल सकते हैं। मोनोपसोनी, मोनोपोली में सिंगल सेलर रहता है, मोनोपसोनी में सिंगल बायर रहता है, ओनली बायर। ओलिगोपसोनी, ओलिगोपोली में फ्यू सेलर्स रहते हैं, ओलिगोपसोनी में फ्यू बायर्स रहेंगे, स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बायर। नेक्स्ट है बायलैटरल मोनोपोली। बायलैटरल मोनोपोली मतलब अकेले तुम अकेले हम, बायलैटरल मोनोपोली का मतलब होता है अकेले तुम अकेले हम, सिंगल बायर सिंगल सेलर, सिंगल बायर सिंगल सेलर। बताइए जी, बताइए, ये समझ में आ गया। आइए बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन की। इसके अलावा और भी छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे मार्केट को अगर मैं क्लासिफाई करना चाहता हूँ एरिया के बेसिस पर, तो बेटा सबसे पहले आएगा लोकल मार्केट। लोकल मार्केट वो वाला मार्केट होता है बेटा जहाँ पर हाई बल्क, BULK, हाई बल्क स्मॉल वैल्यू, ये वाली कमोडिटी बिकती है लोकल मार्केट। लोकल से थोड़ा बड़ा होता है रीजनल, फिर उससे बड़ा होता है नेशनल, और फिर होता है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल मार्केट में बेटा बल्क छोटा रहता है, वॉल्यूम छोटी रहती है, वैल्यू ज़्यादा रहती है। इंटरनेशनल मार्केट मतलब गोल्ड डायमंड ज्वेलरीज का मार्केट हो सकता है। नेशनल मार्केट का एक एग्जांपल दिया है हमें बुक है, CBSE की टेक्स्ट बुक पूरे इंडिया में चलती है। रीजनल मार्केट का एग्जांपल ले सकते हैं स्टेट बुक, स्टेट की टेक्स्ट बुक्स, वो सिर्फ स्टेट स्टेट में चलती है बेटा। या फिर आपका लोकल न्यूज़पेपर हो गया, वो लोकल मार्केट का एग्जांपल हो गया। कोई ऐसा न्यूज़पेपर रहता है जो स्टेट में चलता है, वो रीजनल हो गया। कोई पूरे नेशन में चलता है, नेशनल हो गया, ठीक है। अगर हम मार्केट को क्लासीफाई करें बेटा टाइम के बेसिस पे, तो सबसे छोटा होता है शॉर्ट, नहीं वेरी शॉर्ट, तो भैया वेरी शॉर्ट पीरियड। वेरी शॉर्ट पीरियड को बेटा मार्केट पीरियड भी कहा जाता है। तो एक सवाल आता है सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज्ड इन, ऑप्शन आता है बेटा मार्केट पीरियड, शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, सेक्युलर पीरियड। तो देखिए वेरी शॉर्ट पीरियड में सप्लाई इंक्रीज नहीं किया जाता, वेरी शॉर्ट पीरियड की जगह मार्केट वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग, वेरी लॉन्ग को सेक्युलर भी बोलते हैं। तो आपसे सवाल आएगा एग्जाम में सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज इन, आपको पता है आंसर वेरी शॉर्ट है, पर वेरी शॉर्ट को मार्केट पीरियड बोलते हैं और वेरी लॉन्ग को सेक्युलर बोलते हैं। अब भैया अगर मैं इसको रेगुलेशन के बेसिस पे बांटूं तो रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड मार्केट होता है। ट्रांजेक्शन के बेसिस पे बांटूं तो स्पॉट मार्केट और फ्यूचर मार्केट होते हैं। स्पॉट मार्केट यानी आज का दाम, फ्यूचर मार्केट यानी कि आज हमने फ्यूचर का दाम तय करके रखा है, ये करेंसी मार्केट में होता है जनरली। और अगर नेचर ऑफ कॉम्पिटिशन के यानी वॉल्यूम के बेसिस पर बांटे तो रिटेल एंड होलसेल, ये आपको आता है। और अगर कंपटीशन के बेसिस पर बांटे तो एक है परफेक्ट कंपटीशन, उसके बाद सभी है इम्परफेक्ट, मोनोपोली, मोनोपसोनी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, डियोपोली, बायलैटरल मोनोपोली, ओलिगोपसोनी, ओलिगोपोली, ये सब क्या है इम्परफेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं बेटा, वेरी शॉर्ट पीरियड इज कॉल्ड एज मार्केट पीरियड एंड वेरी लॉन्ग पीरियड इज कॉल्ड एज सेक्युलर पीरियड। सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज इन वेरी शॉर्ट पीरियड। हाँ आइए बेटा परफेक्ट कॉम्पिटिशन की शुरुआत करते हैं। क्या होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन बच्चा पाटी, परफेक्ट कॉम्पिटिशन का मतलब क्या होता है बेटा? परफेक्ट कॉम्पिटिशन एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर होता है मैनी बायर्स मैनी सेलर होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचते हैं बेटा। यहाँ पर फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट रहती है, क्योंकि फ्री एंट्री फ्री एग्जिट है, कोई भी इस मार्केट में आ सकता है और लॉस होने पर यहाँ से जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर इतने बायर्स हैं इतने सेलर्स हैं कि किसी एक सिंगल बायर का या एक सिंगल सेलर का होने ना होने से मार्केट को फर्क नहीं पड़ता है। तो बेटा ये मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतने बायर्स हैं इतने सेलर हैं, इसलिए यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल करवा दी जाती है। यहाँ पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मोबिलिटी बेटा बहुत हाई है। फॉर एग्जाम्पल लेट से यहाँ पर 500 सेलर्स हैं, इसमें से एक सेलर रॉ मटेरियल परचेज करता था, आज उसने रॉ मटेरियल परचेज करना बंद कर दिया, ये रॉ मटेरियल सप्लायर बाकियों को बेच देगा। यहाँ पर जो लेबर काम करता था बेटा इसको निकाल दिया, ये कहीं और जाके काम कर लेगा। क्यों? क्योंकि सेम सिमिलर इक्वल सेम प्रोडक्ट तो बनता है दूसरी जगह भी, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यहाँ से उठा के दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मोबिलिटी यहाँ पे परफेक्ट रहती है। आवाज़ आ रही है क्या?
सुनने दो मुझे, ये भी परफेक्ट रहती है, आवाज आ रही है क्या? लेट मी चेक, वो एक जो आवाज है वो एक एसी की आवाज है। लेट मी चेक, तब तक देखते हैं। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, होमोजेनस प्रोडक्ट, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट है। अजम्पशन है कि सबको मार्केट का नॉलेज रहता है, क्योंकि इतने सारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं इसलिए ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। यूनिफॉर्म मार्केट प्राइस, ये मैं बताऊंगा आपको। इनडिफरेंस, लैक ऑफ प्रेफरेंस, देखिए बेटा 50 बायर है 50 सेलर है, सब किसी का रेट सेम है। मैं किसी भी सेलर के पास जाऊँ रेट सेम है, किसी भी बायर को मैं अप्रोच करूं बेटा सबको सेम प्राइस दे रहा है, तो मैं बीइंग अ सेलर मेरी कोई प्रेफरेंस नहीं है कि इसी बायर को माल बेचूं, मैं तो किसी को भी माल बेचने के लिए रेडी हूं। सिमिलरली बीइंग अ बायर मेरी कोई प्रेफरेंस नहीं है कि किस सेलर से परचेस करूं, सभी सेम रेट दे रहे हैं, तो इनडिफरेंट या फिर लैक ऑफ प्रेफरेंस। नाउ क्लियर सर? तो फिर वो सू की आवाज अब आती ही रहेगी, एसी है वो तो आएगा ही। चलो बंद किया मैंने तात्पुरता, ओके। ये वाला पॉइंट समझा आप लोगों को? इनडिफरेंट है हम, लैक ऑफ प्रेफरेंस है, बायर किसी भी सेलर से माल लेगा, सेलर किसी भी बायर को माल बेचेगा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की परफेक्ट मोबिलिटी है। और अभी ये प्राइस टेकर की बात करते हैं। प्राइस टेकर का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ, अभी देखिए यहाँ से समझ में आ जाएगा। बेसिकली क्या होता है बेटा, मार्केट के अंदर बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स होते हैं। ये बहुत सारे बायर्स क्या करते हैं बेटा, ये बहुत सारे बायर्स अपना डिमांड कर एक्सप्रेस करते हैं। मैंने आपको बताया था इंडिविजुअल डिमांड कर की मदद से मार्केट डिमांड कर बना, सिमिलरली इंडिविजुअल सप्लाई कर की मदद से मार्केट सप्लाई कर बना। समझ गया? ठीक है। सो बेटा देखना है यहाँ पे, ध्यान से सुनना, इंडिविजुअल बायर्स के डिमांड कर की मदद से बेटा मार्केट डिमांड कर बना, इंडिविजुअल सेलर के सप्लाई कर की मदद से मार्केट सप्लाई कर बना। अब बेटा इसकी मदद से डिटरमाइन हुआ इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो देखिए इंडस्ट्री ने क्या किया, इंडस्ट्री ने हमको प्राइस डिटरमाइन करके दिया। ये देखिए, ये है इंडस्ट्री का डिमांड कर, इंडस्ट्री का सप्लाई कर, इक्विलिब्रियम प्राइस है। अब यही प्राइस बेटा, यही प्राइस हर कोई फर्म अडाप्ट करेगी। अगर इससे ज़्यादा प्राइस रखा, मान लो 10 रुपये इंडस्ट्री ने प्राइस डिसाइड करा और कोई 12 रुपये बेचने की कोशिश कर रहा है, तो बाकी बायर्स उसके पास जाएंगे नहीं, बोलेंगे 50 और सेलर हैं सब 10 में बेच रहे हैं, तू 12 में बेच रहा है, तेरे प्रोडक्ट में वैसे भी अलग क्या है, सबके प्रोडक्ट जैसा तो है, तो इसके पास आएंगे नहीं। और इसने अगर प्राइस 8 रुपये कर दिया तो भैया इसको लॉसेस होंगे। तो ऑलरेडी ये मिनिमम कॉस्ट पर ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि इतना हाई लेवल ऑफ कंपटीशन रहता है बेटा। तो यही प्राइस है, अब इस प्राइस पे आप क्वांटिटी 1 बेचो, 2 बेचो, 3 बेचो, आप कितनी भी क्वांटिटी बेच सकते हो यूनिफॉर्म प्राइस पे। तो इसलिए कहा जाता है यूनिफॉर्म प्राइजेस होते हैं, और ये प्राइस टेकर हैं। प्राइस टेकर क्यों है? क्योंकि जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री है वो प्राइस बना के देती है, इसलिए इंडस्ट्री प्राइस मेकर है और फर्म्स प्राइस टेकर है। हाँ, मेकर को गिवर भी बोल सकते हैं। यस, बताइए यहां तक चीजें क्लियर हुई है क्या?
चलिए यहाँ तक सब क्लियर। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर इंडस्ट्री है वो प्राइस गिवर है, प्राइस मेकर है, और बेटा फर्म्स हैं वो प्राइस टेकर है। तो ये मिला मुझे प्राइस, बेटा ये है प्राइस। और मैंने आपको रेवेन्यू के यूनिट में बताया था, प्राइस को एवरेज रेवेन्यू भी कहा जाता है। क्यों सर? क्योंकि देखिए टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला है प्राइस इंटू क्वांटिटी। अगर मैं इसको क्वांटिटी से डिवाइड कर दूं तो बन जाएगा एवरेज रेवेन्यू, और एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस। और मैंने आपको डिमांड के यूनिट में बताया था कि एवरेज रेवेन्यू को डिमांड कर भी बोलते हैं। सो ये मिल गया आपको प्राइस इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू डी डी। ओके ओके बच्चा लो, अच्छा जी यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं बेटा। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर डिमांड कर्व कैसा है, ये क्वेश्चन आता है। एक सेकंड। ओके जी, तो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था बेटा, देखिए हमने कल रेवेन्यू का यूनिट पढ़ा, लास्ट यूनिट रेवेन्यू का पढ़ा, उसमें एवरेज रेवेन्यू ऐसा था इज इक्वल्स टू डिमांड कर इज इक्वल्स टू प्राइस, और मार्जिनल रेवेन्यू ऐसा था। सर वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों था? डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए था क्योंकि बेटा वो सारे मार्केट्स के अंदर आपको ज़्यादा क्वांटिटी सेल करने के लिए प्राइस कम करना पड़ता था कस्टमर को रिझाने के लिए। पर बेटा क्योंकि ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, यहाँ पर कस्टमर को रिझाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि कस्टमर आपके अलावा कहीं जाएगा नहीं, या फिर कहीं और चला भी गया तो उसको कोई फ़ायदा ऐसा सच होने नहीं वाला है क्योंकि हर कोई सेम रेट में माल बेचेगा। तो बेटा आपसे अगर वो एक यूनिट मांगे, दो यूनिट मांगे, दस यूनिट मांगे, पचास यूनिट मांगे, सौ यूनिट मांगे, हज़ार यूनिट मांगे, प्राइस तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं बेटा परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर इलास्टिसिटी इन्फाइनाइट रहती है, और इसका जो डिमांड कर्व रहता है वो कैसा रहता है? हॉरिजॉन्टल रहता है। और परफेक्ट कंपटीशन में क्योंकि हमारा प्राइस कांस्टेंट है इसलिए एमआरपी कांस्टेंट रहता है। तो एक दुर्लभ चीज़ बताने जा रहा हूँ, उस चीज़ का ध्यान रखना। अगर हम नॉर्मल इम्परफेक्ट कंपटीशंस की बात करें तो वहाँ पे एआर कर्व इज इक्वल्स टू डिमांड कर्व इज इक्वल्स टू प्राइस कर्व ये रहता है, और एमआर कर्व बिल्कुल हाफ वे लाया करता है। पर परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात करें तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर प्राइस इज इक्वल्स टू ए आर इज इक्वल्स टू डी डी इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू भी होता है। ओके जी, ओके, हाउ आर द प्राइस डिटरमाइंड? रेवेन्यू फ्रॉम द फर्म, सिंस द प्राइस इज यूनिफॉर्म सो इन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्राइस इज इक्वल्स टू एम आर इज इक्वल्स टू ए आर इज इक्वल्स टू डी डी। ओके बेटा, अब मुझे आप लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन बताइए क्या होता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन बेसिकली प्रॉफिट डिटर्मिनेशन के लिए नहीं होती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन आउटपुट डिटर्मिनेशन के लिए होती है। क्या बोलती है बेटा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन? ध्यान से सुनना, अभी मैं जो करने वाला हूँ उस चीज़ का ध्यान देना, मैं एक झटके में आपको सब बता देता हूँ। पहले हम शॉर्ट रन की बात करेंगे, फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक ओनली अबाउट शॉर्ट रन। ये देखिए, ये है आपका परफेक्ट कंपटीशन, ये है आपका प्राइस इज इक्वल्स टू एम आर इज इक्वल्स टू ए आर इज इक्वल्स टू डी डी। अब भैया देखिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन क्या बोलती है। कंडीशन नंबर वन, एम सी इज इक्वल्स टू एम आर, तो भैया एम सी इज इक्वल्स टू एम आर दो पॉइंट पे आ रहा है। और सेकेंड वाला पॉइंट, एम सी कर्व कट एम आर फ्रॉम बिलो, तो भैया ये वाला पॉइंट एक्चुअली सिलेक्ट होगा। अब ये वाले पॉइंट पे हम आउटपुट कितना प्रोड्यूस करेंगे बच्चा बड़ी? सर हम आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे इतना, कितना? इतना आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे।
ठीक है, इतना आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा जी, तो भैया यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है कैसे डिटरमाइन होगा? सर आपको प्रॉफिट हो रहा है या आपको लॉस हो रहा है ये डिटरमाइन किया जाएगा ए आर और ए सी से। तो ये लो, ये रहा मेरा ए सी कर। यहाँ क्यों बनाया ए सी कर, अभी समझ जाओगे। मानसी अभी पैक मत करो, आवाज आ रही है लेक्चर में। हैंग हो गया वो तो ठीक है। इससे अच्छा तो ऊपर ही बना लेता था मैं। अरे क्या है, चल क्यों नहीं रहा? ये देखो, क्या मस्ती कर रहा है लैपटॉप में सर? अबे चल अब मिट तो जा। सभी मिट गए। छोड़ो, लेट से ये रहा आपका एसी कर्व। तो देखिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल पे एआर ये है और एसी ये है। तो बच्चा पार्टी आपको हो रहा है लॉस। अब लॉस हो रहा है तो कंटिन्यू करें या शट करें, सर डिपेंड करता है। अगर मान लो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऐसा है, तो देखिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल पे लॉस तो हो रहा है और आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी ज़्यादा है एवरेज रेवेन्यू से, तो सर शट कर दो। टेक स्टूडेंट के पास एक ही सॉल्यूशन है, बदल दो। अभी मिट भी नहीं रहा है कि तो इरिटेट कर रहा है, और आज ही ग्राफ वाले चैप्टर में तकलीफ दे रहा है। हाँ रे भाई मिटाओ। सारे टेक्निकल गुरुजी है मेरे पास। और वो जब फर्स्ट पेज पे चला गया होगा। देखा, पता था मुझे। मोनोपोली चालू हो चुका होता अब तक। ठीक है, तो देखिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल पे बेटा आपको लॉस हो रहा है,
अगर मान लो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इतना है, तो देखिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल पे आप तो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पाए, तो भैया ये है शट करने का टाइम। अगर मान लो लॉस हो रहा है, पर ये रहा आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, लेट से ये आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, तो क्या करना चाहिए? कंटिन्यू करना चाहिए क्यों, या फिर शट करना चाहिए? क्यों? क्योंकि सर ये है शट डाउन पॉइंट। सर देखिए लॉसेस तो हो रहे हैं, पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल पे ए आर इज इक्वल्स टू ए वी सी, सर यहाँ पर शट डाउन पॉइंट आपको जो करना है आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मान लीजिए इसी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल पे कुछ ऐसा हो जाता है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल पे ऐसा होता तो सर देखिए लॉसेस तो हो रहे हैं, लॉसेस तो हो रहे हैं क्योंकि ए सी इज ग्रेटर देन ए आर, बट सर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल पर हम एट लीस्ट हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो मीट कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कंटिन्यू करना चाहिए। ये तो हो गए बेटा शॉर्ट रन के लॉसेस के सीन। अभी ज़रूरी थोड़ी हर बार लॉसेस हो, शॉर्ट रन में तो सुपर प्रॉफिट भी हो सकता है ना। शॉर्ट रन में इमेजिन करते हैं ये रहा आपका एवरेज कॉस्ट कर्व, तो देखिए शॉर्ट रन में प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल पे ए आर ये रहा और ए सी नीचे है, सुपर प्रॉफिट अर्न कर रहे हो भाई, सुपर प्रॉफिट। और अगर मान लो सीन कुछ ऐसा है, तो सर आप अर्न कर रहे हो नॉर्मल प्रॉफिट, सिंपल है। तो मैंने आपको एक चार्ट के थ्रू भी बता दिया, ग्राफ के थ्रू भी बता दिया। अब देखिए इफ ए आर इज ग्रेटर देन ए सी सुपर प्रॉफिट, ए आर इज इक्वल्स टू ए सी नॉर्मल प्रॉफिट, ए आर लेस देन ए सी लॉस। अब ये लॉस की सिचुएशन में भी तीन सिचुएशन आती है, अगर आपका ए आर इज ग्रेटर देन ए वी सी कंटिन्यू करो, अगर आपका ए आर इज इक्वल्स टू ए वी सी है इसको बोलते हैं शट डाउन पॉइंट, और अगर आपका ए आर इज लेस देन ए वी सी शट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो देखिए मैंने आपको ये सारी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशंस बता दी, फिर उसके बाद बेटा मैंने आपको ये बता दिया सुपर प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट लॉसेस शट डाउन पॉइंट। अब लॉन्ग रन की चर्चा करते हैं बेटा, क्या होता है सर लॉन्ग रन में? देखिए लॉन्ग रन एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम रहता है जहां पर आपके पास फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं होते हैं, सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं। तो अगर सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट है, यानी टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, में टोटल फिक्स कॉस्ट तो है ही नहीं, तो जो है टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट, देयरफॉर एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। हमने एक ग्राफ देखा था, वहां पे ये था ए सी ए वी सी एम सी ए एफ सी, ठीक है। अब अगर यही ग्राफ हम लॉन्ग रन के लिए अप्लाई करने के लिए कोशिश करें तो एवरेज वेरिएबल एवरेज फिक्स कॉस्ट है ही नहीं, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट एक बराबर ही है, बराबर है कि नहीं? तो ये होता है लॉन्ग रन। ठीक है, लॉन्ग रन में क्या होता है बेटा? लॉन्ग रन में फॉर्म सिर्फ लॉन्ग रन में बेटा लॉन्ग रन के अंदर लॉन्ग रन के अंदर परफेक्ट कंपटीशन के अंदर फ्री एंट्री फ्री एग्जिट होने के कारण नॉर्मल प्रॉफिट होता है। शॉर्ट रन में अगर सुपर प्रॉफिट हो रहा है, बच्चा पढ़ी देखना, शॉर्ट रन में अगर फर्म को सुपर प्रॉफिट हो रहा है, सर सुपर प्रॉफिट कैसा हो रहा होगा दिखाओ। ये देखिए ये है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल और ये रहा आपका एसी। मान लो आपको शॉर्ट रन में सुपर प्रॉफिट हो रहा है ना, तो इसे देखा देखी फर्म्स बहुत सारी आ जाएगी मार्केट में। फर्म के मार्केट में आने से क्या हो जाएगा सर? बहुत सारी फर्म्स है, अभी प्राइस ये चल रहा था, बहुत सारी फर्म्स मार्केट में आने से क्या हो जाएगा? सप्लाई तो बढ़ जाएगा लेकिन डिमांड कांस्टेंट रहेगी, और सप्लाई के बढ़ने से क्या हो जाएगा? सप्लाई कर्व यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। सप्लाई कर्व शिफ्ट होने से बेटा नया इक्विलिब्रियम यहाँ पर आएगा, प्राइस गिर जाएगा और जो आपका सुपर प्रॉफिट आप कमा रहे थे वो नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। मान लो बेटा लॉन्ग रन में आपको सॉरी शॉर्ट रन में आपको लॉसेस हो रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं तो बहुत सारी फर्म्स एग्जिट कर जाएगी, बहुत सारी फर्म्स के एग्जिट करने से क्या हो जाएगा? सप्लाई कर बेटा अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ जाएगा, और इक्विलिब्रियम प्राइस के बढ़ने से क्या हो जाएगा? आपका प्राइस बढ़ जाएगा और आपके जो लॉसेस है वो वॉश आउट हो जाएंगे। क्या बात समझ में आ गई आपको? मिट जा ओ मिट जा तू मिट जा तू
तुझको क्या शर्म है रे, रिकवर हो जाएगा, ये मिटने का ही नाम नहीं ले रहा। आज ये कुछ अलग ही मूड में आया, ये क्या है, गाँव भर सब कुछ हो जाने के बाद मिट रहा है। ठीक है, एनीवेज, तो लॉन्ग रन में क्या होगा, लॉन्ग रन के अंदर बेटा आप लोगों को होगा सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के पीछे रीजन क्या है, फीफी, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट। तो लॉन्ग रन में क्या होगा, ये है आपका प्राइस इज इक्वल्स टू एम आर इज इक्वल्स टू ए आर इज इक्वल्स टू डी डी, बट क्योंकि लॉन्ग रन है इसलिए इसके आगे एल लेटर लगा देते हैं, एल ए आर एल एम आर। तो भैया लॉन्ग रन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे होगा, एम सी इज इक्वल्स टू एम आर एंड एम सी कर कट एम आर फ्रॉम बिलो, लेकिन इसके आगे एल लगा देंगे। ये रहा आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल। अब जैसे मैंने आपको बताया क्योंकि हम लॉन्ग रन में हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होगा, तो देखिए इक्विलिब्रियम कुछ यहाँ पर होगा, ये रहा आपका एसी, पर कौन सा, एलएसी। क्या ये बात समझ में आ गई? अब जरा ध्यान देना बच्चों, मैंने आपको प्रीवियस यूनिट में बात क्या बताया था कि एल ए सी नाम का कोई कर्व ही नहीं रहता, ये तो बेसिकली एक प्लानिंग कर्व है। ये प्लानिंग कर्व आपको एक शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, एस ए सी कर्व चूज करके देने में, प्लांट कर्व चूज करके देने में मदद करता है। तो हम ऑपरेट करते हैं एस ए सी पर, और इस एक एस ए सी का एक एस एम सी भी होता है। क्लियर कैश सब कर, नहीं नहीं हुआ, सब क्लियर है। हाँ कल 100 मार्क्स का ना, देखता हूँ मैं, पूछता हूँ। तो ये क्लियर हो गया क्या बेटा, ये क्लियर हो गया क्या? यस। तो भैया ये रहा इक्विलिब्रियम। सर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सभी इक्वल होते हैं। ओके चलिए अब लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। इन लॉन्ग रन द फर्म विल अर्न जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट्स एंड देयर विल बी नो फर्दर एंट्री नो फर्दर एग्जिट। सर ये क्या बोल रहे हैं आप, तो बोल रहे थे सर फ्री एंट्री फ्री एग्जिट है, नो फर्दर एंट्री नो फर्दर एग्जिट का मतलब क्या हो गया? नो फर्दर एंट्री नो फर्दर एग्जिट का यहां पर मतलब होता है एंट्री इज इक्वल्स टू एग्जिट, जितनी एंट्री हो रही है उतनी ही एग्जिट्स होगी, मतलब इमीडिएटली नहीं एग्जैक्टली भी नहीं पर मोटा मोटे तौर पे सेम ही रहेगी, तभी तो इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। देखिए यहां पर टू अर्न नॉर्मल प्रॉफिट एल ए आर शुड बी इक्वल टू एल ए सी, पता है हमको भैया नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करने के लिए ए आर इज इक्वल्स टू ए सी होता है, लॉन्ग रन की बात करें इसलिए एल ए आर इज इक्वल्स टू एल ए सी है। इन लॉन्ग रन फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, जरा ध्यान दीजिएगा, फर्म अपनी मिनिमम कॉस्ट पे प्रोड्यूस करती है बेटा, जाहिर सी बात है इतना ह्यूज कॉम्पिटिशन है कि इसे अपनी लोएस्ट कॉस्ट पर प्रोड्यूस करना पड़ता है, और वेस्टेज भी नहीं कर सकते क्योंकि वेस्टेज किया तो लॉस होगा। तो देखना फर्म अपनी मिनिमम कॉस्ट पर प्रोड्यूस करेगी और साथ ही साथ वेस्टेज भी नहीं होने देगी, इसलिए फर्म को ऑप्टिमम फर्म कहेंगे। ठीक है वो मैं शाम को दे दूंगा आपको, ठीक है शाम लिंक तो शाम की क्लास में शेयर कर दूंगा, टाइमिंग अब भी डिसाइड करके बता देता हूँ, आज ही रख सकते हैं वैसे तो, मैं बताता हूँ तेरे को। अच्छा तूने याद दिलाया, अभी बता देता हूँ, ये चैप्टर एंड होता है ना, ये वाला यूनिट जैसे ही एंड होगा ना मुझे बताना। ओके इन लॉन्ग रन द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड, आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड एट मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट और मिनिमम एल ए सी। सर आप ग्राफ को देखिएगा, वहाँ पे एल ए सी के मिनिमम पॉइंट पर हम ऑपरेट करते हैं, कंज्यूमर मिनिमम प्राइस पे करता है, कंज्यूमर बेटा यहाँ पे सुपर प्रॉफिट अर्न करने लायक प्राइस नहीं पे करता, जितना कॉस्ट है उतना ही प्राइस पे कर रहा है। जरा आप देखिए प्राइस हमारे सिर्फ कॉस्ट रिकवर कर पा रहे, कॉस्ट में नॉर्मल प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। प्लांट का फुल यूटिलाइजेशन होता है, ये एम सी क्यू आता है बेटा, एम सी इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू प्लांट यूटिलाइजेशन, कैसे याद रखेंगे, एम सी पी सी
एम सी ए सी पी यू, मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, एम सी ए सी पी यू। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्लांट यूटिलाइजेशन, प्लांट का फुलेस्ट यूटिलाइजेशन होता है, ये याद रखना बेटा आपको, जस्ट रिमेंबर दिस, प्लांट फुल यूटिलाइजेशन। आपको एम सी क्यू दे देंगे बेटा, प्लांट फुल यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है, आप बोलेंगे एम सी इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू पी यू, प्लांट यूटिलाइजेशन। देखो सब याद रहता है, ये याद रखना, मैंने आपको बताया था क्योंकि हम मिनिमम कॉस्ट पे ऑपरेट करते हैं और वेस्टेज भी नहीं करते, इसलिए हमको क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम फर्म, ऑप्टिमम एलोकेशन करते हैं हम। फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है, नॉर्मल प्रॉफिट मतलब ए आर इज इक्वल्स टू ए सी, प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम, एम सी इज इक्वल्स टू एम आर, बट नॉर्मल। लॉन्ग रन के अंदर देखिए सब इक्वल रहते हैं, और ये वाला आपको आता है व्हेन एल ए सी फॉल्स, जब एल ए सी गिरता है तो एल ए सी एल एम सी से बड़ा होता है, ये देखिए जब एल ए सी गिरता है तब एल एम सी उसके नीचे रहता है इसलिए छोटा है, लेकिन जब एल ए सी बढ़ता है तो एल एम सी उससे ज़्यादा होता है। व्हेन एल ए सी फॉल एल ए सी इज मोर, व्हेन एल ए सी राइज एल ए सी इज लेस, ये देख लीजिए, इसमें कोई डाउट है तो एम सी क्यू बनता है ना, आप सारे कर लेंगे सॉल्व, बस ये एक वाला पॉइंट आपको तकलीफ दे सकता है, ठीक है, एम सी ए सी पी यू। नहीं नहीं वो मोबाइल है ना, पर्सनल मोबाइल यूज़ किया तो उस पर मैसेजेस भी आ रहे हैं। ओके चलिए बेटा, अब बात करते हैं मोनोपोली। मोनोपोली क्या होता है, मोनोपोली एक ऐसा मार्केट रहता है सर जहाँ पे सिंगल सेलर रहता है। अब क्योंकि ये सिंगल सेलर है तो इसके जैसा प्रोडक्ट कोई बेचता है क्या, नहीं बेचता है, तो क्रॉस इलास्टिसिटी कैसी रहती है बेटा, इसके जैसा कोई प्रोडक्ट ही नहीं है तो किसी और प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज आने के कारण इसको अफेक्ट होगा क्या, नहीं, क्रॉस इलास्टिसिटी जीरो या फिर वेरी लो होती है। पहली प्रायोरिटी लो को देना, जीरो भी दे रखा है, जीरो भी दे रखा है ऑप्शन ए, वेरी लो दे रखा है, बोथ दे रखा है तो बोथ सिलेक्ट करना, नहीं तो पहली प्रायोरिटी लो है आपकी, ठीक है। तो देखना सिंगल सेलर रहता है। अब बेटा कलेक्शन ऑफ फर्म से बनता है इंडस्ट्री, अब कलेक्शन में अकेला ही बैठा है तो फर्म इज इक्वल्स टू इंडस्ट्री। यहां पर बेटा एंट्री रिस्ट्रिक्शन रहती है, बहुत टाइप की रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रिक्शन, लीगल रिस्ट्रिक्शन, आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शन, फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन, मतलब रिस्ट्रिक्शन कोई भी प्रकार की हो सकती है। यहाँ पर इसी रीजन से मोनोपोलीज की कायम है, अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं होती तो कोई और लोग आके मोनोपोली ब्रेक कर देते, ठीक है बेटा। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, अगर सब्स्टिट्यूट होता तो फिर इसकी मोनोपोली कैसे बनती, क्योंकि इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है इसलिए क्रॉस इलास्टिसिटी बेटा वेरी लो है, वेरी लो है और जीरो है। और प्राइस इलास्टिसिटी जरा सोचिए, मैं अकेला सेलर हूँ बेटा, दोनों में फर्क है, क्रॉस इलास्टिसिटी और प्राइस इलास्टिसिटी में। क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब किसी और के प्राइस के कारण मेरी डिमांड में इम्पैक्ट, प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब क्या, मेरा ही प्राइस चेंज होने के कारण। अब जरा देखिए मैं अकेला सेलर हूँ यहाँ पे, मैं अगर प्राइस बढ़ा भी दूँ तो डिमांड गिरेगी पर ज़्यादा नहीं गिरेगी, और प्राइस कम भी कर दूँ तो डिमांड बढ़ेगी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, यानी कि बेटा यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी तो लो है, प्राइस इलास्टिसिटी तो लो है, ये फिक्स है, प्राइस इलास्टिसिटी लो है। और इसका एक और सबूत है, जब आप अपना एआर और एमआर कर बनाओगे मोनोपोली के अंदर, वो स्टीपर कर बनेंगे, वो बेटा इस तरीके से ऐसे कर नहीं बनने वाले, ना ही वो फ्लैटर कर बनेंगे, ना ही वो ऐसा कर बनेगा, वो कर्व ऐसा बनता है स्टीपर। स्टीपनेस क्या सजेस्ट करती है, स्टीपनेस सजेस्ट करती है इलास्टिसिटी लेस देन वन। तो इलास्टिसिटी कैसी रहती है बेटा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन वन. बेटा मोनोपोलिस्ट बेसिकली रियलिटी में टेकर मेकर दोनों है, पर हमारी बुक सिर्फ मेकर बोलती है, तो उतना ही याद रखना, इट इज मेकर एंड नॉट टेकर. बताइए क्लियर. ओके, दो पॉइंट है जिसका आपको ख्याल रखना है. सब्स्टिट्यूट नहीं है इसलिए क्रॉस इलास्टिसिटी लो है या जीरो है, लेकिन प्राइस इलास्टिसिटी तो लेस देन वन है, ये तो फिक्स है. ओके, मोनोपोली क्यों एग्जिस्ट होती है? मोनोपोली एंट्री बैरियर्स के कारण एग्जिस्ट करती है. अगर बैरियर नहीं होंगे तो लोग आ जाएंगे. अब ये बैरियर्स क्यों होते हैं? क्योंकि कई बार इनके पास मोनोपोली क्यों एग्जिस्ट करती है? मोनोपोली इसलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि कई बार किसी प्रोडक्ट पे आपका एक्सक्लूसिव कंट्रोल रहता है. मान लो एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल है जो एक पर्टिकुलर एरिया में बनता है और वो माइंस का अधिकार मेरे पास है, तो बेटा मेरी मोनोपोली बन गई. कंट्रोल ओवर यूनिक प्रोडक्ट, किसी एक विशेष प्रोडक्ट के ऊपर मेरा ही कंट्रोल है, मैंने राइट्स ले रखे हैं, दोनों बात सेम है बेटा, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल ओवर रिसोर्स या फिर प्रोडक्ट. पेटेंट, मैंने कुछ नई चीज़ डेवलप करी, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट मैंने उसका ले रखा है. गवर्नमेंट ग्रांटिंग एक्सक्लूसिव राइट, गवर्नमेंट ने ही मुझे विशेष अधिकार दे रखे हैं. देखिए गवर्नमेंट ऐसे विशेष अधिकार क्यों देती हैं? गवर्नमेंट को अपना काम करवाना है, लेट से रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन करवाना है, किसी को तो काम देना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट टेंडर फ्लोट करती है, तो 50 लोगों को काम देने की जगह एक को काम देती है, तो बेटा अपने आप मोनोपोली बन जाती है. सब्सटैंशियल गुडविल, सब्सटैंशियल गुडविल मतलब मार्केट में हमारा नाम बहुत चलता है इसलिए हमारी मोनोपोली बन गई है. हमने कोई गलत प्रैक्टिस नहीं करी, हमारा नाम ही इतना चलता है, इतना पुराना है, अक्सर हलवाइयों के केस में देखने को मिलता है. आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शन यानी बनावटी रिस्ट्रिक्शन, कई बार बेटा ऐसा कर देते हैं इलीगल तरीके से, कार्टेल वगैरह बना लेते हैं वो है, या फिर अननेसेसरी कोई ना कोई दमदाटी गुंडागर्दी करना चालू कर देते हैं कोई भी प्रकार से आर्टिफिशियली. वो एग्जिस्ट नहीं करती है ऐसी रिस्ट्रिक्शन रियलिटी में, पर ये लोग डालते हैं, दबाव डालेंगे, काम में अड़थड़े डालेंगे, फाइल्स लटका देंगे. नेचुरल मोनोपोली, नेचुरल मोनोपोली का मतलब क्या होता है? लेट से बेटा एक हाइड्रो पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है. अब बेटा इसको, न्यूक्लियर पावर प्लांट को ओन करता है एक्स वाई जेड कंपनी, तो इसकी बन गई मोनोपोली. अब बेटा आपको इसकी मोनोपोली तोड़नी है तो क्या करना पड़ेगा? ऐसा ही एक और थर्मल पावर प्लांट डालना पड़ेगा, पर थर्मल पावर प्लांट डालना कोई बच्चों का खेल है क्या? उसमें कितने तो रूल्स, रेगुलेशन, रिस्ट्रिक्शन होंगे और हजारों करोड़ों की तो इन्वेस्टमेंट है, तो आप चाहकर भी बेटा उसमें जंप नहीं कर सकते. तो इसकी मोनोपोली क्यों बन गई? क्योंकि ये प्रोडक्ट का नेचर ही ऐसा है कि और कोई कर नहीं सकता, तो बेटा इसको बोलते हैं नेचुरल मोनोपोली. स्ट्रिंजेंट यानी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट. स्टार्टअप कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, यानी धंधा चालू करने का ही खर्चा बहुत है. आप इंडियन रेलवे की मोनोपोली तोड़ना चाहो तो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कितना खर्चा आएगा. यूज़ ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस और प्रेडिएटरी टैक्टिस, यानी कि बेटा गलत तरीके से दूसरों का धंधा बंद करवाना. एंटी कॉम्पिटिटिव, प्रेडिएटरी यानी कि खा जाना सामने वाले के बिजनेस को, या फिर बेटा इलीगल ग्रुप्स बनाना, कार्टेल्स बनाना, कार्टेल्स यानी इलीगल ग्रुप, गैंग्स बनाना. नेक्स्ट है बेटा इफेक्ट ऑफ मोनोपोली. मोनोपोली के आने से क्या हो जाता है? कंज्यूमर को हाई प्राइस पे करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि एक्सप्लॉइट करता है कंज्यूमर को, इसके अलावा कोई माल बेचने वाला है नहीं, तो ऑफ कोर्स हाई प्राइस चार्ज करेगा. लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस. सर कंज्यूमर सरप्लस लॉस कैसे होता है? देखिए कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला है अमाउंट अ पर्सन रेडी टू पे माइनस प्राइस चार्ज्ड, इससे मिलता है कंज्यूमर सरप्लस. बेटा अगर प्राइस चार्ज ज़्यादा कर दें, माइनस वाली वैल्यू ज़्यादा कर दो, तो कंज्यूमर सरप्लस तो गिर जाएगा ना बेटा. इनएबिलिटी ऑफ कंज्यूमर टू सब्सटीट्यूट. बेटा कंज्यूमर चाह के भी तुम्हें सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा सब्सटीट्यूट ही अवेलेबल नहीं मार्केट में, मोनोपोली है तुम्हारी. ट्रांसफर ऑफ इनकम फ्रॉम कंज्यूमर टू मोनोपोलिस. ट्रांसफर ऑफ इनकम का मतलब क्या है? अब मैंने अगर मोनोपोलिस का प्रोडक्ट खरीदा, तो बहुत महंगा प्रोडक्ट है, मेरी कमाई उसके पास जा रही है, मैं गुड्स परचेज कर रहा हूँ, मेरी मोटी महीने भर की कमाई बहुत उसके पास जा रही है,
और मैं कुछ कर भी नहीं सकता। ट्रांसफर ऑफ इनकम मतलब वही है, हाई रेट में बाय करना, ये दोनों का मतलब एक ही है। नेक्स्ट है बेटा रिस्ट्रिक्शन ऑफ कंज्यूमर सोविनिटी। मोनोपोलिस्ट आपको चॉइस ही नहीं देता। इंसान चॉइस कब देता है? जब कंपटीशन हो। इसको कोई कंपटीशन ही नहीं है, आपको चॉइस ही नहीं देगा। पेमेंट ऑफ लोअर वेजेस बाय मोनोपोलिस्ट टू सप्लायर। सप्लायर को भी पेमेंट कम देंगे। क्यों? सप्लायर को आप बोलोगे सप्लायर आज से मैं तेरे को इसका पेमेंट कम दूंगा, सप्लायर बोलेगा क्यों भाई? बोले बस कम दूंगा। सप्लायर बोलेगा मैं दूसरे को माल बेच दूंगा, बोले आहा तो दूसरे को माल बेच ही नहीं सकता। सप्लायर बोलेगा क्यों? मैं मोनोपोलिस्ट हूँ, ऐसा प्रोडक्ट मैं अकेला ही बनाता हूँ, ऐसा प्रोडक्ट मैं अकेला ही बनाता हूँ, मेरे जैसा और कोई बनाता ही नहीं, तो तू माल किसको बेचेगा? तो बोलता हाँ यार ये तो बात बराबर है। तो मोनोपोलिस्ट देखना शोषण करता है, ठीक है। लो लेवल ऑफ आउटपुट, जानबूझ के कम आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। क्यों? जरा देखिए ये डिमांड सप्लाई के हिसाब से इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, वे जानबूझ के लोअर आउटपुट प्रोड्यूस करेगा जिससे सप्लाई कम हो जाएगा। सप्लाई कम होने से क्या हो जाएगा बेटा? दाम बढ़ जाएगा और क्वांटिटी कम होगी। तो कम क्वांटिटी बेचकर बेटा ये प्राइस बढ़ा के कंपेंसेट कर लेगा, मेहनत नहीं करेगा। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल स्केयरसिटी, बनावटी स्केयरसिटी। इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल प्रोसेस, क्योंकि इसकी पावर इतनी बढ़ जाएगी पॉलिटिक्स में भी इंटरफेयर करेगा। लैक ऑफ इनोवेशन, इसको इनोवेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं ना, इनोवेशन कब करता जब कंपटीशन है, कंपटीशन ही नहीं, काहे को करें इनोवेशन। हाइयर कॉस्ट ऑफ आउटपुट, कई बार आउटपुट महंगे में भी बनता है तो ये कॉस्ट रिडक्शन की ओर भागता नहीं है, ये बोलता है कि भैया मैं कॉस्ट रिडक्शन की ओर नहीं भागूंगा, अगर मेरे को हाइयर आउटपुट में हाइयर प्राइस में आउटपुट बन रहा है मैं हाइयर सेलिंग प्राइस कर दूंगा, लेकिन मैं आउटपुट का प्राइस कम नहीं करूंगा। लैक ऑफ प्रोडक्टिव एंड अलोकेटिव एफिशिएंसी, ये बेटा एफिशिएंसी नहीं दिखाते हैं। क्यों दिखाएं एफिशिएंसी? एक इंसान एफिशिएंसी कब दिखाएगा बेटा? एक इंसान एफिशिएंसी कब दिखाएगा? जब कंपटीशन है, जब कंपटीशन ही नहीं तो एफिशिएंसी काहे की दिखाएगा वो, समझ रहे हो? ये फोन रह गया 1% पे, अब मेरे को दूसरा फोन लगाना पड़ेगा। चार्ज तो हो रहा है 1% पे, करता है वेस्टेज, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वेस्टेज करने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज ऑफ रिसोर्सेस, लो आ गया, मतलब वो एफिशिएंसी नहीं दिखाएगा, अकेले होने का पूरा दुरुपयोग करेगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगा लॉन्ग रन में, और बैरियर्स डालेगा, एंट्री बैरियर्स। तो ये सारे इसके नेगेटिव पॉइंट है जिसके कारण मोनोपोली एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। देखिए कितने पॉइंट देखे हमने, 14 पॉइंट्स। कोई भी पॉइंट में तकलीफ है तो आप मुझे पूछिए। मोनोपोली मार्केट इज लाइक माफिया टू एन एक्सटेंट, यस। ओके, अब मोनोपोली के केस में हम जानते हैं बेटा डिमांड कर्व कैसा रहता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसा रहता है, वो मैं आपको सिखाऊंगा नहीं। अभी जो लास्ट यूनिट में मैंने आपको करके बताया वही एप्लीकेबल है बेटा, वही पूरा एप्लीकेबल है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन, प्रॉफिट लॉस, वही सारी चीज़ें, एक ही बस रिपीट करके दे रहा हूँ एक बार। ये रहा आपका एवरेज रेवेन्यू कर, ठीक है, और ये रहा आपका मार्जिनल रेवेन्यू कर। जो जो चीज़ें पढ़ी हमने मार्जिनल रेवेन्यू की यूनिट के एंड में, वो सारी की सारी एप्लीकेबल। इनफैक्ट वो डायग्राम्स जो मैंने बनाए थे वो इसी के थे। ये रहा बेटा आपका MC कर, ये रहा आपका AR कर, ये रहा आपका MR कर, ये आ गया आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल, ये रहा आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल। अब बेटा इस प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल पे एवरेज कॉस्ट ऐसा रहा तो लॉस, एवरेज कॉस्ट ऐसा रहा तो सुपर प्रॉफिट, एवरेज कॉस्ट ऐसा रहा, ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा रहा तो बेटा आपको होगा नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो भैया शॉर्ट रन में एक क्वेश्चन आता है, क्या मोनोपोली शॉर्ट रन में लॉसेस अर्न कर सकता है? आंसर इज येस। सर क्यों लॉसेस अर्न करेगा? लोगों को आदत लगाने के लिए। अच्छा, और सर क्या वो सुपर प्रॉफिट अर्न कर सकता है? यस। क्या वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकता है? आंसर इज यस। लेकिन लॉन्ग रन की बात करेंगे तो ओनली सुपर प्रॉफिट। क्यों?
क्योंकि फीफी नहीं है। तो देखिए ये आपका जो ए आर कर्व है डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, एम आर कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग है, एम आर कर्व बराबर इसको दो हिस्सों में बांट देता है, एम आर जीरो और नेगेटिव हो सकता है, ए आर नहीं होता। अब बस ये जो कर्व होता है ना डिमांड कर्व स्टीपर रहता है, स्टीपर स्टीपर रहने के पीछे रीजन क्या है, इलास्टिसिटी लेस देन वन, क्योंकि आपकी इलास्टिसिटी लेस देन वन है इसलिए स्टीपर कर्व होता है, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है। ये देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड और रेवेन्यू कर, यहाँ पे देखिए मार्केट डिमांड कर इज इक्वल्स टू ए आर, रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एंड एम आर, बोथ ए आर एंड एम आर आर डाउनवर्ड स्लोपिंग, एम आर लाइज हाफ वे, एम आर बराबर दो हिस्सों में से कट करता है, ए आर कैन नॉट बी जीरो बट एम आर कैन बी जीरो और नेगेटिव, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन क्या है, एम सी इज इक्वल्स टू एम आर एंड एम सी कर कट एम आर फ्रॉम बिलो, और ये वाला सुपर प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट लॉस और लॉन्ग रन में क्या हो रहा है ये सारा मैंने आपको प्रीवियस यूनिट के एंड में कवर करवाया, ठीक है। आपको यकीन नहीं है या याद नहीं है, जो भी केस है यहाँ पर देखिए ये मैंने आपको कवर करवाए थे, सारे केसेस आपको कवर करवाए थे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सेम ग्राफ लॉन्ग रन में सुपर प्रॉफिट अर्न करेगा, लॉन्ग रन में सुपर प्रॉफिट ही अर्न होगा क्योंकि फ्री एंट्री फ्री एग्जिट नहीं है वहां पे, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, ठीक है जी। तो सुपर प्रॉफिट हो सकता है हाँ, नॉर्मल प्रॉफिट हाँ, सुपर प्रॉफिट के लिए ए आर ग्रेटर देन ए सी, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए ए आर इज इक्वल्स टू ए सी, लॉसेस के लिए ए आर लेस देन ए सी। अब लॉसेस में भी तीन कंडीशन आएगी, ए आर ग्रेटर देन ए वी सी कंटिन्यू, ए आर लेस देन ए वी सी शट, और ए आर इज इक्वल्स टू ए वी सी शट डाउन पॉइंट। लॉन्ग रन में क्या होगा, ओनली सुपर प्रॉफिट, ओनली सुपर प्रॉफिट, क्यों, क्योंकि फीफी नहीं है, फ्रीडम ऑफ एंट्री फ्रीडम ऑफ एक्सिट नहीं है, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट नहीं है। बताइए कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए। चलिए अब बात करते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा, अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करना फॉर द रीजन नॉट एसोसिएटेड विद कॉस्ट। तो मान लो बेटा दो लोग दिल्ली में रहते हैं, एक को बुक मैंने 500 में पहुंचाई, एक को बुक 700 में पहुंचाई, तो दिस इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और मान लो एक बंदा रहता है दुबई में, एक बंदा रहता है दिल्ली में, दुबई वाले को 1000 में थी, दिल्ली वाले को 500 में थी, अब दुबई वाले को 500 भी एक्स्ट्रा चार्ज किया क्योंकि मेरी कॉस्ट बढ़ गई, तो ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है अलग अलग कस्टमर को अलग अलग प्राइस चार्ज करना फॉर द रीजन नॉट एसोसिएटेड विद कॉस्ट, मतलब कॉस्ट में बदलाव नहीं है, ठीक है, कॉस्ट आपकी कॉन्स्टेंट है, फिर भी अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहे हो, ये भेदभाव है, समझ गए। तो देखिए प्रॉफिट बढ़ाने के लिए प्राइस डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकर व्हेन प्रोड्यूसर सेल डिफरेंट, व्हेन प्रोड्यूसर सेल सेम कमोडिटी टू डिफरेंट बायर एट डिफरेंट प्राइस फॉर द रीजन नॉट एसोसिएटेड विद कॉस्ट। क्यों किया जाता है सर ये इसलिए किया जाता है, जो कम पे कर सकता है उससे कम ले लो, जो ज़्यादा पे कर सकता है उससे ज़्यादा ले लो, जो भी है सारा का सारा प्रॉफिट अर्न कर लो, कम प्रॉफिट ज़्यादा प्रॉफिट दोनों मिला के टोटल प्रॉफिट बढ़ा लो। कई बार ना जानबूझ के मैं कम प्राइस में भी सेल कर देता हूँ ताकि अपना सरप्लस स्टॉक निकाल दूँ, सरप्लस स्टॉक निकाल दिया जाए, इंजॉय करता हूँ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लोअर प्राइस मार्केट में भी बेच रहा हूँ, हायर प्राइस मार्केट में बेच रहा हूँ, मतलब मैं तो मास प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मास प्रोडक्शन कर रहा हूँ तो मास बाइंग करूंगा तो बेटा कॉस्ट पर यूनिट गिर जाएगा। फॉरेन मार्केट को कैप्चर करने के लिए और इक्विटी थ्रू प्राइसिंग, इक्विटी थ्रू प्राइसिंग का मतलब होता है रिच को ज्यादा प्राइस और पुअर को लो प्राइस, इसे बोलते हैं समानता कायम करना, इक्विटी थ्रू प्राइसिंग। समझा क्या? ठीक है बेटा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की चार कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन, आपको मार्केट को दो या दो से ज्यादा सब पार्ट में डिवाइड करते आना चाहिए, पहली कंडीशन।
दोनों मार्केट की इलास्टिसिटी अलग चाहिए, सप्लाई के ऊपर आपका एक्सक्लूसिव कंट्रोल चाहिए, यानी दोनों जगह आप ही सप्लाई करोगे, और रीसेल की पॉसिबिलिटी भी नहीं है। अभी वो ढूंढना पड़ेगा बेटा, ऐसे सब इमीडिएटली हाथ में तो अवेलेबल नहीं होता है आजकल। हो गया फोन डिस्चार्ज, ये जरा शायद दूसरा फोन रेडी था। ठीक है, तो चार कंडीशन, पहली मार्केट को दो या दो से ज्यादा सब पार्ट में डिवाइड करते आना चाहिए, दोनों मार्केट की इलास्टिसिटी अलग चाहिए, सप्लाई दोनों मार्केट में या दो से ज़्यादा मार्केट में आप ही का कंट्रोल चाहिए, और सस्ते में खरीद के महंगे में बेचने की पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। अब बेटा जिस मार्केट में इलास्टिसिटी ज़्यादा रहेगी वहाँ के लोग रहते हैं थोड़े भावुक प्राइस को लेकर, तो वहाँ पे प्राइस लो चार्ज करना चाहिए, और भैया जिस मार्केट में इलास्टिसिटी कम है यानी चेंज कम है वहाँ पर प्राइस ज़्यादा चार्ज करना चाहिए। तो चलिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की कंडीशन क्या है फुल हम हमारी सीक्वेंस में जाते हैं। सबसे पहले तो डिवीजन ऑफ मार्केट इनटू टू और मोर सब मार्केट, मार्केट को दो या दो से ज़्यादा सब पार्ट में डिवाइड करते आना चाहिए। दूसरा बेटा दोनों मार्केट की इलास्टिसिटी अलग होनी चाहिए, यहाँ की इलास्टिसिटी अलग होनी चाहिए। फिर तीसरा सप्लाई पे आप ही का कंट्रोल चाहिए, दोनों मार्केट में आप ही सप्लाई करोगे और सस्ते में खरीद के महंगे में बेचे आदमी ऐसी पॉसिबिलिटी भी नहीं। अब भैया जिस मार्केट में प्राइस सॉरी इलास्टिसिटी ज़्यादा है, इलास्टिसिटी मोर है, वहाँ पे लोग प्राइस को लेकर थोड़े भावुक हैं। जिस मार्केट में इलास्टिसिटी ज़्यादा है मतलब चेंज ज़्यादा है वहाँ पे प्राइस को लेकर भावुक है, वहाँ पे प्राइस कम रखो। लेकिन जहाँ पे इलास्टिसिटी कम है वहाँ पे लोगों को प्राइस के बढ़ने या घटने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ प्राइस ज़्यादा रखो। द मोनोपोलिस विल बी चार्जिंग डिफरेंट प्राइस इन डिफरेंट मार्केट, हाइयर प्राइस इन लो इलास्टिसिटी मार्केट, देखो higher price in low elasticity market and lower price with market with higher elasticity। कोई doubt है तो मुझे बताइए आप। फिर बेटा तीन degree होती है price discrimination की, ठीक है ध्यान से सुनना, first degree, second degree और third degree। first degree में क्या करते हैं, consumer exactly जितना pay कर सकता है उससे उतना पैसा ले लेते हैं। for example समझो एक movie आई, उसके मूवी के टिकट मुझे ब्लैक करने हैं, अगर कोई बंदा 100 दे सकता है इज़ रेडी टू पे 100, तो मैं प्राइस भी 100 रुपये चार्ज करता हूँ। इज़ रेडी टू पे 500, मैं प्राइस भी 500 देता हूँ। इज़ रेडी टू पे 700, मैं उसे 700 रुपये चार्ज करता हूँ। तो एग्जैक्टली जितना पे करने के लिए रेडी होता है उतना ले लेता हूँ। फर्स्ट डिग्री में कंज्यूमर सरप्लस कुछ नहीं बचता है। सेकेंड डिग्री में क्या होता है, जो हाई क्वांटिटी बाय करता है उसको लोअर प्राइस लगाता हूँ, जो लो क्वांटिटी बाय करता है उसको हाई प्राइस लगाता हूँ। मतलब सेम कमोडिटी अगर कोई 10 किलो ले रहा है तो मैं उसको कम प्राइस लगा रहा हूँ, सेम कमोडिटी अगर कोई कम क्वांटिटी ले रहा है तो ज़्यादा प्राइस लगा रहा हूँ। तो ये होता है बेटा सेकेंड डिग्री, जहाँ पे क्वांटिटी के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट डिफ्रेंशिएट किया जाता है। और थर्ड डिग्री में क्या किया जाता है, थर्ड डिग्री में मार्केट को डिवाइड कर दिया जाता है, मार्केट जिसकी इलास्टिसिटी ग्रेटर है वहाँ प्राइस लोअर रखा जाता है, मार्केट जहाँ पे इलास्टिसिटी कम है वहाँ पे प्राइस ज़्यादा रखा जाता है। नोट माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस बचता है, फर्स्ट डिग्री में कुछ नहीं बचता है, सेकेंड डिग्री के बारे में बता नहीं सकते, थर्ड डिग्री के अंदर थोड़ा बचता है, थर्ड डिग्री में थोड़ा बचता है। अब वो क्यों क्या कैसे मैंने आपको डिटेल में बताया था, अभी वो जानने की आपको इतनी जरूरत नहीं है। ठीक जी, लिख लो, फर्स्ट डिग्री के अंदर कंज्यूमर सरप्लस जीरो, एग्जैक्टली उतना ही प्राइस चार्ज करते जितना पे कर सकते हैं, थर्ड डिग्री में लो और सेकेंड डिग्री में क्वांटिटी है। आइए बच्चा लोग बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बेसिकली एक ऐसा कॉम्पिटिशन जहाँ पे मैनी बायर मैनी सेलर रहते हैं और बेचते हैं क्या वो डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट, अलग प्रोडक्ट रहता है। तो बेटा प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन किसका फीचर है, सवाल आता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन फीचर किसका है, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन।
पर हाईएस्ट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कहां पर होता है, तो हम बोलेंगे मोनोपोली में, ठीक है। और बेटा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहां पर होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली में होता है। तो पढ़िए, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन फाउंड इन इंडस्ट्री वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर सेलिंग डिफरेंशिएटेड बट क्लोज सब्स्टिट्यूट। इसमें दोनों मार्केट के फीचर हैं, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन यानी मोनोपोली भी है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन भी है। यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर लार्ज नंबर ऑफ सेलर रहते हैं, यहाँ पर भी फ्री एंट्री फ्री एग्जिट है, बट भैया एक ही फीचर अलग है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अगर आप परफेक्ट कॉम्पिटिशन देखेंगे वहाँ पर मैनी बायर मैनी सेलर है, फीफी वहाँ भी है, और यहाँ पर क्या है बेटा मैनी बायर्स हैं मैनी सेलर्स हैं फीफी यहाँ भी है, तो अलग फीचर क्या है, ये होमोजीनस प्रोडक्ट बेचता है, ये डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बेचता है, होमोजीनस डिफरेंशिएटेड। ठीक है, यहां पर बेटा प्राइस वॉर नहीं रहता, प्राइस कंपटीशन नहीं रहता। आप देखिए हमाम अलग रेट में बिक रहा है, लिरिल अलग रेट में बिक रहा है, डव अलग रेट में बिक रहा है, ये लोग एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करना ज्यादा पसंद करते हैं, प्राइस वॉर नहीं करते हैं, नॉन प्राइस कंपटीशन। यहां पर देखिए ये हर फर्म प्राइस टेकर मेकर बहुत रहती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था बेटा मोनोपोली मेकर है, परफेक्ट कंपटीशन टेकर है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दोनों का बच्चा है, तो टेकर मेकर दोनों है, ठीक है। इम्परफेक्ट मोबिलिटी, इसके ऊपर भी चर्चा करते हैं, हम बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन में। परफेक्ट कंपटीशन में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मोबिलिटी परफेक्ट रहती है, मतलब क्या, अगर मान लो रॉ मटेरियल है वो मैं नहीं बाय कर रहा हूँ तो कोई और बाय कर लेगा, हजारों सेलर्स हैं कोई भी ले लेगा। अगर मेरे को मेरा लेबर नहीं चाहिए तो इस लेबर को मैं निकाल दूंगा तो इसको कहीं भी काम मिल जाएगा, बराबर है, हजारों सेलर है मेरे जैसा काम करने वाले, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मोबिलिटी परफेक्ट है। पर मोनोपोली में तो बेटा बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है, मोनोपोली में अगर माल मुझे नहीं बेच रहा तो किसी को बेच नहीं पाएगा, ये लेबर मेरा काम कर रहा है, आज मैंने इसको निकाल दिया तो मेरे जैसा काम कहीं और कर ही नहीं सकता ये, क्यों, क्योंकि मेरे अलावा कोई है ही नहीं। तो बेटा यहाँ पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मोबिलिटी बिल्कुल नहीं रहती, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में थोड़ी सी रहती है। मान लो ये हमाम बना रहा है मेरे पास, मैं इसको आज निकाल दूं तो चल कल चला जाएगा बेटा लिरिल वाले के पास, थोड़ी तकलीफ जाएगी पर चला तो जाएगा। अगर मैं रॉ मटेरियल नहीं बाय कर रहा हूं बेटा हमाम के लिए, तो ये रॉ मटेरियल वाला थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके लिरिल वाले को बेच देगा। यानी परफेक्ट कॉम्पिटिशन में मोबिलिटी परफेक्ट है, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में है, यस एग्जिस्ट करती है, पर परफेक्ट नहीं इम्परफेक्ट है, और मोनोपोली में तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। बेटा ARNMR, अब बेटा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सॉरी क्या बोल रहे हैं उसको, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग वाली कंडीशन सारी सेम है, MC = MR, MC curve cut MR फ्रॉम बिलो, ग्राफ सारे सेम है, सब कुछ सेम है, बिल्कुल मोनोपोली जैसा है, बस डिफरेंस क्या है, मोनोपोली में स्टीपनेस थी, स्टीपर था, क्यों, इलास्टिसिटी लेस देन वन, क्यों, सब्स्टिट्यूट नहीं थे। अब यहाँ पर क्योंकि सब्स्टिट्यूट है, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन है, कर्व फ्लैटर बनेंगे, बस ये स्टीपर कर्व की मदद से किया था, ये फ्लैटर कर्व की मदद से करेंगे, और कोई चेंज नहीं है, कोई मतलब कोई भी चेंज नहीं है। कुछ और पॉइंट्स है जो अभी मैं आपको बताऊंगा, पर यहां से लेकर यहां तक के सारे पॉइंट समझे क्या, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने, सारे इंपॉर्टेंट है पर याद रखना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मोबिलिटी परफेक्ट कॉम्पिटिशन में परफेक्ट है, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में इम्परफेक्ट है, और मोनोपोली में तो एग्जिस्ट नहीं करता। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली में है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में है, प्रोडक्ट डिस्क्रिमिनेशन सबसे हाईएस्ट कहां पे, मोनोपोली में। प्राइस वॉर करते हैं क्या ये लोग, नहीं, एडवर्टीजमेंट में ज्यादा बिलीव करते हैं, ये टेकर है मेकर है, टेकर मेकर दोनों है, मोनोपोली मेकर है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन टेकर है, और ये टेकर मेकर दोनों है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ और पॉइंट है जो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किसका फीचर है, मोनोपोली, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन किसका फीचर है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, हाईएस्ट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन किसका है, मोनोपोली का, ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मोबिलिटी कैसी है, मोनोपोली में नहीं है, परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्ट है, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में है पर इम्परफेक्ट। अब और कुछ पॉइंट सुनना बेटा,
परफेक्ट कंपटीशन, नो वेस्टेज, ऑप्टिमम फॉर्म, लो कॉस्ट, नो स्पेयर कैपेसिटी. परफेक्ट कंपटीशन वेस्टेज नहीं करती, ऑप्टिमम फॉर्म है, लोएस्ट कॉस्ट पर प्रोड्यूस करेगी और बेटा नो स्पेयर कैपेसिटी. वही हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करें तो वेस्टेज करते हैं. ऑप्टिमम फॉर्म है क्या? नॉट ऑप्टिमम. क्यों? क्योंकि ये लो कॉस्ट पे प्रोड्यूस करते हैं क्या? लो कॉस्ट नहीं. और स्पेयर कैपेसिटी ऑलवेज स्पेयर कैपेसिटी. अब बात करते हैं मोनोपोली वेस्टेज कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, ऑप्टिमम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लो कॉस्ट पे चाहे तो भी प्रोड्यूस कर सकता है नहीं भी कर सकता है, स्पेयर कैपेसिटी एग्जिस्ट भी करती है नहीं भी करती है. अभी देखिए, अब मैं ये डिसाइड कर रहा हूं कि हमारा बिजनेस साइकिल 10 से 11 बजे तक खत्म हो जाएगा. उससे पहले एक लेक्चर है मेरा. हम रख सकते हैं डाउट क्लियरिंग सेशन आज, साढ़े चार से साढ़े पांच, साढ़े चार से साढ़े पांच नहीं, साढ़े पांच से साढ़े छः, साढ़े पाँच से साढ़े छः रख सकते हैं, 5:30 to 6:30. इफ़ यू परमिट मी आई विल डू देन. अभी फोन चार्ज हो जाता है, मैं जैसे ही कर देता हूँ. साढ़े पांच से साढ़े छः, ठीक है. नो स्पेयर कैपेसिटी. नो स्पेयर कैपेसिटी. परफेक्ट कंपटीशन बड़ा आसान है सर, कोई एक्सेस कैपेसिटी नहीं है, कोई स्पेयर कैपेसिटी नहीं है, लो कॉस्ट पे प्रोड्यूस करेंगे, वेस्टेज नहीं करेंगे. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन उल्टा, वेस्टेज करेगा, ऑप्टिमम कॉस्ट पे प्रोड्यूस नहीं करेगा, स्पेयर कैपेसिटी एग्जिस्ट करेगी हमेशा. मोनोपोली में मे बी और मे नॉट बी हमेशा आंसर. ओके बेटा, ये हो गया है, ठीक है. ये मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है, बस इतना ही है सर. वो ग्राफ वगैरह बनाओगे, ग्राफ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है. मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के ग्राफ एग्जैक्टली सेम है. बस एक ही चीज़ याद रखना, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फ्लैटर है, मोनोपोली स्टीपर था. दूसरी बात बेटा, लॉन्ग रन की अगर हम चर्चा करें, लॉन्ग रन की चर्चा करें तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमाता है. क्यों? फीफी. मोनोपोली क्या कमाता है? सुपर प्रॉफिट कमाता है. क्यों? नो फ्री एंट्री फ्री एग्जिट, नो फीफी. और बेटा अगर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बात करें तो बेटा, क्योंकि यहां भी फीफी है इसलिए भी नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाएगा. बेटा परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, क्योंकि कंपटीशन है, एंट्री और एग्जिट है, फ्रीडम ऑफ एंट्री फ्रीडम ऑफ एग्जिट, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट है, इसलिए दोनों नॉर्मल प्रॉफिट कमाएंगे. सिर्फ मोनोपोली लॉन्ग रन में सुपर प्रॉफिट कमाता है. अच्छा सर, शॉर्ट रन में सुपर प्रॉफिट कौन कमाएगा? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तीनों कमाएंगे. अच्छा सर, लॉसेस तीनों करेंगे और नॉर्मल प्रॉफिट तीनों का हो सकता है, बट लॉन्ग रन में ये हो सकता है. आप बना लो, आपको बनाना है तो. नेक्स्ट लास्ट है ओलिगोपोली.
अब देखिए ऑलिगोपॉली कितना सा है हमारा, झट से खत्म हो जाएगा। चलिए ऑलिगोपॉली की बात करते हैं बेटा। ऑलिगोपॉली क्या होता है? ऑलिगोपॉली एक ऐसा मार्केट रहता है जहाँ पे फ्यू सेलर्स होते हैं बेटा, फ्यू लार्ज सेलर्स रहते हैं जो मार्केट को डोमिनेट करते हैं। ऑलिगोपॉली इज अ मार्केट इन विच देयर आर फ्यू सेलर्स, फ्यू फूड प्रोड्यूसर। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑलिगोपॉली देखते हैं फास्ट। पहला है प्योर ऑलिगोपॉली, जिसे परफेक्ट ऑलिगोपॉली बोलते हैं। परफेक्ट ऑलिगोपॉली का मतलब है बेटा प्लेयर तो कम है, फ्यू प्लेयर्स हैं, बट सभी सेम प्रोडक्ट बेचते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, 10 ही प्लेयर है लेट्स हैं, तो ये हो गया ऑलिगोपॉली। सबका एल्यूमिनियम का कंपोजिशन सेम ही होगा, सबका एल्यूमिनियम सेम ही होगा, तो बेटा ये क्या है? प्योर ऑलिगोपॉली। पर ऑलिगोपॉली डिफरेंशिएटेड भी हो सकती है। मान लो 10 कार डीलर हैं बेटा और सभी कार प्रोड्यूसर, 10 कार प्रोड्यूसर हैं और सभी कार प्रोड्यूसर का बेटा अलग अलग गाड़ियाँ हैं, बराबर एक हैं, क्योंकि 10 प्लेयर हैं इसलिए क्या कहलाया जाएगा? ऑलिगोपॉली। फ्यू फ्यू सेलर्स हैं ना, इसलिए ऑलिगोपॉली कहेंगे। और बेटा यहाँ पर क्योंकि सबके प्रोडक्ट अलग है इसलिए इसको बोलेंगे डिफरेंशिएटेड ओलिगोपॉली। ओ हाँ, प्योर ओलिगोपॉली में ओपेक भी आता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अब बात करते हैं ओपन ओलिगोपॉली। ओपन ओलिगोपॉली के अंदर क्या होता है? फ्री एंट्री फ्री एग्जिट होती है, कोई भी प्लेयर आ सकता है, कोई भी प्लेयर जा सकता है। न्यू फर्म कैन एंटर एंड कम्पीट विथ एग्जिस्टिंग। क्लोज ओलिगोपॉली मतलब यहाँ पे दरवाजे बंद हैं, नो एंट्री या फिर एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड। कल्यूजिव ओलिगोपॉली, कल्यूजिव मतलब मिलके डिसीजन लेते हैं बेटा, आपस में एक दूसरे के साथ मिलके डिसीजन लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कुमार प्रेस्टीज पॉइंट पे कुछ क्लासेस हैं, मिलके डिसाइड करते हैं सारी टाइमिंग और एंट्री डेट्स। कॉम्पिटिटिव ओलिगोपॉली, कॉम्पिटिटिव ओलिगोपॉली इससे बिल्कुल उल्टा है भैया, ये कोई कल्यूजन नहीं दिखाते, आपस में मिलके कोई डिसीजन नहीं लेते। कल्यूजिव क्या है? मिलके डिसीजन लेते हैं, कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ पर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। नेक्स्ट है पार्शियल ओलिगोपॉली। पार्शियल ओलिगोपॉली ये वर्ड आता है पार्शियलिटी से, यहाँ पर ओलिगोपॉली तो है लेकिन एक फर्म बड़ी है बाकी की फर्म्स छोटी छोटी है। मान लो कुमार प्रेस्टीज पॉइंट पे बेटा 5 क्लासेस हैं, 5 क्लासेस में एक क्लासेस इतनी बड़ी है, बची हुई क्लासेस इतनी छोटी है, क्योंकि फ्यू क्लासेस हैं इसलिए ओलिगोपॉली है लेकिन कैसा? पार्शियलिटी। और एक होता है फुल ओलिगोपॉली, जहां पर लगभग सभी प्लेयर सेम रहते हैं बेटा, ठीक है, इसे बोलते हैं फुल ओलिगोपॉली। सिंडिकेटेड ओलिगोपॉली, सिंडिकेटेड ओलिगोपॉली में क्या होता है? ये अपना प्रोडक्ट कॉमन चैनल के थ्रू बेचते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा पुष्पा मूवी देखिए, पुष्पा मूवी में वो बार बार सिंडिकेट 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 वर्ड बोलते हैं, और सभी लोग अपना लाल चंदन एक ही इंसान के थ्रू बेचते हैं, सिंडिकेट के थ्रू बेचते हैं, वो होता है सिंडिकेटेड ओलिगोपॉली। फर्म सेल देयर प्रोडक्ट टू सेंट्रलाइज सिंडिकेट दैट इज चैनल। ऑर्गेनाइज ओलिगोपॉली यानी कि बेटा ओलिगोपॉलिस की एसोसिएशन तैयार हो जाती है। हाँ चलिए, आपने 5:30 to 6:30 मांगा ना, 1 घंटे में लेकिन सब कर लेना बेटा। ओके, ओलिगोपॉली के कुछ फीचर्स देखते हैं। सबसे पहला फीचर है फ्यू सेलर, बहुत कम सेलर्स होते हैं यहाँ पे। कार्टेल किस में बनते हैं? कलूजिव में या ऑर्गेनाइज्ड में? ऑर्गेनाइज्ड में। वैसे तो कार्टेल जो फीचर है वो ओलिगोपॉली का है, कौन से टाइप का ओलिगोपॉली का ऐसा बोला नहीं है, वो सिंडिकेट में भी आ सकते हैं, ऑर्गेनाइज्ड में भी आ सकते हैं, कलूजिव में भी आ सकते हैं। जैसे आपने मिर्ज़ापुर देखा है, मिर्ज़ापुर के अंदर बेटा 3 एरिया रहते हैं, जौनपुर गोरखपुर और मिर्ज़ापुर, तीनों में अंडरस्टैंडिंग रहती है, लाला शुक्ला और ये अपने कालीन भैया में अंडरस्टैंडिंग रहती है, पर कोई एसोसिएशन थोड़ी रहती है। कार्टेल इनका इलीगल ग्रुप है,
पर बेटा इसमें क्या रहता है इनके कॉमन अंडरस्टैंडिंग के, कलूजिव है, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन भी बना सकते हैं, सिंडिकेट भी हो सकता है। चलिए फीचर्स देखते हैं बेटा ऑलिगोपॉली के। सबसे पहला फ्यू सेलर्स रहते हैं, इंटरडिपेंडेंस है, यानी कि इनके डिसीजन अपने राइवल के डिसीजन पे डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि 10-12 तो राइवल्स हैं, 10-12 तो प्लेयर हैं, तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली हाई प्राइजेस नहीं चार्ज कर सकते बेटा। आपको उनके बारे में सोच के, उनके डिसीजन को ध्यान में रख के डिसीजन लेना पड़ता है, आपकी डिपेंडेंसी उन पर। ऑलिगोपॉली के अंदर ये चीज़ तो तय हो गई कि अगर सभी कॉम्पीट कर करके प्राइस को गिराना चालू कर देंगे तो इसमें सेलर का फ़ायदा नहीं है, बायर का ही फ़ायदा है। तो ये क्या बोलते हैं, हम लोग एडवर्टीजमेंट पे ज़्यादा खर्चा करेंगे। आप देखिए ना, ये जितनी भी ब्रांड्स वगैरह हैं ऑलिगोपॉलिस्ट, ये लोग क्या करते हैं, ब्रांड बिल्डिंग पे ज़्यादा खर्चा करते हैं, कॉस्ट रिडक्शन पे या सेलिंग प्राइस कम करने की बात नहीं करते, एडवर्टीजमेंट खर्चा ज़्यादा रहता है। देयर इज़ नो जनरली एक्सेप्टेड ग्रुप बिहेवियर थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। ग्रुप बिहेवियर थ्योरी नहीं रहती। क्या मतलब है सर ग्रुप बिहेवियर थ्योरी नहीं रहती? ग्रुप बिहेवियर थ्योरी का मतलब बेटा, कभी कभी ये साथ में मिलके भी कोई कॉमन इंटरेस्ट प्रमोट करते हैं और आधे से ज़्यादा टाइम राइवलरी भी करते हैं। जैसे फिल्म एसोसिएशन बेटा साथ में आ गई थी कॉमन इंटरेस्ट प्रमोट करने के लिए कि थिएटर्स ओपन करो कोविड के टाइम पे, लेकिन बेटा कभी कभी तो राइवलरी भी चलती है, तो ये समझ में नहीं आता ये कि साथ में भी आते हैं कई बार और कंपीट भी करते हैं, तो इनका ग्रुप का बिहेवियर समझना बड़ा मुश्किल है। और लास्ट है बेटा किंक्ड डिमांड, किंक यानी कि बेंट, ठीक है। यहाँ पर ड्यूअल इलास्टिसिटी आती है, ड्यूअल इलास्टिसिटी आती है। इनिशियली देखो ऊपर के साइड क्या आ रहा है बेटा, मोर इलास्टिक है, और नीचे के साइड क्या है, लेस इलास्टिक है। तो भैया यहाँ पे डिमांड का डिटरमाइन करना मुश्किल है, इनडिटर्मिनेटनेस है, रिजिडिटी है बेटा, ये प्राइस रिजिडिटी है, प्राइस रिजिडिटी। स्वीजी मॉडल, दो वर्ड और ऐड कर लो बेटा, ऑलिगोपॉली में फ्यू सेलर हैं, एक दूसरे के ऊपर इनके डिसीजन डिपेंडेंट है, ये बेटा प्राइस वॉर नहीं करते हैं, एडवर्टीजमेंट पे खर्चा ज़्यादा करते हैं, जनरली नो एक्सेप्टेड ग्रुप बिहेवियर थे, कभी साथ में भी आते हैं कभी लड़ते भी हैं, प्राइस रिजिडिटी, स्टिकीनेस है बेटा, इनडिटर्मिनेटनेस है, किंग डिमांड कर बनता है। सर क्या बोलता है किंग डिमांड? देखिए लेट से बेटा तीन फर्म है ए बी सी, तो क्या बन गया ऑलिगोपॉली। प्राइस है कमोडिटी का 100, 100 और 100, क्वांटिटी बिकती है बेटा 1000, 1000, 1000। अब जरा ध्यान देना, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं रिड्यूस कर रहा हूं प्राइस, प्राइस क्या कर रहा हूं बेटा, मैं कम कर रहा हूं। अब मेरे प्राइस कम करने से क्या हो गया, मैंने प्राइस कर दिया 90, बाकी लोगों को डर लगा कि सारे कस्टमर उठ के आदित्य सर के पास चले जाएंगे, तो उन्होंने भी क्या कर दिया, प्राइस कम कर दिया, प्राइस कम कर दिया। अब पूरे मार्केट में प्राइस कम हो गया, क्या मेरे को कुछ फ़ायदा मिला, क्या मेरी डिमांड में ज़्यादा चेंज आया प्राइस कम करने पर, नो, या फिर लेस चेंज आया। लेकिन अगर मान लो मैं प्राइस बढ़ा देता तो ये लोग प्राइस ही नहीं बढ़ाते, क्यों नहीं बढ़ाते, बोलते अरे मूर्ख तूने प्राइस बढ़ा दिया, अब तेरे कस्टमर भी हमारे पास टूट के आएंगे। तो एक्चुअली हुआ ये कि मेरे कस्टमर टूट के इनके पास चले गए, तो क्या मेरे प्राइस इंक्रीज करने पर मोर चेंज देखने को मिला? यस। इसलिए बेटा ये ग्राफ वही बताता है आपको, प्राइस बढ़ाने पर ज़्यादा चेंज देखने को मिलता है, मोर इलास्टिक, और प्राइस कम करने पर कम चेंज देखने को मिलता है, लेस इलास्टिक। ये किंग डिमांड कर वही बोलता है। और सर किंक कहाँ पर फॉर्म होता है? किंक यहाँ पर फॉर्म होता है। प्राइस अगर आप बढ़ा दोगे ना, तो भैया आप अकेले ही प्राइस बढ़ा रहे हो, बाकी के लोग प्राइस बढ़ा नहीं रहे, आपके कस्टमर उल्टा टूट के दूसरे के पास चले जाएंगे, आपकी डिमांड में भयंकर चेंज देखने को मिलेगा। तो भैया ज़्यादा प्राइस पे मोर इलास्टिसिटी, और अगर मैं प्राइस रिड्यूस कर दूँ तो बाकी लोग भी रिड्यूस कर रहे हैं, मुझे लगा था मुझे फ़ायदा होगा पर बाकी उन्होंने प्राइस रिड्यूस कर लिया, फ़ायदा मुझे हुआ ही नहीं। तो प्राइस गिराने पर ज़्यादा चेंज नहीं देखने को मिलेगा डिमांड में, पर प्राइस बढ़ाने पर ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा, इसलिए यहाँ पर ड्यूअल इलास्टिसिटी आती है। इसलिए इलास्टिसिटी डिटरमाइन करना मुश्किल है, इसलिए बोलते हैं इनडिटर्मिनेटनेस। तुषार, एवरीबॉडी, हेलो भैया, सोए हैं, मैं पहुँचा तब तक तो सोए थे। ओके बेटा, तो बिजनेस साइकिल की शुरुआत करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस साइकिल? बेटा बिजनेस साइकिल का मतलब हमारे बिजनेस में आने वाले उतार चढ़ाव नहीं है। बिजनेस साइकिल इज बेसिकली अ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर। बिजनेस साइकिल बात करता है बेटा एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी की।
सो व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस साइकिल, हाउ डू यू डिफाइन बिजनेस साइकिल? सो बिजनेस साइकिल मीन्स एग्रीगेट एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, रिदमिक फ्लक्चुएशन, अप्स एंड डाउन इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी. बच्चा पार्टी ये एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करता है. सो दिस इज नॉट बेसिकली अ माइक्रो फैक्टर बट अ मैक्रो वन. सो यस डियर लवली स्टूडेंट, बिजनेस साइकिल को प्यार से ट्रेड साइकिल भी कहा जाता है. और बेटा बिजनेस साइकिल के अंदर होता क्या है, ऑल्टरनेटिव एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है. सो दिस रिदमिक फ्लक्चुएशन, ऑल्टरनेटिव एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी इज कॉल्ड एज बिजनेस साइकिल. तो पढ़ते हैं बेटा बिजनेस साइकिल क्या होता है. बिजनेस साइकिल रेफर टू ऑल्टरनेटिव एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी रिफ्लेक्टेड इन GDP, GNP, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम. बोल रहे हैं कि सर कहाँ कहाँ अफेक्ट पड़ता है, सभी पे अफेक्ट पड़ता है, GDP, GNP, नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट रेट, सब जगह. बेटा बिजनेस साइकिल के चार फेजेस होते हैं. सबसे पहला है एक्सपांशन, जिसे अपस्विंग भी बोला जाता है बेटा, वैसे बूम भी कहा जाता है, पर हमारी इंस्टीट्यूट बेटा एक्सपांशन अपस्विंग बूम. अब देखिए बेटा हमारी इंस्टीट्यूट क्या करती है, कई बार बूम को पीक की तरह कंसिडर करती है, कई बार एक्सपांशन की तरह कंसिडर करती है. बराबर है कि नहीं? मैंने आपको बताया था एक्सपांशन को अपस्विंग भी बोलते हैं बेटा और बूम भी कहा जाता है. करेक्ट तो बूम ही है, लेकिन कई बार हमारी इंस्टीट्यूट पीक को बूम रेफर कर देती है. समझ रहे हैं आप मेरी बात? सर वॉइस वॉइस हेलो हेलो मैंने वॉइस मैसेज में कहा था, पूरा सुन, कि भैया स्पेशल क्लास में मैंने अनाउंसमेंट कर दी थी कि मैं 10:15 आने वाला हूँ. यस, तो बेटा अधिकतर जगह पीक को ही इन्होंने बूम बोला है, तो याद रखना. ऑल्दो गूगल आप करेंगे तो बूम का मतलब एक्सपांशन होता है, पर अभी भूल जाइए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो चार फेजेस है बिजनेस साइकिल के. पहला है एक्सपांशन बेटा, जिसे अपस्विंग भी बोला जाता है, पीक को प्रॉस्पेरिटी या बूम भी बोला जाता है, कॉन्ट्रैक्शन, डाउनस्विंग, रिसेशन, और लास्ट है ट्रॉफ और डिप्रेशन. बेटा एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन ये दो फेजेस हैं, जबकि पीक और ट्रॉफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट है रिस्पेक्टिवली. इन हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट को कलेक्टिवली टर्निंग पॉइंट भी कहा जाता है. सो बेसिकली देयर आर फोर फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल. अभी हमने MCQ भी देखे थे. देयर आर बेसिकली फोर फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल. एक्सपांशन जिसे अपस्विंग कहा जाता है, कॉन्ट्रैक्शन जिसे डाउनस्विंग या रिसेशन कहा जाता है, हाईएस्ट पॉइंट को बेटा पीक प्रॉस्पेरिटी बूम बोला जाता है, और जो लोएस्ट पॉइंट है उसे ट्रॉफ बोला जाता है. पीक और ट्रॉफ को कलेक्टिवली टर्निंग पॉइंट भी कहा जाता है. अब बात करते हैं पीरियड ऑफ गुड ट्रेड की. गुड ट्रेड में क्या होता है, सब कुछ बढ़ता है बेटा, डिमांड बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, कमोडिटी के प्राइजेस भी बढ़ते हैं. कमोडिटी के प्राइजेस बढ़ना सर अच्छी बात थोड़ी है बेटा. अगर आपके पास पैसा है, एम्प्लॉयमेंट है, तो बड़ी भी कमोडिटी भी आपको बॉदर नहीं करेगी. पर पीरियड ऑफ बैड ट्रेड देखिए बेटा, यहाँ पर बेटा डिमांड कम होती है, प्रोडक्शन कम होता है, एम्प्लॉयमेंट कम होती है, जॉब कम है लोगों के पास, और प्राइजेस भी कम है. नाउ यू विल से फॉलिंग प्राइस इज गुड, बट बेटा फॉलिंग प्राइस अच्छा नहीं है अगर आपके पास पैसे ही नहीं है तो. अरे भैया देखिए, गुड ट्रेड के अंदर आपके पास एम्प्लॉयमेंट है, लो अनएम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉयमेंट है, तो बड़े वे दामों से भी आपको फर्क नहीं पड़ता, ये ठीक है, चल जाएगा, अच्छा है. लेकिन बैड ट्रेड में प्राइजेस गिर रहे हैं लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट भी है, कैसे अफोर्ड कर पाओगे, गिरे हुए दाम पर भी आप नहीं खरीद कर पाओगे, तो बेटा बैड ट्रेड. ठीक है, नाउ लेट स्टडी फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल. देखिए बिजनेस साइकिल के फीचर्स एग्जाम में आते हैं. बिजनेस साइकिल अकर्स पीरियोडिकली, मतलब बिजनेस साइकिल आता ही आता है, पर ये कब आएगा, किस रेगुलैरिटी पर आएगा, क्या फ्रीक्वेंसी रहेगी, क्या ड्यूरेशन रहेगा, क्या इंटेंसिटी रहेगा, क्या ईच लेंथ सेम फेज की रहेगी, क्या इनकी इंटेंसिटी हर फेज की सेम रहेगी, कुछ नहीं कहा जा सकता. बस ये पता है वो पीरियोडिकली आते हैं, एक समय के बाद आते हैं. हो सकता है एक बिजनेस साइकिल 10 साल में हो जाए, हो सकता है 4 साल में, हो सकता है 20-20 साल चले.
सो बिजनेस साइकिल विल कम पीरियोडिकली बट दे डू नॉट कम रेगुलरली. रेगुलैरिटी नहीं है इनमें. रेगुलैरिटी ना होने का मतलब क्या बेटा? रेगुलैरिटी ना होने का मतलब यह है कि भैया हर 3 साल में आ रही, हर 6 साल में आ रही, हर 20 साल में आ रही, ऐसा है क्या? नहीं है. तो बिजनेस साइकिल पीरियोडिकली आएगा बट रेगुलैरिटी नहीं. ड्यूरेशन भी इसकी वेरी करेगी. हो सकता है बेटा एक्सपांशन लंबा चले, कॉन्ट्रैक्शन छोटा ही चले. ड्यूरेशन देखो वेरी कर सकती है. अगली बिजनेस साइकिल बहुत छोटी रहे, उसके बाद वाली बिजनेस साइकिल बहुत लंबी रहे बेटा. तो ड्यूरेशन भी पता नहीं, उनकी हाइट यानी इंटेंसिटी भी हमको पता नहीं कितनी रहेगी, कम रहेगी या ज़्यादा रहेगी. लेंथ एक फेस की पता नहीं, ये देखिए ये फेस कितना बड़ा है, ये फेस कितना छोटा है, बता नहीं सकते कुछ भी. सो ड्यूरेशन वेरी, इंटेंसिटी वेरी, लेंथ वेरी, सब कुछ वेरी करता है. मुझे आपके कमेंट क्यों नहीं दिख रहा है? आप कर ही नहीं रहे कमेंट. ओके. बिजनेस साइकिल जनरली ओरिजिनेट्स इन फ्री मार्केट इकोनॉमी. देखो क्या कह रहे हैं, बिजनेस साइकिल जनरली, इसका मतलब ये नहीं कि सोशलिस्ट इकोनॉमी या मिक्स्ड इकोनॉमी में नहीं आएगा, आएगा, बट सबसे जल्दी कहाँ पर आता है? फ्री मार्केट इकोनॉमी. क्योंकि फ्री मार्केट इकोनॉमी यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अनप्लान्ड इकोनॉमी है. प्लान्ड इकोनॉमी में आपको इम्यून किया जा सकता है, इंसुलेट किया जा सकता है, बचाया जा सकता है. यानी सोशलिज्म में इम्पैक्ट कम किया जा सकता है, पर सबसे पहला इम्पैक्ट सोशलिज्म सॉरी कैपिटलिज्म में आता है, यानी कि फ्री मार्केट इकोनॉमी में. सो भैया बिजनेस साइकिल जनरली, इसका मतलब ये नहीं है कि सोशलिज्म और कैपिटलिज्म सॉरी सोशलिज्म और मिक्स्ड में नहीं आता. कैपिटलिज्म में आता है, जनरली आता है, लेकिन सोशलिज्म में भी आ सकता है, मिक्स्ड में भी आ सकता है. इट इज़ परवेजिव. परवेजिव का मतलब क्या है? अगर मान लो बिजनेस साइकिल एक सेक्टर से शुरू हुआ, रिसेशन या एक्सपांशन एक सेक्टर से शुरू हुआ, तो वो सभी सेक्टर्स में ग्रेजुअली ट्रांसमिट हो जाएगा, फैल जाएगा. देखिए वैसे बिजनेस साइकिल तो सभी बिजनेसेस को अफेक्ट करता है, बट नॉन ड्यूरेबल एंड एग्री इनको सबसे कम इम्पैक्ट डालता है. दूसरी ओर बेटा ड्यूरेबल एंड कैपिटल गुड्स इनको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है. मोस्ट ड्यूरेबल गुड्स यानी टीवी, कार, फ्रिज, आप अपनी परचेसेस को पोस्टपोन या प्रीपोन कर लेते हो. अगर रिसेशन चल रहा है तो पोस्टपोन कर लेते हो, अच्छा टाइम चल रहा है तो प्रीपोन कर लेते हो. और कैपिटल बेटा, कैपिटल मतलब बड़े प्लांट एंड मशीनरी, या रिसेशन चल रहा है बंद कर देते हो, एक्सपांशन चल रहा है खरीदते हो. पर नॉन ड्यूरेबल गुड्स और एग्री को फ़र्क नहीं पड़ता. इसके अलावा बेटा सर्विस इंडस्ट्री को भी कुछ खासा फर्क पड़ता नहीं है, समझ गए? ऑल्दो ऑल सेक्टर्स आर अफेक्टेड बाय बिजनेस साइकिल, सम सेक्टर्स सच एज कैपिटल सेक्टर एंड ड्यूरेबल गुड्स आर मोर अफेक्टेड. मोर ओवर कंपेयर टू एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आर मोर प्रोन. मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को ज़्यादा फर्क पड़ता है, एग्री को फर्क नहीं पड़ता है. हाय श्रद्धा. बिजनेस साइकिल एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, इसको समझना बड़ा ही कठिन है. इट इज़ एक्सीडिंगली कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, इसको समझना मुश्किल है. इट इज़ डिफिकल्ट टू मेक एक्यूरेट प्रेडिक्शन अबाउट टाइमिंग. हमको ये पता है कि बिजनेस साइकिल आएगी, पर कब आएगी ये पता नहीं. क्या इंटेंसिटी क्या आएगी पता नहीं, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी की होगी पता नहीं, ड्यूरेशन कितना रहेगा पता नहीं, कब आने वाला है पता नहीं. जब हमें अनसर्टेनिटीज ही ज़्यादा है तो ये चीज़ बन जाती है कॉम्प्लेक्स. हमें कौन सी चीज़ से डर लगता है बेटा? जिस चीज़ के बारे में हमको समझ नहीं है, तो बस वही. ये कॉम्प्लेक्स इसलिए हो जाता है क्योंकि सर्टेनिटी नहीं है इसमें. ठीक है. रिपरकशन ऑफ बिजनेस साइकिल आर फेल्ट इन ऑल इकोनॉमिक वेरिएबल. रिपरकशंस का मतलब होता है इम्पैक्ट. क्या बिजनेस साइकिल के इम्पैक्ट हर जगह देखे जा सकते हैं? यस. जीडीपी पर देखा जा सकता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे देखा जा सकता है, एम्प्लॉयमेंट पे देखा जा सकता है, इंटरेस्ट रेट पर देखा जाता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे देखा जा सकता है. सभी इकोनॉमिक फैक्टर, सभी इकोनॉमिक वेरिएबल इम्पैक्ट होते हैं. हाँ, ओएमआर शीट पे श्रीकांत, तू तो वर्किंग नोट बना सकता है बेटा, तू ड्राइंग भी बना सकता है, तू कुछ भी कर सकता है, तेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता, तू कर लेना. जवाब दे दिया कि वो ओएमआर शीट पे, सिर्फ श्रीकांत ही ओएमआर शीट पे बना सकता, बाकी बच्चे आप मत करना. तू वर्किंग नोट बना बेटा, तू आर्किटेक्ट का नक्शा बना, तू इंडिया का मैप बना, तू वर्ल्ड पॉलिटिक्स लिख उसके ऊपर, तू पोएट्री लिख, देखो सब चलेगा. बाकी बच्चे क्या हैं? वो ऑर्डिनरी बच्चे हैं, बाकी ऑर्डिनरी हैं.
तू एक्स्ट्रॉर्डनरी, तेरे लिए सब चलेगा, यू आर एक्सेप्शनल, बॉर्न एक्सेप्शनल। आई विल अप्लाई। अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आयुष कौन है? इस आयुष को भी ब्लॉक कर दो। चलो मैंने तो हटा दिया, पता नहीं वो किसको बोल रहा है, किसको, किसके लिए अब्यूजिव वर्ड यूज़ कर रहा है, पता नहीं किसके लिए कर रहा है, पर अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने ब्लॉक कर दिया। ठीक है जी, ओके बेटा। रिपरकशंस मतलब बिजनेस साइकिल के इम्पैक्ट हर सेक्टर में देखे जा सकते हैं। बिजनेस साइकिल कंटीजियस है, यानी फैलता है, और ये इंटरनेशनल इन कैरेक्टर है, यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी जाता है। बिजनेस साइकिल से लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और वेलबींग पे काफ़ी इम्पैक्ट होता है। रिसेशन में लोगों की हालत ख़राब हो जाती है, खस्ता हो जाती है, और बेटा एक्सपांशन में दे ग्रो, कोई बात नहीं। ठीक है, बताइए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, एन तक कोई डाउट है आपको तो मुझसे पूछिए। समझ में आ गया, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। देर आर बेसिकली फोर फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, यू नो, एक्सपांशन अपस्विंग, पीक प्रॉस्पेरिटी बूम, कॉन्ट्रैक्शन डाउनस्विंग, ट्रॉफ यानी कि डिप्रेशन। लेट्स टॉक अबाउट एक्सपांशन। एक्सपांशन में बेटा सारी एक्टिविटीज बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, प्राइजेस बढ़ते हैं, अच्छी बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्राइजेस बढ़ने से आपको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है तो ठीक है। फिर बेटा नेशनल इनकम बढ़ती है, जीडीपी बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, ये एक फीचर है देखना, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, क्योंकि अब भैया हर कोई एक्सपांशन फेज में है, तो बैंक से लोन मांगेगा, क्रेडिट मांगेगा, बैंक के लोन की डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ने से प्राइस यानी इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, पर कोई बात नहीं, बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहता है और ये स्टेज चलता जाता है। बेटा ये स्टेज के अंदर ना इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट जीरो रहती है, मतलब आप काम करना चाहते हो और आपके पास काम नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है। आप काम नहीं करना चाहते हो और आप निकम्मे आवारा बैठे हो, कंटीजियस यानी कि जो चीज़ फैलती है, हम बोलते हैं ना ये कंटीजियस डिसीज़ है, फैलने वाली, तो उसी तरह से बिजनेस साइकिल भी बेटा फैलता है। देखिए बेटा इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि सर आप काम करना चाहते हो और हमारे पास काम नहीं है, ऐसे सिचुएशन यहाँ पर नहीं है। जो छोटी मोटी अनएम्प्लॉयमेंट है या तो स्ट्रक्चरल है या तो फ्रिक्शनल है। फ्रिक्शनल यानी कि या तो आप जॉब चेंज कर रहे हो या तो आपका प्रमोशन डिमोशन हो गया, सिंपल सेंस में। और यहाँ पे लोगों का बेटा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई रहता है। बट ये स्टेज कब तक चलता है? ये स्टेज चलता है बेटा फुल एम्प्लॉयमेंट तक। एक बार फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो गई, अब एक्चुअल डिमांड रुक जाती है, एक्चुअल डिमांड स्टैग्नेट, हम पीक पर पहुंच जाते हैं। सो एक्सपांशन के फीचर देखिए, नेशनल आउटपुट बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, डिमांड बढ़ता है, कैपिटल एंड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर बढ़ता है, सेल्स, प्रॉफिट, स्टॉक प्राइसेस, बैंक क्रेडिट सब बढ़ता है। ये स्टेज कंटिन्यू होता है फुल एम्प्लॉयमेंट तक और प्रोडक्शन मैक्सिमम पॉसिबल कैपेसिटी पे चलता है। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इज जीरो। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब मैंने आपको क्या बोला, सर हम काम करना चाहते हैं पर फिर भी हमारे पास काम नहीं है, ऐसी सिचुएशन यहाँ पर नहीं है। जो भी अनएम्प्लॉयमेंट छोटी मोटी आपको दो चार लोग देखने को मिल रहे हैं, या तो काम नहीं करना चाहते इसलिए निकम में बैठे हैं, या तो बेटा उनका जॉब चेंज हो रहा है, या तो उनकी पोजीशंस चेंज हो रही है। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इज जीरो एंड वॉट एवर अनएम्प्लॉयमेंट इज देयर इज आइदर फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल। प्राइजेस भी बढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है, अच्छे दिन चल रहे हैं, इंक्रीजिंग प्रॉस्पेरिटी एंड पीपल इंजॉय हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ड्यू टू हाई लेवल ऑफ स्पेंडिंग, बिजनेस कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रॉफिट सेविंग इन्वेस्टमेंट सब बढ़ता है, अच्छे दिन चल रहे हैं। लेकिन बेटा ये स्टेज रुक जाता है पीक पर पहुंच के। सो पीक क्या है?
पीक इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल, यहाँ पर बेटा डिमांड मैक्सिमम पे रहती है, प्रोडक्शन मैक्सिमम पे रहता है, एम्प्लॉयमेंट मैक्सिमम पे रहती है, बट दिस इज मैक्सिमम, इसके बियॉन्ड आप जा नहीं सकते. सो पीक रेफर टू द हाईएस्ट और टॉप पॉइंट ऑन बिजनेस साइकिल, ऑल्सो रेफर्ड एज बूम, ऑल्सो रेफर्ड एज प्रॉस्पेरिटी. आउटपुट प्राइजेस बढ़ते हैं बेटा, इससे एक बहुत बड़ा नुकसान होता है. पीक पर पहुंचने पर हमको क्या लगता है, इकोनॉमी और बढ़ेगी. देखिए मैक्सिमम पहुंच गई, हमें लगता है ये और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी, एक्सेप्शन टू व्हाइट कॉलर जॉब बेटा, हमें लगता है और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी. तो हम लोग क्या करते हैं, इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करके रख देते हैं, खर्चा करके रख देते हैं. हम लोग बेटा रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं, हम बड़े बड़े घर वगैरह लेकर रख लेते हैं, हम बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ईएमआई पर ले लेते हैं. हमें लगेगा अभी ग्रोथ आएगी आएगी आएगी, सबको पता है आएगा आएगा आएगा, पर नहीं आता है बेटा. तो इससे प्रॉब्लम क्या होता है, आपने इतने बड़े खर्चे पाल लिए, हाथी पाल रखा है बेटा आप लोगों ने, तो अब तो क्या होगा, आप लोगों के ऊपर प्रेशर पड़ेगा. आउटपुट प्राइजेस राइजेस शार्पली लीडिंग टू इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड ग्रेटर स्ट्रेन ऑन फिक्स्ड इनकम अर्नर. फिक्स्ड इनकम अर्नर को बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है. सर मेरा अकाउंट्स मैथ्स और लॉ पढ़ के नहीं हुआ है, तो क्या मैं पास हो सकता हूँ सीए इंटर में? इसका मतलब तू फाउंडेशन तो क्लियर कर ही लेगा, है ना? इससे ये समझ में आ रहा है कि फाउंडेशन तो क्लियर कर ही लेगा. बहुत बहुत कठिन सवाल पूछा है तूने, मेरे को लगता है तूने अब सीधा फाइनल की एग्ज़ाम देनी चाहिए. सीए फाइनल की एग्ज़ाम दे दे बेटा, मैं क्या बोल दूँ, यूपीएससी क्यों नहीं ट्राई करता. चलो आगे बढ़ता है. अब कॉन्ट्रैक्शन, अब गिरने की बारी बेटा, गिरने की बारी. कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन फेज में क्या होता है, एक्सपांशन तो रुक गया. अब बेटा आपने जो प्लांट एंड मशीनरी के ऑर्डर दे रखे थे, रॉ मटेरियल के ऑर्डर दे रखे थे, किसी काम के नहीं. क्यों काम के नहीं है साहब, सर क्यों काम के नहीं? अरे सर डिमांड गिर गया है, प्रोडक्शन गिर गया है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रहा है, ऑलरेडी ओवर स्टॉक पड़ा है हमारे पास, यही बिक नहीं रहा है, नया वाला प्रोडक्शन क्या करें, नए रॉ मटेरियल के ऑर्डर कैंसिल कर दिए जाएंगे बेटा, प्लांट एंड मशीनरी के ऑर्डर कैंसिल कर दिए जाएंगे. बैंक वाले बोलेंगे पैसा लो हमसे, आप बोलोगे नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, बैंक का इंटरेस्ट रेट भी गिरना चालू हो जाएगा, ये सारी चीज़ें चालू होगी. अब इकोनॉमी डिक्लाइनिंग फेज में चली जाएगी, ठीक है. यहाँ पर आपके पास एक्सेस कैपेसिटी रहेगी, एक्सेस कैपेसिटी मतलब आपके पास कैपेसिटी ज़्यादा है लेकिन आप प्रोडक्शन कम करोगे. क्यों? क्योंकि भाई गिर रही है ना इकोनॉमी. ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन देयर इज फॉल इन लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट. इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रहे, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है. सप्लाई एक्सीड्स डिमांड, देखिए क्या हो जाता है, सप्लाई एक्सीड्स डिमांड. इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी होना चाहिए. सप्लाई बहुत बढ़ जाता है, डिमांड तो उतनी है, तो प्राइस कम हो जाता है बेटा. सप्लाई एक्सीड्स डिमांड, दिस इनिशियली हैपन्स इन फ्यू सेक्टर एट स्लो पेस, बट लेटर पूरी इकोनॉमी फैल जाता है. जैसे कोविड का भी देखा था बेटा आपने, पहले दो चार केसेस बढ़ रहे थे, बाद में दिन के लाख लाख बढ़ना चालू हो गए थे. तो पहले स्लो पेस से स्टार्ट होता है, फिर बाद में तेजी से बढ़ता है. अटक रहा है क्या, क्या मेरे साइड से अटक रहा है? अच्छा तो मेरा इंटरनेट यहाँ से शुरू हुआ, एक सेकेंड. छोड़ो मैं मेरे मोबाइल पे कनेक्ट करता हूँ. झूठू
ठीक है जी, ओके पढ़िए। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन देर इज फॉल इन इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, सप्लाई एक्सीड्स डिमांड, प्रोड्यूसर होल्ड बैक, रोक लेते हैं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, कैंसिल कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं ऑर्डर, इनपुट का, लेबर का, कैपिटल का। बेटा इससे क्या हो जाता है, डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड गिरने से बेटा प्राइजेस भी गिरना चालू हो जाते हैं, ठीक है, डिमांड पुल, डिक्रीज इन इनपुट डिमांड, पुल इनपुट प्राइस डाउन, आप लोगों को निकालना चालू कर देते हो, वेज रेट कम करना चालू कर देते हो, इकोनॉमी अब स्लाइड कर रही है बेटा धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर, द प्रोसेस ऑफ रिसेशन इज कंप्लीट एंड इकोनॉमी इज ड्रिफ्टेड इनटू फेस ऑफ रिसेशन, अब इकोनॉमी चली जाएगी रिसेशन में, बिल्कुल अभी खत्म होने दो फिर बता रहा हूँ। फिर बेटा ट्रॉफ या फिर डिप्रेशन, ट्रॉफ डिप्रेशन में क्या होता है, एक्सट्रीमली स्लगिश इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब एकदम लोएस्ट पॉइंट पर रहती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एकदम स्लो रहती है बेटा, यहाँ पर जीडीपी एकदम स्लो रहती है और ग्रोथ रेट नेगेटिव है, प्रोडक्शन नेगेटिव नहीं होगा, ग्रोथ रेट नेगेटिव होगी, मतलब पिछले साल 12% से बढ़े थे, इस बार 3% से बढ़ रहे हैं, ग्रोथ रेट नेगेटिव है, प्रोडक्शन नेगेटिव नहीं हो सकता। सो डिप्रेशन का मतलब सीवियर फॉर्म ऑफ रिसेशन, ये आया था एमसीक्यू 2-3 बार बेटा, ये एमसीक्यू 2-3 बार आया था, आपने देखा है, रिसेशन का मतलब होता है सीवियर फॉर्म ऑफ, सॉरी डिप्रेशन का मतलब होता है सीवियर फॉर्म ऑफ रिसेशन, जब रिसेशन भयंकर हो जाता है तब डिप्रेशन या ट्रॉफ आता है, एंड इज कैरेक्टराइज बाय एक्सट्रीमली स्लगिश इकोनॉमिक एक्टिविटी, स्लगिश यानी कि एकदम लोएस्ट, ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ बिजनेस साइकिल ग्रोथ रेट नेगेटिव होती है, याद रखना प्रोडक्शन, प्रोडक्शन नेगेटिव नहीं हो सकता, प्रोडक्शन नेगेटिव कैसे होगा, प्रोडक्शन या तो नहीं होगा या तो कम होगा, नेगेटिव नहीं होगा, ग्रोथ रेट नेगेटिव होती है, नेशनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर गिरता है, डिमांड फॉर प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज लोएस्ट पर है बेटा, और कुछ तो भैया शटडाउन कर देते हैं, ये एमसीक्यू एग्जाम में आता है, टिपिकल फीचर ऑफ डिप्रेशन इज फॉल इन इंटरेस्ट रेट, अगर आपसे पूछा जाए फॉल इन इंटरेस्ट रेट किसका फीचर है, तो कॉन्ट्रैक्शन का भी है, डिप्रेशन का भी है, बट आप डिप्रेशन लिखेंगे क्योंकि ये लाइन लिखी है, इंपॉर्टेंट लाइन है, सो फॉल इन इंटरेस्ट रेट इज टिपिकल फीचर ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, फॉल इन इंटरेस्ट रेट याद रखना स्पेसिफिकली, लार्ज नंबर ऑफ बैंक्रप्सी एंड लिक्विडेशन, कंपनियों का दिवाला निकल जाता है। सर इकोनॉमी रिकवर कैसे करेगी, जैसे इकोनॉमी एंडलेसली बढ़ नहीं सकती वैसे इकोनॉमी एंडलेसली गिर नहीं सकती, रिकवरी चालू हो जाएगी बेटा इकोनॉमी के अंदर, आप देखेंगे ट्रॉफ पे पहुंचने के बाद रिकवरी चालू हो जाएगी, रिकवरी जो है वो सबसे पहले लेबर क्लास देखेगा, लेबर क्लास बेटा कम रेट में भी, कम वेज रेट में भी काम करने के लिए रेडी हो जाएगा, बैंक भी ऑलरेडी देखो लोएस्ट इंटरेस्ट रेट चालू है 3% 4%, तो बैंक भी इंटरेस्ट पे पैसा देने के लिए रेडी है लो इंटरेस्ट रेट पे, सप्लायर भी बोलता है कम रेट में माल लेकर जाओ, तो रॉ मटेरियल सस्ते में मिला, लैंड सस्ते में मिला, लेबर सस्ते में मिला, इंटरेस्ट पे बेटा पैसा यानी कि आप लोगों को कैपिटल भी सस्ते मिला, लैंड लेबर कैपिटल तीनों में सस्ते पड़ा मेरे को, एंटरप्रेन्योर मैं कम से कम प्रॉफिट में काम करने के लिए रेडी हूँ, तो बेसिकली मेरे जो भी चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनकी कॉस्ट लीस्ट है, अब बेटा कॉस्ट लीस्ट है प्रॉफिट भी लीस्ट है तो सेलिंग प्राइस भी लोएस्ट रहेगी। अब ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी में किसी को भी कमोडिटी की जरूरत नहीं, सब भूखे मरने वाले, ऐसा नहीं होता, तो बेटा सेलिंग प्राइस भी ऑलरेडी लोएस्ट पर है, तो काफ़ी लोग अब बाय करना चालू कर देते, तो बोलते थे ये कमोडिटी मुझे परचेस करनी थी आज नहीं तो कल करनी थी, पर इतने कम रेट में मिलते चलो ले लेते हैं, तो पूरा ये रिवर्सल कहाँ से स्टार्ट होता है, रिवर्सल स्टार्ट होता है लेबर क्लास से, इकोनॉमिक एक्टिविटी रीचेस ट्रॉफ एंड देन स्टार्ट्स रिकवरिंग, मार्क्स द एंड ऑफ पेसिमिज्म एंड बिगिनिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म, नकारात्मकता खत्म सकारात्मकता शुरू। सबसे पहले इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, सबसे पहले रिवर्सल कहाँ पे फील होगा, लेबर मार्केट में, वर्कर विल एक्सेप्ट वेजेस लोअर देन एग्जिस्टिंग रेट, बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, बैंक आप लोगों को पैसा देना चालू करेगा और धीरे धीरे इकोनॉमी रिकवर करती जाएगी। लैंड इज इमोबाइल, यस जियोग्राफिकली लैंड इज इमोबाइल, बट लैंड इंक्लूड्स ऑल द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, एनीथिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ, अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ, इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल, हम उसकी भी बात करें। नाउ बेसिकली लेट्स टॉक अबाउट इंडिकेटर,
इंडिकेटर क्या होते हैं बेटा? इंडिकेटर वो होते हैं जो इकोनॉमी के अंदर जो चेंजेस आने वाले हैं उसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं। सो इंडिकेटर तीन टाइप के होते हैं, लीडिंग, लैगिंग, कंकरेंट। अगर मान लो कोई ऐसे वेरिएबल है, कोई ऐसे फैक्टर हैं जो चेंज होने से पहले ही आपको बता दें, रियल चेंज होने के पहले ही आपको बता दें, उन्हें बोला जाता है लीडिंग इंडिकेटर। सो दीज आर द मेजरेबल इकोनॉमिक वेरिएबल, ये ऐसे फैक्टर है जिन्हें आप मेजर कर सकते हो, समझ सकते हो, जो इकोनॉमी में चेंज आने से पहले ही बता दें, उसको बोला जाता है लीडिंग। लैगिंग वो होता है जो इकोनॉमी में चेंज आ जाए उसके बाद बताते हैं, दीज आर कॉल्ड एज लैगिंग। और कंकरेंट क्या होता है? मोर और लेस सेम टाइम पर ही, जब चेंजेस हो रहे हैं उसी टाइम पे आपको पता चल जाए, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आ सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एग्जाम्पल से मैं लिखवा देता हूँ। तीन टाइप के इंडिकेटर होते हैं। पहला पढ़ते हैं लीडिंग। इट इज़ अ मेजरेबल इकोनॉमिक फैक्टर दैट चेंजेस बिफोर द इकोनॉमी स्टार्ट टू फॉलो अ पर्टिकुलर पैटर्न और ट्रेंड। वेरिएबल दैट चेंज बिफोर द रियल चेंज, तो ये पहले चेंज होते हैं बेटा। लेकिन क्या होता है, लीडिंग इंडिकेटर आपको सिर्फ एक हिंट दे सकता है, ठीक है, एक अनुमान लगाया जा सकता है। तो काफ़ी एक्सपर्ट बोलते हैं कि एक्यूरेट नहीं होता है, इनकी टाइमिंग के ऊपर भी सवाल है। आप बोलते हैं भैया 2 साल में रिसेशन आ जाएगा, 5-5 साल बाद आता है। आप बोलते हैं एक्सपांशन आ जाएगा, आ ही नहीं रहा एक्सपांशन। तो भैया काफ़ी इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि लीडिंग इंडिकेटर मात्र आपको एक हिंट दे सकता है, कन्फर्मेशन नहीं दे सकता। और इसकी टाइमिंग को लेकर भी काफ़ी डिबेट है। हमको पता है एक्सपांशन के बाद कॉन्ट्रैक्शन आएगा, इसमें कोई भविष्यवाणी करने वाली बात नहीं, पर कब आएगा इसको लेकर काफ़ी चर्चा का विषय हो जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू श्रीकांत। इसका एग्जाम्पल लिखिए बेटा, इसका एग्जाम्पल है न्यू ऑर्डर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। ये दो इसके एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाते हैं, न्यू ऑर्डर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। ये दो ही याद रखो, बच्चे आपको याद नहीं रहेंगे। लैगिंग इंडिकेटर क्या होता है? सर इकोनॉमी में चेंज आ गया उसके बाद अब चेंज दिख रहा है मुझे यहाँ पे। सो बेटा लीडिंग इंडिकेटर हिंट देता है, लैगिंग इंडिकेटर कन्फर्म कर देता है। लीडिंग इंडिकेटर बोलता है शेयर आएगा, ये हिंट देता है, पर शेयर सच में आ गया तो लैगिंग इंडिकेटर है। सो द चेंज इन दिस इंडिकेटर आर ऑब्जर्वेबल ओनली आफ्टर द इकोनॉमी स्टार्ट्स फॉलोइंग द पैटर्न और ट्रेंड। तो वेरिएबल दैट चेंज आफ्टर, बेटा बिफोर है तो लीड कर रहा है, आफ्टर है तो लैग कर रहा है। इसके एग्जाम्पल आपसे इतने पूछे जाते नहीं हैं, एग्जाम्पल तो वैसे GDP वगैरह है। अब बात करते हैं कंकरेंट या कोइंसिडेंट इंडिकेटर। ये मोर और लेस मोटा मोटी उसी टाइम पर होते हैं बेटा, जब चेंजेस हो रहे हैं इकोनॉमी में तभी आप उसको रीड कर पा रहे हो। इट कोइंसाइड और अकर साइमल्टेनियसली, इट गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन मोर और लेस एट द सेम टाइम। इसके दो एग्जाम्पल ज़्यादा पूछे जाते हैं, एक तो पूछा जाता है GDP, एक पूछा जाता है रिटेल सेल्स और एक पूछा जाता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। GDP लैगिंग और कंकरेंट में दोनों आता है, पर आप कंकरेंट वाला याद रखो, ठीक है। मैंने आपको बताया कोई इंडिकेटर लीडिंग भी हो सकता है, लैगिंग भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, पर आप इसको यहाँ पर यूज़ करना। वो ज़्यादा करके आपसे ना ये दो और ये दो पूछते हैं। चलिए अब रोल और इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस साइकिल। सर बिजनेस साइकिल एक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है, मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन है। हमें क्या सर उससे, हम उसे कंट्रोल तो कर नहीं सकते, एग्रीगेट लेवल की बात है। हमें क्या उससे, बराबर है, अगर आप उसको चेंज नहीं कर सकते तो आप उसके अनुसार तो चेंज हो सकते हो, ठीक है, मतलब एडजस्ट तो कर सकते हो। तो देखिए
रोल या फिर इम्पोर्टेंस क्या है बिजनेस साइकिल का, आप अपने डिमांड का असेसमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस साइकिल को इंटरप्रेट करके आपको समझ में आ गया कि रिसेशन है, तो आप अपनी डिमांड गिरा दो ना प्रोडक्ट की, आपको पता है डिमांड कम आएगी, आप डिमांड एनालिसिस करो, डिमांड फोरकास्टिंग करो। याद है एक बैरोमेट्रिक मेथड सिखाया था मैंने डिमांड फोरकास्टिंग में, उसमें यही तो करते हैं। बैरोमेट्रिक मेथड ये मैक्रो इकोनॉमिक लीडिंग लैगिंग इंडिकेटर कंकरेंट इंडिकेटर की मदद से तो डिमांड निकालता है। तो बेटा आप अपने प्रोडक्ट की डिमांड का असेसमेंट कर सकते हो और डिमांड के अनुसार बेटा आप सेल्स फोरकास्ट कर सकते हो, प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल परचेज प्लान, वेजेस प्लान, ये सारे प्लान बना सकते हो। एक्सपांशन करना है या नहीं करना है इसका डिसीजन ले सकते हो। जैसे इकोनॉमी एक्सपांशन वाले फेज में तो आप एक्सपांड कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्शनरी फेज में आपको लगता है धंधा नहीं चलेगा एक्सपांशन मत करो। टू फ्रेम बिजनेस पॉलिसी, स्लो जब टाइम रहता है, स्लगिश टाइम रहता है ना, तब बिजनेस की पॉलिसीज बनानी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए ऐसा नहीं आएगा अनुष्का, अगर दोनों आ गया तो बोथ कर देना, वैसे ऐसा पूछेंगे नहीं। अच्छा देखिए पहले मैं आपको बताता हूँ, अनअकैडमी पर भी भयंकर गिफ्ट आते थे हमको, भयंकर गिफ्ट मतलब आप समझ जाओ इतने। लेकिन जब थोड़ी सी स्लगिश एक्टिविटी चालू हुई बेटा, ग्लोबली रिसेशन वगैरह आना चालू हुआ, तो अनअकैडमी ने कमर कस ली और बोला खर्चे कंट्रोल करेंगे, तो बिजनेस की पॉलिसी भी फ्रेम करी जाती है। अभी फिर देखो हम प्रॉफिटेबिलिटी की ओर बढ़ चुके हैं, बाय द टाइम आप ये मैराथन देख रहे होंगे 6 महीने बाद हम ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो चुके होंगे। तो बेटा उसमें क्या है, फिर अपनी पॉलिसी चेंज कर देंगे, एडुकेटर इंसेंटिव चालू कर देंगे। टू प्लान प्रोडक्शन, हम हमारे प्रोडक्शन को प्लान कर सकते हैं, रिसेशन में प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं करना चाहिए, एक्सपांशन में करना चाहिए। या फिर कई बार कुछ ऐसे प्रोडक्ट रहते हैं बेटा जो रिसेशन में चलते हैं, चीप क्वालिटी के गुड्स, तो रिसेशन है तो बढ़ाओ प्रोडक्शन, एक्सपांशन है तो रोक दो। कट होंगे ना बेटा। मार्केट एंट्री या प्रोडक्ट लॉन्च, बेटा मार्केट कंडीशन को देख के प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए। जैसे कोविड के टाइम किसी ने मूवी लॉन्च करी क्या? नहीं करी। किसी ने कार लॉन्च करी क्या? नहीं करी। पर लोगों ने वैक्सीन लॉन्च करी क्या? करी। मास्क लॉन्च किए क्या? करें। तो आपको प्रोडक्ट लॉन्च करना है या नहीं करना है, इसके डिसीजन ले सकते हो आप अपने प्रोडक्ट को ध्यान में रखते हुए। अब बेटा देखिए दो टाइप के बिजनेस होते हैं, एक होते हैं साइक्लिकल और एक होते हैं काउंटर साइक्लिकल। साइक्लिकल बिजनेस वो रहते हैं जो एक्सपांशन के दौरान बढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्शन के दौरान गिरते हैं। जैसे कि रेसिडेंशियल हाउस बिल्डिंग, हाउसिंग परमिट्स वगैरह हो गए, फैशन रिटेल हो गया, फिर बेटा ओवरसीज टूर ऑपरेटर हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें तभी चलती है जब एक्सपांशन हो और गिरती हैं जब कॉन्ट्रैक्शन हो। और उल्टे होते हैं काउंटर साइक्लिकल। काउंटर साइक्लिकल क्या होता है सर? काउंटर साइक्लिकल बेसिकली, ध्यान से सुनना, काउंटर साइक्लिकल बेसिकली वो होते हैं जो एक्सपांशन के दौरान गिरते हैं और कॉन्ट्रैक्शन के दौरान बढ़ते हैं। चीप क्वालिटी के गुड्स एक्सपांशन के दौरान लोग नहीं लेते हैं, बोलते हैं हमारे पास पैसा हम चीप क्वालिटी के क्यों लें, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन के टाइम इसकी डिमांड बढ़ जाती है, लोग बोलते हैं वैल्यू फॉर मनी है। सैनिटाइजर, सैनिटाइजर इज नॉट अ साइक्लिकल बिजनेस, सैनिटाइजर साइक्लिकल तो नहीं है, एक्सपांशन के टाइम बिक रहा है, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम नहीं, वो मेडिकल सिनेरियो था। तो देखिए बेटा साइक्लिकल बिजनेस वो होते हैं जिनका नसीब, जिनका फॉर्च्यून क्लोजली कनेक्टेड रहता है बिजनेस साइकिल से, ये एक्सपांशन के टाइम बढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्शन के दौरान गिरते हैं। हाउस बिल्डर, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रा, रेस्टोरेंट, ओवरसीज टूर ऑपरेटर, फैशन रिटेलर एक्स्ट्रा। काउंटर साइक्लिकल उल्टा चलता है। अब बेटा कॉजेस ऑफ बिजनेस साइकिल पे एक क्वेश्चन तो फिक्स्ड है, बिजनेस साइकिल के दो कॉजेस हो सकते हैं, या तो इंटरनल जिसे एंडोजीनस बोला जाता है और एक्सटर्नल जिसे एक्सोजीनस बोला जाता है। याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, एंडोजीनस और एक्सोजीनस। एंडोजीनस मतलब इंटरनल, एक्सोजीनस यानी एक्सटर्नल। इंटरनल वो होते हैं जो कंट्री के कंट्रोल में होते हैं, जैसे कि सर फ्लक्चुएशन इन डिमांड, फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, देन मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, मनी सप्लाई, साइकोलॉजिकल फैक्टर। तो याद ही कर लेना आपको भैया, फ्लक्चुएशन इन डिमांड हमारे देश में, हमारे देश में इन्वेस्टमेंट बदल रही है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बदल रही है, हमारे देश की गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल रही है, आरबीआई की पॉलिसीज बदल रही है, साइकोलॉजिकल फैक्टर, ये सारे के सारे इंटरनल के एग्जाम्पल हैं, एग्जाम में आएगा ही आएगा। और एक्सटर्नल देखिए, एक्सटर्नल में आता है वॉर, जो एक कंट्री के कंट्रोल में नहीं है, वॉर के बाद रिकंस्ट्रक्शन जो किसी कंट्री के कंट्रोल में नहीं है, टेक्नोलॉजिकल शॉक। टेक्नोलॉजिकल शॉक का मतलब क्या होता है बेटा? पूरे देश में इंटरनेट ही बंद हो गया, सब लोग, पूरी दुनिया में इंटरनेट बंद हो गया।
या नई टेक्नोलॉजी आ गई, नेचुरल फैक्टर किसी के कंट्रोल में, पॉपुलेशन किसी के कंट्रोल में नहीं है, तो ये सारे फैक्टर एक्सोजीनस है। अब बेटा कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसा मानते हैं कि फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट सबसे मुख्य इंटरनल कारण है। ये एमसीक्यू भी आया था, 2-3 बार आया था, समझे क्या बेटा? तो देखिए, फ्लक्चुएशन इन डिमांड, फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट, वेरिएशन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, मनी सप्लाई, आरबीआई की पॉलिसी, देन मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज और साइकोलॉजिकल फिनोमिना, ये देश के कंट्रोल में, इस देश के भीतर ही उत्पन्न होता है, ये एंडोजीनस है, इंटरनल। और एक्सटर्नल क्या? वॉर, पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजिकल शॉक, नेचुरल फैक्टर एंड पॉपुलेशन। और अगर आपसे पूछा जाए कुछ इकोनॉमिस्ट के हिसाब से सबसे प्राइम कारण क्या है, फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज मतलब आपकी देश की पॉलिसी बेटा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, लेबर पॉलिसी, टैक्स की पॉलिसी, ये देश के भीतर है। इंटरनल फैक्टर मतलब कंट्री के कंट्रोल में, कंपनी के कंट्रोल में नहीं, कंट्री के कंट्रोल में बोला। आपके देश की मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, लेबर पॉलिसी, कंपनीज एक्ट, ये सब। ओके, तो इस तरीके से हमने हमारा सिलेबस ख़त्म किया, लेकिन इसमें 5 डेफिनेशंस हैं, 3 ही हैं, वो 3 डेफिनेशन फटाफट देख लेते हैं बेटा। इनोवेशन के बारे में चर्चा करिए बेटा शम्टर ने, याद रखना, पीटर इनोवेशन, शम्टर इनोवेशन। पिगू ने ऑप्टिमिज्म पेसिमिज्म की बात करी है, तो अकॉर्डिंग टू पिगू, मॉडर्न बिजनेस एक्टिविटीज़ आर बेस्ड ऑन एंटिसिपेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड आर अफेक्टेड बाय वेव ऑफ ऑप्टिमिज्म पेसिमिज्म। याद रखना, पिगू साहब ऑप्टिमिज्म पेसिमिज्म की बात करते हैं, शम्टर बेटा इनोवेशन की बात करते हैं, बोलते हैं बिजनेस साइकिल इनोवेशन के कारण था। निकलस केल्डर की कॉबवेब थ्योरी बोलते हैं कि आज का दाम फ्यूचर की डिमांड को अफेक्ट करता है। निकलस केल्डर ने कॉबवेब थ्योरी दी, कॉबवेब थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय निकलस केल्डर होल्ड दैट बिजनेस साइकिल रिजल्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट प्रेजेंट प्राइस अफेक्ट्स प्रोडक्शन इन फ्यूचर डेट, डिमांड इन फ्यूचर डेट। इसके अलावा एक और आते हैं बेटा हमारे हॉटरे, हॉटरे ने वो ये कहते हैं बिजनेस साइकिल इज प्योरली मॉनिटरी, मॉनिटरी फिनोमिना, बिजनेस साइकिल इज प्योरली मॉनिटरी फिनोमिना इनके हिसाब से। यस, तो देखिए पिगू ऑप्टिमिज्म पेसिमिज्म, शम्टर इनोवेशन, निकलस केल्डर ने कॉबवेब थ्योरी दी है, बोलते हैं प्रेजेंट प्राइस से फ्यूचर प्रोडक्शन फ्यूचर डिमांड पे इंपैक्ट आता है, और हॉटरे ने दिया है बेटा मॉनिटरी फिनोमिना कहने की डेफिनेशन। फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं बेटा? सभी को इंपॉर्टेंस देते हैं, पर जब इकोनॉमिस्ट अपनी स्टडी करते हैं तो उनको जो प्राइम कॉज नज़र आया कि इस बार ये बिजनेस साइकिल इस रीज़न से उत्पन्न हुई, तो वो भैया जनरली इन्वेस्टमेंट नज़र आई। बाकी सभी फैक्टर इंपैक्ट करते हैं, लेकिन वो एक सबसे बड़ा रीज़न माना जाता है। तो इस तरीके से बेटा हम लोगों ने सारी की सारी क्लासेस के अंदर